हेलो 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 येस 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 एम आई लाइव एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल हेलो हेलो बच्चे हेलो हेलो हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू कैसे हो बच्चे क्या हालचाल ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद YouTube पे आई हूँ पढ़ाने के लिए तुम्हें ऐसा लग रहा है इवन अ डे यू नो वैन वी डोंट टेक सेशन आई डोंट नो दिस एटलीस्ट दिस इज़ ट्रू फॉर मी देन आई फील लाइक कि अरे यार क्या करें इतना टाइम हो गया ऐसा लगता है ऐसा फील होता है यस yes. yes, बच्चे क्या हालचाल क्या हालचाल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ वेरी हाई वेटेज यूनिट इकोलॉजी आज ही खत्म करेंगे एंड आई कैन गारंटी यू इसी सेशन में तुम्हें याद होके जाने वाली है पचास के पचास नंबर आप अपनी पॉकेट में लेके जाने वाले हो बच्चे पिछली बार बारह क्वेश्चन आए थे तो बारह से तेरह क्वेश्चन आते रहते हैं ग्यारह से तेरह क्वेश्चन आते रहते हैं लाइक टेन ट्वेल्व थर्टीन इज द नॉर्मल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर इकोलॉजी और तुम्हें पता है वी आर गोइंग टू कवर इट विद दीज सुपर नोट्स इन बढ़िया एकदम बढ़िया वाले नोट्स के साथ तुम इसको कवर करने वाले हो मेरे साथ हु ऑल इज एक्साइटेड यस मेरा बैक बैक तुम छोड़ो वो तो बच्चे नहीं ठीक होने वाला अभी मेरे तो फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने बोल दिया मुझे कि अगर आप इफ यू कंटिन्यू वर्किंग लाइक दिस देन आई कैन नॉट हेल्प यू आप कुछ दिन के लिए कुछ काम मत करिए दिस इज वॉट शी इज सेंग हाँ ठीक है ना तो ये देख लो और फिर अब क्या क्या तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है एनी वे एनी वेट चार्टेड अरे वाह क्या बात है क्या बात है आज मतलब आज तो तुमने मुझे खुश ही कर दिया इतने सारे बच्चे आ गए अरे क्या बात है बहुत सारे बच्चे आ सेशन में। चलो. Uh, बच्चे, सबसे पहले तो ए आई एम टी में जरूर पार्टिसिपेट करो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आप ही के लिए ये टेस्ट हो रहा है बच्चे आप ही के लिए हर संडे हम मॉक टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं स्केड्यूल करवा रहे हैं उस टेस्ट को जरूर लेना है ठीक है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा काहे नहीं तुम इसके इसके ऊपर अमल कर रहे हो काहे नहीं तुम इसको आप एनरोल करा रहे हो बच्चे एनरोल सिर्फ एनरोल नहीं कराना है आपको ये टेस्ट देना भी है गार्गी कोड लगाना फ्री है पहुँच जाना एंड वन मोर थिंग आपका बच्चे आज लास्ट डे है टुडे इज द लास्ट डे वेन यू आर गोइंग टू गेट फ्लैट 25% परसेंट ऑफ ऑन आन अकेडमी आन अकेडमी के ऊपर आपको फ्लैट 25% परसेंट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मिलने वाला है कोड आप लगाएंगे गार्गी बच्चे जब आप गार्गी कोड लगाएंगे तो आपको 25% परसेंट ऑफ मिलेगा आपको मेरा गाइडेंस मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा एंड वी हैव गॉट योर बैक बच्चे अगर ऐसा हो जाता है पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे जो बैचेज आ रहे हैं शौर्य बैच आ रहा है एंड लक्ष्य प्रो बैच आ रहा है ठीक है शौर्य बैच बच्चे अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं जहां पे आपको नोट्स आपके घर तक पहुंचते हैं जहां पे आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है एक मेंटोर मिल जाता है जो आपके पीछे ही लग जाते हैं वो आपको बताते हैं टाइम टेबल बनाएंगे एवरीथिंग आपको कोई भी चीज़ में रुकावट हो रही है ना तो बच्चे ये आइकॉनिक में जो आपको पर्सनल मेटोरशिप मिलती है दैट इज गोइंग टू हेल्प योर लॉट बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कोई गाइडेंस के लिए नहीं चाहिए देन यू कैन गो फॉर प्लस ठीक है लेकिन अभी के लिए आपको 25% ऑफ मिल रहा है वैसे ही बच्चे लक्ष्य प्रो बैच चल रहा है जो कि है फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इसकी क्लासेज में शुरू कर चुकी हूँ इसकी क्लासेज दो एक क्लास में ले चुकी हूँ उसकी है ना जी ओके एंड वी हैव गॉट योर बैक बच्चे तो है क्या कि अगर आपका बाई चांस ऐसा होता है कि आपने अटैम्प्ट करा अगले साल अटैम्प करा इस साल अटैम्प्ट नहीं होता है इफ यू हैव इफ यू हैव ट अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और अगले साल आपका नहीं होता क्लियर वी आर वी है जी चलो शुरुआत करी जाए तो पहले कौन से चैप्टर से शुरू करें तुम बता दो ठीक है तुम बता दो पहले कौन से चैप्टर से शुरू करें <coughs> मैम प्लीज ये मत बताओ वो मत बताओ बच्चे ये क्यों ना बताओ मैं आपको पता नहीं है बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं हर रोज़ मेरा कोड लगा के बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं दैट मीन्स दे नीड इट ना उनको भी तो बताना पड़ेगा ऐसा थोड़ी ना होता है कि हवा में बस चल रहा है उनको भी तो बताना हमारा फर्ज है ना वो बच्चा भी तो यहाँ पे आ रहा है है ना कौन सा चैप्टर करेंगे पहले ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन कर ले चलो सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन ही करेंगे क्योंकि यहीं से बेस बनता है इकोलॉजी का ठीक है जी हाँ जी यहीं से बेस बनता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये चैप्टर पहले करा जाता है क्या अब जो बच्चा यहाँ पे स्पैम कर रहा है मैम मॉर्फोलॉजी इकोलॉजी सॉरी एनाटमी मॉर्फोलॉजी एनाटमी का सेशन मैं कर लेने वाली हूँ दोनों चैप्टर एक साथ कर लेंगे दोनों चैप्टर एक साथ कर लेंगे ठीक है और अब आपके कुछ बस तीन चार चैप्टर रह जाएंगे जो मैं आपको ट्वेंटी मिनट सीरीज जो चल रही है उसमें कवर करवाने वाली हूँ जैसे कि एवोल्यूशन रह जाएगा ठीक है Evolution रह जाएगा वो मैं ट्वेंटी मिनट में करवा दूंगी वैसे मैंने ना दो तीन हफ्ते पहले इवोल्यूशन है बट मैं स्टिल आई विल प्रोवाइड यू द ट्वेंटी मिनट्स वाले नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसका सेशन आ जाएगा ठीक है दूसरी बात आपका रह जाएगा इलेवंथ में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसके भी मैं आपको ट्वेंटी मिनट का सेशन दे दूंगी ठीक है सेम बायोटेक्नोलॉजी का भी मैं आपको 20 मिनट के सेशन दे दूंगी सो so दैट अपने ये चार चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएंगे फिर अपना पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड देन वी कैन फोकस ऑन मोर एंड मोर प्रैक्टिस ठीक है हम और दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हैं यस yes, चलो ओके okay, चलो जी चलो जी अभी कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है कुछ पोस्टपोन नहीं हो रहा है कुछ भी पोस्टपोन नहीं हो रहा है लेकिन ना आपने आप इतने सारे आए हो ना यहाँ पे इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि आज आप इतनी भरी तादाद में मेरा सेशन देखने आए हो आप इतना मोटिवेट कर रहे हो ना हम सब लोगों को लास्ट टाइम पे है ना बड़ा ही ज्यादा मोटिवेट कर रहे हो चलो एनी वे एनी वे जो बच्चा यहाँ आया है वो बच्चा सच्चा बच्चा है वो बच्चा वो बच्चा है जिसके दिल में दिल जिसके मन में वो आग लगी हुई है जिसको पता है कि यस इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं रिवीजन करूं एंड प्रैक्टिस करूं रिवीजन करूं एंड प्रैक्टिस करूं ये बच्चा यही बच्चा है जो बच्चे आगे जाने वाला है यही बच्चा है जो इस साल मेडिकल कॉलेज में सीट लेने वाला है यही बच्चा है वो जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना मेरे साथ यही वो बच्चा है ओके okay, चलो हां और उसमें वो बच्चा नहीं आता है जो बीच में निकल लेगा अभी अभी ऐसे बच्चे भी आएंगे जो बीच में ही निकल लेंगे वो नहीं है वो नहीं है जो बीच में छोड़ के जाएगा बच्चे उसकी मैं गारंटी ले रही हूं वो पछताने वाला है सिंपल सी बात है चलो शुरू करा जाए कुछ पोस्टपोन नहीं होने वाला है पढ़ाई करो पढ़ाई 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 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम हम अपना गोल लेके चलते हैं टारगेट लेके चलते हैं कि इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे कितने मिनट्स में खत्म करेंगे क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है है ना जी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स आएगा बच्चे पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन आएगा तो ऑर्गेनिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स ठीक है हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स एंड हम पढ़ेंगे अडेप्टन वी विल लर्न अबाउट अबाउटेशन ऑल्सो यस चलो हम अडेप्टन yes, भी करेंगे कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तुम्हें कौन से प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए एक बच्चा बोल रहा है मैम प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम एनीवे एनीवे हाँ जी चलो जी आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो मेजर बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चे मेजर पहले तो तुम कुछ बेसिक टर्म्स है जो तुम देख लो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ऑर्गेनिज्म होता है एक स्पीशीज का एक इंडिविजुअल ठीक है मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं तुम एक ऑर्गेनिज्म हो हम सब सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं तो सेम स्पीशीज का जो एक ग्रुप बन गया उसको बोलते हैं पॉपुलेशन दैट इज नोन एज पॉपुलेशन ठीक है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं कम्युनिटी क्या है भाई बहुत सारी पॉपुलेशन अगर साथ में आके रहने लगी मतलब अलग अलग स्पीशीज अगर साथ में आके रहने लगी दैट इज नोन एज कम्युनिटी इको क्या है बच्चे इको इज जब कम्युनिटीज तो हैं ही देखो इकोसिस्टम में हमेशा बोलती हूँ इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट आ जाते हैं सारी स्पीशीज़ तो आ गई डॉग्स आ गए बिल्ली आ गए ठीक है इंसान आ गए प्लांट आ गए मच्छर आ गया भेड़िया आ गया है ना हाथी आ गया घोड़ा आ गया सब आ गया लेकिन उसके साथ साथ आपके नॉन लिविंग चीज़ें भी आ जाएंगी जैसे कि जैसे कि हवा पानी सॉयल ये सब आ जाएंगे उसको हम बोलते हैं इको इसकी पढ़ाई को बोला जाता है बच्चे इकोलॉजी इसकी पढ़ाई को बोला जाता है इकोलॉजी बायोम क्या है बहुत सारे इको मिल गए तो बायोम बनेंगे बहुत सारे बायोम मिल गए तो बायोस्फेयर बनता है और इकोलॉजी क्या है इस चीज़ की पढ़ाई ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है इस चीज़ की पढ़ाई को हम इकोलॉजी बोलते हैं चल आ जाओ हैबिटेट एंड निश में बड़ा हमें कंफ्यूजन होता है मैम हैबिटेट क्या है हैबिटेट इज बच्चे एक जगह एक एरिया ठीक है जिस एरिया में कोई चीज रह रही है एक डॉगी है तुम्हारे घर के बाहर रोज तुम्हें वही मिलता है रोज तुम्हें वही मिलता है सो दैट इज द हैबिटेट ऑफ दैट डॉगी करेक्ट अब उस डॉग का क्या काम है उस जगह में उसको हम बोलते हैं निश और वो काम कैसे कर पा रहा है वो वाला उसको हम बोलते हैं निश जैसे कि मैं हूं मैं किसी बिल्डिंग में रहती होंगी है ना तो ये जो जगह मैंने ऑक्यूपाई करी हुई है ये प्लस आ, जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ अपना काम करने के लिए वो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ये लैपटॉप यूज कर रही हूँ ये, ये जो आई है वो यूज़ कर रही हूँ एंड ऑल्सो मेरा काम क्या है मेरा काम है पढ़ाना ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारी नीच में तो क्या है आप जगह किस जगह पर हो आपका काम क्या है और आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो उस काम को करने के लिए तो बच्चे आपके पास कितने तरह के बायोम्स हैं यू हैव फोर मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स इन इंडिया आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेजर्ट एंड सी कोस्ट डेजर्ट एंड सी कोस्ट ठीक है चलो ओके okay. एंड बच्चे एक चीज मैं बता रही हूं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना वही करो इकोटोन क्या होता है मैम इकोटोन एनसीईआरटी में दिया है इस टाइम पे बच्चों आप एनसीईआरटी से बाहर वाली चीजें मत पूछो अगर एनसीईआरटी से बाहर करवाना हो मैं चार घंटे और लगा दूं तुम्हारी इकोलॉजी में बहुत कुछ है पढ़ने को लेकिन एनसीआरटी से बाहर मत जाओ बिल्कुल भी मत जाओ ठीक है ओके okay? नीला बोल रही मैम शेयर योर नोट्स वंस अगेन ऑल चैप्टर्स नीला मैंने अभी सारे के सारे नोट्स एक जगह शेयर कर दिए हैं और आज मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी शेयर कर दूंगी तुम्हें अभी भी तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है बच्चे अब तो मैंने सारे एक जगह शेयर कर दिए अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए हाँ चलो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंड कहाँ मिलेंगे डॉक्टर गार्गी सिंह टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे आज वो बच्चे ए बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो वी हैव टेम्परेचर हमारे पास क्या है टेम्परेचर है टेम्परेचर को बोला जाता है सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली रेलिवेंट है क्यों क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहां पर क्या होता है यहाँ पे बच्चे जो एंजाइम है ना एंजाइम आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया रिएक्शन थोड़ा सा तेज चलेगा फिर और बढ़ा दिया आपका एंजाइम गया ठीक है तो इसलिए दिस इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर उट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो एडजस्ट कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल है यूरीथर्मल यूरी बोला जाता है बच्चे ठीक है उनको क्या बोला जाता है यूरीथर्मल वो टॉलरेट कर लेते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ठीक है जैसे कि बर्ड्स एंड मैनिमल्स कुछ होते हैं बच्चे स्टेनोथर्मल जैसे कि पोलर बेयर सिर्फ और सिर्फ ठंडी में मिलेगा अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया ना तो भाई उसको दिक्कत उसको दिक्कत सो दे आर नोन एज टेनो थर्मल अब आ जाओ तुम पानी पे पानी पानी रे पानी की कहानी है ना प्रोटोप्लास्ट आपका बनाने के लिए पानी चाहिए आपके एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी चाहिए कितनी सारी चीजें पानी में जिसका रिक्वायरमेंट होता है अब बच्चे आप बोलोगे कि मैम तो जो चीज पानी के अंदर रहती है उसके तो मजे हैं उसको तो कोई कमी नहीं होगी मैं बोलूँगी कि नहीं बच्चे उसको भी कभी हो सकती है पीएच कम ज्यादा हो सकता है सेलिनिटी कम ज्यादा हो सकती है है ना उसकी वजह से जो अपना ऑर्गेनिज्म है वो बेचारा परेशान हो सकता है तो सेलिनिटी इट इज सेलिनिटी ठीक है ये क्या है सेलिनिटी सेलिनिटी क्या है कि पानी के अंदर कितने बच्चे सॉल्ट हैं, कितने सॉल्ट्स हैं तो कितने सॉल्ट हैं इनलैंड वाटर विच इज फ्रेश वाटर रिवर वाला वाटर है जिसको हम पी सकते हैं उसके अंदर पांच तक तुम बोल सकते हो ठीक है अगर मैं समुद्र के पानी की बात करूं तो खारा होता है तीस से थर्टी फाइव देखो सेलिनिटी इंक्रीज होगी नंबर ऑफ सॉल्ट इंक्रीज हो गए एंड हाइपर सेलाइन मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम जहां पर कौन रहते हैं हेलो फाइट्स रहते हैं जहां कौन रहते हैं बच्चे हेलो फाइट्स रहते हैं ठीक है यस जहां पर हेलो फाइट्स रहते हैं वहां पर क्या है? भाई सौ तक भी जा सकता है ठीक है सौ तक भी जा सकता है भाई चलो अब ऐसे ही बच्चे जैसे हमने पढ़े थे यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल उसी तरह से क्या होते हैं कुछ ऐसे होते हैं तो बड़े सेंसिटिव कि थोड़ा सा भी ज्यादा नमक डल गया ना है ना कुछ होते हैं ना थोड़ा सा भी ज्यादा नमक डल गया हम नहीं खाएंगे खाना थोड़ा सा भी कम नमक डाल दिया मम्मी ने हम नहीं खाएंगे खाना लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं अगर मम्मी से गलती से नमक ज्यादा डल गया तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं कम डल गया तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं तो वो कौन होते हैं यूरी हेलाइन होते हैं वो कौन होते हैं यूरी हेलाइन होते हैं जो नखरे दिखाते हैं वो कौन होते हैं होते हैं भाई ये टॉलरेट नहीं कर पाते ज्यादा ठीक है ये सिर्फ नैरो रेंज में रहते हैं जैसे कि शार्क जैसे कि शार्क नखरे वाली है शार्क को देख के भी ऐसा लगता है ना बड़े नखरे होंगे सैलवन शरीफ है सैलवन शरीफ है, है। समुद्र के पानी में भी आ जाती है फ्रेश वाटर में भी आ जाती है और बेचारी मर भी जाती है है ना हाँ मर भी जाती है नोट्स आर ऑसम थैंक यू बच्चे थैंक यू चलो अच्छा इधर एक मैंने क्वेश्चन भी पूछा तुमसे कि इफ अ हाई सॉल्ट वाटर फिश इज मूव टू फ्रेश वाटर तो क्या होगी बच्चे स्वेल हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स और वो बेचारी फट जाएगी और मर जाएगी ये दिक्कतें हो जाती हैं ऐसी बात नहीं है कि पानी के अंदर है तो मैम क्या दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं होगी होगी बिल्कुल होगी बच्चे अब हम बात करते हैं सनलाइट की सनलाइट क्यों चाहिए भाई तुम्हें अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटो कैसे करेगा अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फूल कैसे खिलाएगा फोटो पीरियडिज्म कैसे होगा फोटो पीरियडिज्म कैसे होगा इज द प्लांट दे नीड सनलाइट फॉर फ्लावरिंग जिसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट किसी को ज्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो ये वही है एनिमल्स के केस में अगर हम बोले फॉरेजिंग कुछ रात को निकलते हैं खाना खोजने कुछ दिन में निकलते हैं खाना खोजने वो क्या फॉरेजिंग है रिप्रोडक्शन भाई कुछ पूरा का पूरा साल रिपोर्ट रिपोडक्शन करते हैं कंटिन्यूअसली है, जैसे कि तुम लोग ठीक है ह्यूमन बींग कुछ बच्चे कैसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं अब सीजन किसकी वजह से आते हैं सनलाइट की वजह से आते हैं ना सन की वजह से सीजन बनते हैं तो इसीलिए ये रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट करने वाला है एंड ऑल्सो माइग्रेशन भाई माइग्रेशन कहीं पर बहुत ठंडी हो गई तो ये गर्म वाली जगह में चले जाएंगे है ना ये गर्म वाली चले जाएंगे. और जो गर्म वाली जगह थी जब समर आ गया तो वहाँ बहुत गर्मी हो जाएगी तो ठंडी वाली जगह पर चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अभी बच्चे इस टाइम पे अगर आप सिर्फ नोट्स भी पढ़ रहे हो तो काफी है देखो इस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था अभी आ, कुछ दिन पहले इसी चैनल पे डाला था मैंने और वो वीडियो तुम देखते नहीं हो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ एक और स्ट्रेटी वाला वीडियो डाल दिया कम से कम मेरे वीडियोज को देख लिया करो मैं बहुत ही कम इस तरह के वीडियोज बनाती हूँ आई ओनली मेक दिस वीडियो जब मुझे लगता है कि ये वाले सेशन से बच्चे को फायदा होगा देख लिया करो वो जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आपका नंबर आ रहा है दो से तीन तक तो क्या करना है ठीक है पाँच सौ में स्टक हो तो क्या करना है डू वॉच दैट वीडियो बच्चे ठीक है हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में उसमें बताई है मैंने आ जाओ सॉइल बच्चे सॉइल सॉइल से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इडाफिक फैक्टर क्या बोला जाता है इडाफिक फैक्टर्स बोला जाता है अब सॉयल में क्या क्या हो सकता है यार सॉइल का पीएच हो सकता है सॉइल के अंदर मिनरल्स कितने हैं सॉइल का साइज़ क्या है बड़ा है छोटा है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है ये सारी चीज़ें ना जो डिपेंड करेंगी कि हमारे वहाँ पे किस तरह का प्लांट्स आएंगे और उस प्लांट को खाने के लिए किस तरह के एनिमल्स आएंगे तो देखो कॉम्पोजिशन आ गया मिनरल्स आ गए पी आ गया ग्रेन का साइज आ गया टोपोग्राफी आ, आ गया बच्चे वॉट इज़ टोपोग्राफी टोपोग्राफी इज़ कहाँ पर नदियाँ हैं कहाँ पर यू नो वो पहाड़ हैं कहाँ पे प्लेन है दैट इज़ टोपोग्राफी ठीक है परकुलेशन परकुलेशन क्या है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ योर सॉयल जितना ज़्यादा वो सॉइल को वाटर को होल्ड कर पाएगी उतना ही बच्चे नीचे कम जाएगा ठीक है उतना ही नीचे कम जाएगी तो मूवमेंट पे भी डिपेंड करेगा ना अगर सॉइल ऐसे पकड़ के बैठ गए पानी को नीचे ही नहीं जाने देगी परकुलेशन कितना होगा कम हो जाएगा है ना जी यस वेरी गुड वेरी गुड चलो अब ना और पता क्या ये जो मेरे सेशन है ना स्पेशली द ट्वेंटी मिनट्स वाले वो तो ऐसे सेशन है ना जो तुम रात को सोते हुए आंख बंद करके हेडफोन्स लगा के सुनो आपका चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा आपका चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा है ना चलो और ये सेशन भी मैं इसी तरह से ले रही हूँ अगर आपको इकोलॉजी पूरा रिवाइज करना हो तो वन पॉइंट फाइव बच्चे देखना एंड आपका इकोलॉजी आई होप कि हम ये तीन घंटे में चार चैप्टर कर लें तो इकोलॉजी आपका जब आप वन पॉइंट फाइव करोगे तो आराम से थोड़ा जल्दी हो जाएगा रिवाइज़ है ना यस चलो चलो आ जाओ यस yes, मैंने बायो मॉलिक्यूल्स का किया कल अच्छा अरे ग्रेट 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 तो नेक्स्ट में पता है तुम्हें एवोल्यूशन uh, भेजने वाली हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट में तुम्हें एवोल्यूशन भेजने वाली हूँ ओके okay? ठीक है हाँ यस yes, राइट right. अच्छा एक मिनट भाई शाम को सिक्स थर्टी पी एम सिक्स थर्टी पी एम शाम को वी हैव अ टेस्ट वो मिस नहीं करना है वो कोई भी मिस नहीं करेगा उसका लिंक बच्चे वैसे तो मैंने यहाँ पे पिन करवाने के लिए बोला था वो थोड़ी देर में पिन हो जाएगा ठीक है तो उसका लिंक आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा डॉक्टर गार्गी सिंह और टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा वो जरूर ज्वाइन कर लेना साढ़े छः बजे मॉक टेस्ट है सो क्वेश्चन एंड वी ट्राई टू फिनिश दैट इन वन आवर टेन मिनट्स तक बस मतलब हम उसको खत्म कर देते हैं सत्तर मिनट में हम खत्म कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग चलो अब एक क्वेश्चन बच्चे दिस इज योर पी वाई क्यू पीवा क्यू में पूछा गया था कि बताइए स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना उसमें छोटी छोटी घास भी होगी उसमें थोड़े बड़े प्लांट भी होंगे उसमें और भी टॉल ट्रीज होंगे क्या यहाँ पे तुम्हें लेयर्स बनी हुई नहीं दिख रही वन टू थ्री ऐसे लेयर्स नहीं बनी इन लेयर्स को ही बोला जाता है स्ट्राटिफिकेशन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको शेड में रहना बड़ा अच्छा लगता है उनको हम बोलते हैं स्कायोफाइट्स कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए उनको बोलते हैं लियानाज ठीक है जस्ट लाइक रियाना वैसे ही इनको बोला जाता है लियानाज 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 ये देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे स्ट्राटिफिकेशन वर्टिकल लेयरिंग कहां मिलेगा ये मुझे मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ठीक है और बच्चे जो हेलो फाइट्स होते हैं ना ये पी वाई क्यू डाले हुए मैंने यहाँ पे जो हेलो फाइट्स होते हैं ना जैसे कि मैंग्रोव उसका एग्जाम्पल राइजोफोरा वो विवीपेरी शो करते हैं है। मैम और विवीपेरी यहाँ पे कैसे प्लांट्स में वीवीपेरी इसलिए शो करते हैं बच्चे ये देखो ये मैंने डायग्राम बनाया ना यहाँ पे ये मान लो फ्रूट है फ्रूट से ही वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है वहीं से जर्मिनेट कर जाता है और ऐसा लगता है कि कि जो प्लांट है ना पेड़ एक नए पेड़ को जन्म दे रहा है एक नए प्लांट को जन्म दे रहा है चलो नेक्स्ट आ जाओ होम्योस्टेसिस व्हाट इज होम्योस्टेसिस आप अपना एनवायरमेंट अंदर का एनवायरमेंट चाहे आपका पानी का और आयन का बैलेंस हो चाहे आपका टेम्परेचर का बैलेंस हो वो मेंटेन कर रहे हैं ना बच्चे उसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं होम्योस्टैसिस में ना देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सिर्फ ना हम थर्मोरेग्युलेशन की बात करते हैं नहीं उसमें बच्चे सब कुछ आ जाता है एवरीथिंग हर एक चीज आयंस का बैलेंस भी आ जाता है पानी और आयंस का बैलेंस भी आता है और थर्मोरेगुलेशन भी आता है बट मोस्टली हम क्या बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं जैसे कि इंसान का जो टेम्परेचर है दैट इज मेटेन्ड एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है देखो मैंने यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन भी लिखा हुआ है कुछ होंगे बच्चे आपके पोए किलो थम्स जो कि होंगे कोल्ड ब्लडेड यू आर नॉट कोल्ड ब्लडेड आर यू कोल्ड ब्लडेड नो यू आर नॉट कोल्ड ब्लडेड कुछ होंगे बच्चे आपके होमियो थर्म्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं रे को कर पाते हैं ठीक है कर पाते हैं चलो जी आ जाओ और मतलब मैं अगर बोलूंगी नहीं तो सेशन को लाइक भी नहीं करेंगे हम है ना कर दो यार लाइक <coughs> और जिस तरह से तुम्हारा हाल चल रहा है ना मुझे लग रहा है सूनर और लेटर द टीचर्स आर गोइंग टू बी लाइक कि भाई ये तो आते ही नहीं है ऐसा करते हैं कि हम्म कहाँ जा रहे हो तुम आजकल इतना बढ़िया हमारा चैनल है उस चैनल पे इतने मेहनत कर रहे हैं लोग और तुमने आना बंद कर दिया यार हाँ चलो ठीक है इधर उधर भटक रहे हो तुम लगता है दूसरे चैनल्स पे भटक रहे हो रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक स्ट्रेस बच्चे क्या होगा यू हैव रेगुलेटर्स यू हैव कॉन्फॉर्मर्स आपके पास कोई सिचुएशन है तो उसमें क्या करोगे या तो तुम भाग जाओगे ठीक है भाग जाना मतलब माइग्रेट कर जाना या तो तुम छुप जाओगे छुप जाना मतलब सस्पेंड हो जाना या फिर तुम बच्चे क्या करोगे उसका सामना करोगे डट के कि अच्छा मैं बता दो तुम्हें और तुम बदलोगे नहीं या फिर ऐसा होगा कि तुम उसके कहने पर जो जैसे वो बोल रहा है वैसे बन जाओगे तुम कॉन्फॉर्मर्स बन जाओगे तो यू हैव रेगुलेटर कॉन्फॉर्मर माइग्रेट एंड सस्पेंड फटाफट से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं चलो रेगुलेट कौन कौन कर सकते हैं रेगुलेट कौन कौन करेंगे बच्चे मैमल्स बर्ड्स एंड कुछ इन्वर्टिब्रेट रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि अपना इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करना स्टेबल रखना बहुत बड़ा काम है बहुत पैसे खर्च होते हैं एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है चलो अच्छा अब कॉन्फॉर्मर्स की बात करें अब इसमें क्वेश्चन सीधा आता है भाई कौन है इनमें से कॉन्फॉर्मर्स कौन है इसमें से रेगुलेटर याद रखना है कॉन्फॉर्मर्स की बात करें तो नाइनटी नाइन परसेंट आपके एनिमल्स क्या हैं कॉर्नफार्मर्स हैं और सारे के साल सारे प्लांट कॉनफार्मर्स ही हैं अब बच्चे क्यों ऐसा क्योंकि थर्मो रेगुलेशन मैंने बोला था ना खर्चा लगता है अरे बाबा पैसा लगता है पैसा लगता है है ना गर्मी है गर्मी में अपने घर को ठंडा रखना है तो ए सी लगाना पड़ेगा ना तो खर्चा लगता है वैसे ही तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना बच्चे उनका जो बॉडी वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सर्फेस एरिया ठीक है उनका जो बॉडी वॉल्यूम है ना उस जैसे कोई बर्ड है बर्ड ने अपने विंग्स खोले तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया तो ली उसने जितनी भी हीट उसके अंदर थी वो लूज कर दी जल्दी से लूज कर दी इसलिए बच्चे ये आपको कहाँ नहीं मिलेंगे ये आपको कभी नहीं मिलेंगे पोलर एरियाज में रिस्क होता है ये तो मतलब मर जाएगा बेचारा अब आ जाओ तो माइग्रेट पे माइग्रेट मतलब चले गए पलायन कर जाना पलायन कर जाना ठीक है जैसे तो तुम ठंडी हो गई तो गर्म वाली जगह चले गए जैसे कि किलादो नेशनल पार्क यहाँ पे कौन आ जाते हैं यहाँ पे आपके कुछ साइबेरिया से बर्ड आ जाते हैं और जैसे तुम्हारी किताब में एक और एग्जाम्पल दिया तुम अगर शिमला चले जाओ गर्मी में दैट इज एन ऑल्सोल माइग्रेशन माइग्रेशन नेक्स्ट बच्चे वी हैव सस्पेंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है सस्पेंड है इधर उधर की बातें नहीं करो मैं आपकी चैट इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ सो दैट जो बच्चा पढ़ने आया है उसके लिए उसका एक सेकेंड भी बर्बाद ना हो ठीक है ना एक सेकेंड भी उसका बर्बाद ना हो मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा इधर उधर की बातें भी करते हैं तो मैं नहीं चाहती कि वो वाला उसके ऊपर ध्यान मेरा भी जाए या आपका भी जाए किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए ठीक है हाँ ठीक है चलो यस यस क्योंकि बच्चे अब वो टाइम रहा नहीं है दस दिन रह गए अब दस दिन रह गए तो उसमें भी तुम तमाशे करोगे दस दिन में भी जिसने नहीं पढ़ना उसने नहीं पढ़ना है ठीक है और जो जिसे पढ़ना है उसे पढ़ना है बिल्कुल बिल्कुल नोट्स आर इनफ बच्चे नोट्स आर इनफ 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 चलो आ जाओ आ जाओ सस्पेंड सस्पेंड बच्चे कहां कहां हो जाएगा सस्पेंड का मतलब होता है क्या हुआ मैंने छुप जाना रुक जाना तो जैसे कि बैक्टीरिया है फंगाई है लोअर प्लांट्स है ये क्या करते हैं स्पोर बना लेते हैं कुछ टाइम के लिए रुक के, गए तो हो जाएंगे ऐसे ही हायर प्लांट्स उसमें सीड सीड बन जाता है है शो करता है। जब फेवरेबल uh, कंडीशन आते हैं तो फिर जर्मिनेट हो जाता है ठीक है चलो ओके okay? चलो आ जाओ आ जाओ देन बच्चे यू हैव एनिमल हाइबरनेशन ठीक है जी कुछ एनिमल्स जो हाइबरनेट कर जाते हैं जैसे कि बेयर कुछ भाई समर स्लीप में भी चले जाते हैं कुछ फिशेज एंड स्नेल फिशेज एंड स्नेल अब एक टर्म दिए बच्चे डाइपॉस जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि होता क्या है कुछ नहीं है ऐसे इमेजिन करो ऐसे इमेजिन करो कि अच्छा आई गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डायपॉज आप नर्सरी में गए पहले ठीक है फिर के जी में आए फिर वन टू थ्री फोर ऐसे ऐसे चले ना मान लो <laughs> मान लो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम फेल हो गए हो मान लो कोई बच्चा फेल हो गया ठीक है वो फोर्थ में था अब फेल हो गया तो फिर से फोर्थ करनी पड़ेगी ना रुक गया ना वो रुक गया ना ठीक है रुक गया ना वो अच्छा चलो उसको फेल नहीं करते ऐसा बोलते हैं कि उसकी तबीयत भी खराब ऐसा तो अच्छी बात नहीं ना चलो यार किसी कारण से उसकी तबीयत खराब हो गई ठीक है वो खेल रहा था नीचे गिर गया उसकी थोड़ा यहां पे चोट लगी हड्डी वड्डी टूट गई तो बच्चे वो पेपर नहीं दे पा रहे वो क्या कर रहा है आराम से बैठा हुआ है तो जब वो ठीक होगा वो फिर से तब पेपर देगा लेकिन तब तक वो क्या करेगा फोर्थ क्लास में ही रहेगा ना फिफ्थ में तो नहीं जा सकता ऐसा तो नहीं होता तो इसको बोलते हैं हम सस्पेंड में डायपॉज डायपॉज ठीक है इज कि आपकी बहुत सारी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की आप एक किसी स्टेज पे रुक गए जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो आप फिर से धमाल मचा दोगे जैसे कि जू प्लैक्टन एंड इंसेक्ट ठीक है जैसे कि जू प्लैंक्टन एंड इंसेक्ट ओके चलो आ जाओ आ जाओ अडेप्टेशन पे आ गए भाई हम क्या बात है क्या बात है क्या बात है पे आ गए भाई क्या है बच्चे जेनेटिकली फिक्स्ड हो सकती हैं, या फिर मॉर्फोलॉजिकल हो सकती हैं, या फिर बायोकेमिकल हो सकती हैं, या फिर बिहेवियरल भी हो सकती हैं। आप देखते हैं जिनेटिकली फिक्स्ड में वैसे इसको ना तुम फिजोलॉजिकल में भी डाल सकते हो क्योंकि बच्चे पता है क्या क्यों मैं दोनों लिख रही हूं कि दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन यहां पूछा जाता है मोस्ट करेक्ट इज दिस वन ओनली ज़्यादा करेक्ट यही है लेकिन अगर ये नहीं दिया तो फिजियोलॉजिकल करके आ जाना इसका कोई और ऑप्शन नहीं बनता है तो भाई किस में होता है ये किस में होता है कैंगरू रैट में कैंगरू रैट कैसा है ये जिंदगी भर पानी ना भी पिए तो इसका जीवन चल जाता है कैसे चल जाता है क्यों भाई क्यों चल जाता है एक तो ये मिलता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में ये क्या करता है ये क्या करता है ये फीड करता है बच्चे ऐसे सीज के ऊपर जिनके अंदर बहुत फैट होता है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था पहले जिनके अंदर बहुत फैट होता है अब इतना फैट ये खा लेता है तुम बोलोगे मैम ये क्या हो रहा है एक तो इतनी गर्मी में ऊपर से इतना फैट खा रहा है ये क्या बात है खा लेता है ये खाएगा खाएगा बहुत सारा फैट कंज्यूम कर लेगा क्यों करा क्योंकि फैट जब टूटेगा जब फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो पानी बनता है तुम्हारी बॉडी में भी बनता है पानी लेकिन तुम्हारा इतना विशाल का है शरीर है कि वो पानी तुम्हारी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकता ये तो छोटू सा होता है इसके लिए वो पानी भी काफ़ी है तो फैट का ऑक्सीडेशन करेगा मेटाबॉलिक वाटर बनाएगा उससे ही काम चलाने वाला है रे यूरिन को इतना कॉन्सेंट्रेट कर सकता है कि तुम इमेजिन ना कर सको इसके पास स्वेट ग्लैंड भी नहीं है ये वैसे ये वाली चीज़ इसकी बड़ी अच्छी है स्वेट ग्लैंड भी नहीं है मतलब नहाता भी नहीं है तो फिर बदबू भी नहीं मारता होगा है ना हाँ चलो ये ये वाला ये वाला हमें शायद बायोटेक्नोलॉजी में इसका ये जीन निकाल के हमारे पास आना चाहिए करेक्ट ठीक है ना डीओ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बायो केमिकल एडेपेशन बच्चे क्या है जब आपके पास इस तरह के केमिकल्स हो जो तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ से प्रोटेक्ट करवा रहे हैं जैसे कि आर्खी बैक्टीरिया के पास क्या केमिकल्स क्या हैं रे बाबा सीडोपेप्टीडोग्लाइकन है उसकी सेल वॉल में जो उसको बहुत ही खतरनाक कंडीशन पे भी रहने के लिए मदद करता है चाहे बहुत गर्मी हो चाहे बहुत एसिडिक कुछ हो चाहे बहुत गर्म पानी में हो वो बच्चा था और बच्चे दूसरा एग्जाम्पल क्या Fishes, है फिश जो कि रहती हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए है ना जो वहाँ रहती है उनके पास उनके अंदर उनका जो पानी है वो जमता नहीं है क्यों नहीं जमता वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है क्योंकि उनके पास एक बड़ा खास प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन वो जाके उसको मेल्ट करता रहता है करता रहता है करता रहता है तो उसका काम चल रहा है बहुत बढ़िया काम चल रहा है अब आ जाओ तो मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टन पे बाबा हाँ जी बच्चे ये वेरी गुड टैक पॉलिम रेज बिल्कुल सही बात है सही बात है वेरी गुड सताक्षी हम्म वेरी गुड चलो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टन पे आ जाओ यहाँ पे हम कुछ ऐसे इसमें बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी में तुम एग्जाम्पल पढ़ते दो ना वो यहाँ लगा लो वो सारा मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टन हो जाएगा ठीक है चलो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टन फॉर एग्जाम्पल कैक्टस पढ़ते हो ना तो ये एग्जाम्पल कल मैं करवा रही हूँ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी हाँ चलो मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टन में बच्चे सबसे पहले हम करेंगे कैक्टस कैक्टस में क्या होता है कैक्टस की स्टेम ने पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया और जो लीव्स थे वो कैसे बन गए लीव्स बन गए नाजुक नाजुक पतले पतले ताकि जो सूरज देखता है वो उनसे पानी ना चूस सके फॉर एग्जाम्पल कैक्टस एग्जाम्पल ओपनशिया द स्टेम इज फ्लैशी एंड लीव्स आर स्पाइनी पानी का रिडक्शन करने के लॉस को कम करने के लिए जिम्नोसफॉर्म में बच्चे थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा बन जाता है संकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा ऐसे यहाँ नहीं प्रेजेंट है नीचे की तरफ धसा हुआ है जितना अंदर होगा उतना ही पानी निकालना मुश्किल ठीक है चलो एक कैंप पाथवे हुए होते जिसमें प्लांट और भी स्मार्ट बन गए उन्होंने बोला हम दिन में टोमेटा ही नहीं खोलेंगे कुछ भी कर लो हम तो रात को ही ओपन करेंगे हम तो स्कोटो एक्टिव बनेंगे हम तो स्कोटो एक्टिव बनेंगे ताकि हम पानी को और भी ज्यादा और भी ज़्यादा सेव कर सके टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर ये सारी चीजें याद रखने के हैं ओके चलो अब एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में एक भाई साहब है एन रूल एलन्स रूल के अलावा अगर आपने कोई और रूल याद करा बच्चे आपकी मर्जी है आपको अपने दिमाग में ज, बहुत फालतू की इंफॉर्मेशन रखनी है कचरा रखना है आपकी मर्जी है लेकिन इससे बाहर कुछ आएगा नहीं एलन रूल के अलावा कोई वाला रूल नहीं आने वाला अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे मैम ये वाला रूल वो वाला रूल अबे रूल गए तेल लेने एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान दो ठीक है ना चलो आ जाओ एनिमल्स इन कोल्डर रीजन हैव शॉर्ट ईयर्स शॉर्ट लिम्स ठीक है ये बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ठंडे इलाके में उनके जो एक्सट्रीमिटीज होती है ना जैसे कि कान है लिम्स हैं वो छोटे होते हैं भई अगर बड़े होंगे जैसे हाथी का इतना बड़ा है अगर वो ठंडे इलाके में चला जाए तो उसका तो हीट लॉस होता रहेगा होता रहेगा वो कैसे जिंदा रहेगा सो जस्ट टू रिड्यूज़ अ हीट लॉस इन्होंने अपने सरफेस एरिया को कम कर लिया है और बच्चे एक और एडाप्टेशन बता दूं मैं तुम्हें ब्लबर दैट इज ऑल्सो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टशन ब्लबर ठीक है ब्लबर ओके मैम मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहा है बच्चे एक बार बताऊं एक बार बताऊं डर सबको लग रहा है सिर्फ तुम नहीं हो जिसको डर लग रहा है आपने बोल दिया बस आप ये, ये सिर्फ इतनी सी बात है आप ऑनेस्ट हो आपने बोल दिया कि मुझे डर लग रहा है डर बच्चे उसको भी लगता है जो 700 नंबर लेकर आ रहा है जो 710 लेकर आ रहा है बिलीव मी ट्रस्ट मी क्योंकि हर बच्चा जिसके 710 भी आ रहे हैं ना उसको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है मेरे साथ एग्जाम में ठीक है क्योंकि आप दिस इज दिस इज़ नेचर ओनली हम ऐसे ही तो इवॉल्व हुए हैं डर डर के कि डर डरते डर रहेंगे अरे ये नहीं होगा वो नहीं होगा बट अपने आप पे पूरा फुल कॉन्फिडेंस आपको रखना है इस टाइम पे बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में नहीं आने देनी बच्चे जितनी आ, आप नेगेटिव आ, आपका जाएगा ना कि नहीं होगा नहीं पता नहीं क्या होगा दैट इज गोइंग टू ड्रेन ऑल द गुड एनर्जी फ्रॉम यू सारी पॉजिटिव एनर्जी तो उसमें चली जाएगी सारी एनर्जी उसमें चलेगी तो आप कैसे करेंगे नहीं बिल्कुल नहीं सोचना है बस ये सोचना है कि मेरा तो होगा बिल्कुल होगा मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अटेंड कर रही हूं क्लासेस जब मैम आ रही है मैं भी आ रहा हूं मैम जब टेस्ट ले रही है मैं भी ले रहा हूं है ना तो काहे काहे बच्चे काहे डरना है क्यों डरना है क्यों डरना, डरना है बिल्कुल नहीं डरना है मेरे को कितने सारे बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं मैम सिर्फ एक महीने आपके साथ एक महीने से पढ़ रहे हैं और मेरे इतने नंबर बढ़ गए हैं मतलब यू वॉन्ट इवन बिलीव इट इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है बच्चों का तो ये लास्ट में बच्चे छक्का लगाना है हमें हाँ यस yes. लास्ट में छक्का लगाना है और मैंने देखो लिंक यहाँ पे अपडेट हो गया है सिक्स थर्टी पी की क्लास का लिंक अपडेट हो गया बच्चे इस लिंक को ज्वाइन करो एवरीबडी एंड सिक्स थर्टी पे फ्री मॉक टेस्ट है इतने बढ़िया करारे मजेदार क्वेश्चन हम करते हैं ना बस मज़ा आ जाएगा तुम्हें और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा तुम्हारा बहुत ज्यादा दिस इज वॉट यू नीड राइट नाउ बहुत जल्दी वाला रिविजन और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस बस बच्चे ये दो चीजें करनी है अभी डरना नहीं है डरना नहीं है मेरे बच्चे हो के डरोगे अलाउड ही नहीं है डरना ही नहीं है ठीक है चलो आ जाओ ब्लबर बच्चे किसका एग्जाम्पल है ब्लबर एक फैट का लेयर बन गया है इंसुलेशन करेगा जितनी हीट तुमने ट्रैप कर ली उसको बाहर नहीं जाने देने का ठीक है इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है फिजियोलॉजिकल में क्या आ गया तुम गए पहाड़ों पे तुम कहाँ गए पहाड़ों पे गए ठीक है जी पहाड़ों पे गए हाँ बिल्कुल सही फैसला तो जिरा के बाद होगा मेघना क्या बात है दीज आर वेरी नाइस फेमस लाइन्स ठीक है हाँ जी तो मेघना आप चली गई पहाड़ों पर चली गई फिर उसको क्या हो गया सिकनेस हो गई उसने बोला मैम मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं है, मैम मेरे मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मैंने उसको बोला रुक जाओ रुक जाओ कुछ मतलब शुरू में ऐसा होता है दिस इज लाइक दिस हैपन्स टू एवरीबडी ये है ऑल्टीट्यूड सिकनेस ठीक है क्योंकि बच्चे वहाँ पे ऑक्सीजन लेस हो जाता है तो आपको ऐसा फील होता है नॉशिया जैसा पैल्पिटेशन ये सब होता है अब उसको डील करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है हमारी बॉडी बच्चे इंक्रीज कर देती है आरबीसीज़ को ठीक है ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज कर देती है लेकिन आरबीसीज़ का जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी उसको कम कर देती है क्यों बड़ी मुश्किल से तो ऑक्सीजन आ रहा है अगर उसको भी हीमोग्लोबिन अपने ही पास रख लेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ठीक है लड्डू मिलेगा तुम्हें लड्डू है ना लड्डू मिलेगा तुम्हें और लड्डू से काम नहीं चलता चलो बिहेवियरल में आ जाओ तुम एक अपनी छिपकली रानी जो है डेजर्ट में रहती है वो क्या करती है वो एंड बरोइंग एनिमल्स जब गर्मी लगी तो बैरो में चले गए शेड में चले गए जब ठंड लगी तो धूप में आ गए बस पॉपुलेशन पे आ जाओ बच्चे पॉपुलेशन के क्या एट्रीब्यूट्स हैं मतलब क्या कैरेक्टर्स हैं पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर्स हैं पॉपुलेशन में आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट भाई कितने मरे कितने पैदा हुए वो आता है ठीक है और उसको हम कैसे कैलकुलेट uh, करते हैं बच्चे नंबर ऑफ बर्थ या फिर डेथ बाई नंबर ऑफ ऑरिजिनल इंडिविजुअल इज योर बर्थ एंड डेथ रेट इस पे ना तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं तो इसको ध्यान से ध्यान से बाल, बाल को ध्यान से अच्छा ठीक है अच्छा मुझे एक बात बताओ एवरीबडी टेल मी कि कल मैं तुम्हारा एकोलॉजी का वन हंड्रेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दू यूट्यूब पे हाँ या ना फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ तो जो मेजर यूनिट्स हैं ना उन सब के मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कल करवा दो। कल मॉर्फोलॉजी एनाटमी भी होगा कल मैं सोच रही हूँ इकोलॉजी के मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूं मॉक टेस्ट तो चलेगा मॉक टेस्ट तो अपना स्पेशल क्लास पे चलता ही जाएगा ठीक है बट अगर तुम्हें वो मॉक टेस्ट सॉरी ये जो क्वेश्चंस है ये अगर तुम्हें वहां चाहिए तो मैं वहां पे भी करवा दूंगी इफ यू फील लाइक ठीक है चलो मुझे बताना मुझे बता देना ओके okay? चलो ठीक है ओके okay. चलो 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 <coughs> और नेक्स्ट uh, भी मैं एक यूनिट उठाने का सोच रही हूँ विच इज़ वेरी हाई वेटेज वाला यूनिट मैं सोच रहा उसके भी क्वेश्चन तुम्हें करवा दूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी ना उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आ जाओ एज पिरामिड्स भाई पिरामिड्स में क्या है तीन तरह के पिरामिड होते हैं एक होता है एक्सपेंडिंग फैले जा रहा है फैले जा रहा है कहाँ फैले जाता है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भाई एक्सपेंडिंग

ये दस दिन ना मैं अब मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब ना हो खराब तो है बट मैं चाहती हूं कि बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए सो so दैट मैं आपके साथ ही रहूँ ठीक है ना okay हाँ चलो 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 आ जाओ आ जाओ जाओ ओके चलो सो so, <coughs> अब यहां पे देखो बच्चे रिप्रोडक्टिव कितने आपके रिप्रोडक्टिव आपके जो रिप्रोडक्टिव है वो भी बहुत ज्यादा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी ऐसा नहीं है कि बहुत हम जैसे इंडिया जैसी कंट्री में हर एक लेवल पे हर एक स्टेज पे हर एक ग्रुप के लोग आपको काफ़ी मिलते हैं ऑब्वियसली प्री रिप्रोडक्टिव तो बहुत भर भर के मिल रहा है प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव यहाँ पे क्या बच्चे एक बैलेंस बना हुआ है तुम देख रहे हो कि बेल शेप्ड है और अगर मैं बात करूँ डिक्लाइनिंग की तो ये अनशेप्ड है कैसे ऐसे ऐसे देख रहे हो यहाँ पे जो बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव है यहाँ पे बहुत कम है तो आने वाले टाइम में ये पॉपुलेशन तो खत्म ही हो जाएगी है ना चलो अब आगे हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की किसकी बात करेंगे बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे ये क्या होती है भाई एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं इस पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है ओके अब एक आर ने ऐसा स्पैम मचाना यहाँ पे मैम बायोटेक्नोलॉजी कब मैम बायोटेक्नोलॉजी कब बच्चे मैंने बोला ना कल एवोल्यूशन का मिलेगा तुम्हें उसके बाद बायोटेक का ठीक है उसके बाद बायो चेक का छोटू हो जाऊं ए ले एनी थिंग फॉर यू ठीक है चलो आ जाओ तो सो <coughs> बेसिकली so कितने वहां पे इंडिविजुअल रह रहे हैं एक एरिया में इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी बच्चे क्या मुझे हमेशा काउंट करने की जरूरत है क्या मैं हमेशा काउंट कर पाऊंगी वैसे भी एक बात बताओ एक बैक्टीरिया पेट्री प्लेट के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है क्या मैं काउंट कर पाऊंगी उसे नहीं तो ये सब चीजें जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है ठीक है आ जाओ डिस्कस करते हैं Um, कहाँ चला गया एक सेकेंड एक सेकेंड ये दो, ये, ठीक है तो बच्चे सम टाइम्स टोटल नंबर कैन नॉट बी डिटर्मिंड तो आप बायोमास पॉपुलेशन डेंसिटी बायोमास लेते हैं जैसे कि ये क्या कर दिया बायोमास लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप किसका लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक बैनियन ट्री है फॉर एग्जाम्पल बैनियन ट्री एंड पारथीनियम ठीक है एक बैनियन ट्री है एंड 200 आपके पार्थीनियम है यहां पे बच्चे हम क्या देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि बायोमास किसका ज्यादा है ये फोकस होगा हमारा या फिर एक और चीज है बायोमास जिसमें काम आएगा बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन पेटरी प्लेट बैक्टीरिया ऑन पेटरी प्लेट पे भी बच्चे बायोमास काम आएगा तो आप बिफोर एंड आफ्टर वेट लेंगे तभी जाके आप बता सकते कि हाँ इसका ग्रोथ इतना हो गया देन बच्चे नेक्स्ट चीज इज कि रिलेटिव डेंसिटी अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि एक नदी है नदी के अंदर नदी के अंदर भाई कितनी मछलियां जो बच्चे मेरे साथ पढ़ चुके हैं ना कॉलेज उनको पता है उनको लग रहा होगा कि ये पूरी कहानी रिपीट हो रही है बट जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है अब है ना तो नदी की नदी के अंदर मछलियाँ हैं बच्चे मैं तुम्हें बोलूँ कि बच्चे जाओ मुझे बताना इस नदी में कितनी मछली है ये तो बहुत ही नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी कैसे बता सकते हो तुम तो आप मुझे रिलेटिव डेंसिटी बताएंगे बच्चे कि मैम लगभग लगभग इतनी हमें लग रहा है कि फिश हैं ठीक है वहाँ पे आप मुझे पूरी नहीं बता सकते बच्चे और एक और कंडीशन दे दूँ मैं तुम्हें एक और केस दे दूँ कि भाई जाओ टाइगर काउंट करके आओ एक नेशनल पार्क में कितने टाइगर हैं तो मुलाका मैम टाइगर को कैसे भाई? ये तो मुश्किल है हम टाइगर के पास कैसे जा सकते हैं कैसे काउंट करें तो उस केस में बच्चे हम क्या करते हैं हम उसके पग मार्क्स लेते हैं और फीकल पैलेट्स को कलेक्ट करते हैं उस बेसिस पे हम अलग अलग तरह के देखते हैं कि अच्छा इतने टाइगर हैं यहाँ पे क्योंकि फीकल पैलेट्स में तो डीएनए होगा एंड पग मार्क्स हर एक टाइगर के लिए यूनिक होते हैं रे बालको एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रे बालको ठीक है ये ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये एन डेंसिटी ठीक है डेंसिटी एट टाइम टी टी प्लस वन वन इज वॉट ऑरिजिनल जब आपने शुरू करा बहन बच्चे बी क्या है बी इज द बर्थ रेट ठीक है आई क्या है आई इज इमिग्रेशन मतलब एंटर हो जाना आई मीन्स इमिग्रेशन आई मीन्स इनसाइड आ जाना किसी कंट्री में चले गए लोग देन बच्चे यू हैव डी डेथ ई इज इमाइग्रेशन ठीक है इमाइग्रेशन इज चले गए छोड़ के चले गए एग्जिट हो गया तो याद रखना क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई दस लोगों का जन्म हुआ पाँच लोगों की डेथ हो गई यू नो छः लोग कंट्री में आ गए सात लोग चले गए बताओ डेंसिटी में कितना फर्क पड़ा तो आपको पता होना चाहिए ठीक है आपको पता होना चाहिए राइट right? ओके okay, चलो हाँ जी हाँ जी आ जाओ बच्चे ग्रोथ मॉडल्स पे आ जाए देन वी विल uh, गो फॉर इंट्रैक्शन फिर उसके बाद इंट्रैक्शन एंड देन ये चैप्टर भी समाप्ति पे ऑलमोस्ट पहुंचा है मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक विल बी एबल टू फिनिश दिस इन टेन मिनट्स ठीक है चलो ओके okay. चलो जी आ जाओ ग्रोथ मॉडल्स ठीक है एक्सपेरिमेंट सॉरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कैसा होता है बच्चे जो बिल्कुल एकदम तोड़ा फाड़ी से आपका आगे चल रहा है जैसे कि ये देखो यहां देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका ग्राफ है ये है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल रोक सकता है इसको कोई नहीं ये ये बोल रहा है कि ना धरती के ऊपर सारे के सारे कंडीशन अगर हम फेवरेबल कर दें तो एक हाथ ही भी अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल को यूटिलाइज कर लेगा कर लेगा बिल्कुल भी अगर तुमने स्पेस अनलिमिटेड दे दिया अगर तुमने खाना अनलिमिटेड दे दिया ठीक है अगर जैसे नीट के एग्जाम भी जो आपकी सीट्स हैं वो मैं बोलूँ कि भाई इक्कीस लाख सीट्स हैं तो सारे बच्चे सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो इज दैट पॉसिबल ये क्या पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है जी असलियत में ऐसा नहीं होता असलियत में रुकावटें आती हैं और ये असलियत वाला जो है ना उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ठीक है असलियत में यही होता है बच्चे और इस तरह का जो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व क्या बोलते हैं वर्ल्ड हस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व और यहाँ तुम देख रहे हो इधर एक टाइम के बाद ग्रोथ आपकी क्या हो जाती है स्टेग्नेंट हो जाती है दैट इज नोन एज ए सिम्प्टोट उसको हम बोलते हैं ए सिम्प्टोट ये वाला जो फेज है जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्लो है उसको लॉग बोलते हैं जहाँ पे बहुत तेजी से जा रहा है उसको हम सॉरी इसको हम लैग बोलते हैं लैग

ऐसा होता नहीं है तो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस वन बच्चे डी एन बाई डी आर एन आर एन क्या है आर क्या है आर इज द इंट्रेंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बर्थ में से डेथ निकाल दो आ जाएगा भाई कोई चीज कितनी बड़ी आप तभी बताओगे ना कि कितने बर्थ हुए और कितनी डेथ हुई तभी बता पाओगे है ना और बच्चे इसका इंटेग्रल फॉर्म ये है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है पूछा हुआ है कि ई e क्या है वॉट इज ई ई इज योर नेचुरल लॉग है ये ठीक है ये रहा ई क्या है नेचुरल लॉग है अच्छा लॉजिस्टिक पे आ जाओ उसका क्या उसका क्या इक्वेशन है लॉजिस्टिक समझने से पहले एक चीज समझो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक डब्बा है उस डब्बे के अंदर ना दस चॉकलेट्स आ सकती हैं ठीक है अब उस डब्बे में मैंने चार चॉकलेट डाली तुम बोलोगे चलेगा मैम छः और आ सकती हैं फिर मैंने बच्चे दो और डाल दी छः फिर मैंने दो और डाल दी आठ फिर मैंने दोबारा डाल दी दस क्या दस से ज़्यादा उस डब्बे में चॉकलेट आ सकती है नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती सो दस फॉर दैट डब्बा इज द कैरिंग कैपेसिटी वैसे ही एक जगह पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म ही रह सकते हैं अनलिमिटेड नहीं रह सकते कहीं ना कहीं पे आपको बच्चे रोक दिया जाएगा जैसे कि वही नीट क्लियर करके क्वालिफाई करके क्रैक करके नंबर ऑफ़ सीट्स एमबीबीएस की तो लिमिटेड ही हैं ऐसा तो नहीं है कि बस कोई बात नहीं तुम्हारा इतने नंबर आ गए जिस बच्चे के इतने नंबर आगे ना सबको ले लो ना वैसा नहीं है लिमिटेड है लिमिटेड है सो देर इज अ कैप कैरिंग कैपेसिटी है कैरिंग कैपेसिटी है है ना तो उसको बोला जाता है बच्चे कैरिंग कैपेसिटी विच इज के ठीक है विच इज के और कैरिंग कैपेसिटी जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उतने ही बच्चे डॉक्टर बनेंगे उससे ज्यादा तो नहीं बन सकते उससे कम जरूर बन सकते लेकिन उससे ज्यादा नहीं बन सकते तो ये याद रखना है ठीक है क्या इक्वेशन uh, okay, देख लिया था एन पॉपुलेशन डेंसिटी है okay, ये देखो के क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक जगह पे रह सकते हैं और ए सिमटोट कब आता है बच्चे जब एन और के बराबर हो जाते हैं तब आता है ए सिमटोट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन आ जाए जरा हम्मके okay, आ जाओ अरे यहाँ पे एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है रुको हम उस चीज को मिस नहीं होने देंगे बिल्कुल भी नहीं होने देंगे मिस ना 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 मुझे आपको बताना था आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज़ अच्छा इधर नहीं है एन सी आर टी से बताती हूँ तुम्हें तो रुको 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 रुक जाओ हाँ ये रहा एक एक पैराग्राफ है बच्चे बस वो बताना तुम्हें ये वाला दिस वन ठीक है दिस वन ये जो लाइफ हिस्ट्री वाला ना लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन वाला जो पैराग्राफ है वो ज़रा यहाँ पे पढ़ लो आ सकता है इस पर भी क्वेश्चन ठीक है तो जो डार्विन भाई साहब थे उनके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग जो फिटनेस होता है वो क्या होता है कि भाई कोई कितने बच्चे पैदा कर पा रहे हैं दैट इज़ फिटनेस वो बोलते हैं कि भाई हाई आर वैल्यू होना चाहिए हाई आर वैल्यू जिसका होता है उसको हम बोलते हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज आर सिलेक्टेड स्पीशीज क्या करती है बहुत सारे बच्चे बनाती हैं छोटे छोटे बनाएंगी बहुत सारे बनाएंगी ठीक है एक होती है के सिलेक्टेड के सिलेक्टेड वो बहुत सारे बच्चे नहीं बनाती वो बड़े बड़े बच्चे बनाती है लेकिन कम बनाती है तो सबका अपना अपना हिसाब है भाई तो अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि Uh, जैसे कि आपका पैसिफिक सैलमन फिश है और बैम्बू है वो बस एक बार रिप्रोडक्शन शो करते हैं और मर जाते हैं लेकिन जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स के बच्चे बहुत बार रिप्रोडक्शन करेंगे कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जैसे कि ऑयस्टर एंड पिलाजिक फिशेस कुछ ऐसे बच्चे जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बनाते हैं बहुत कम बहुत कम उनको बोलते हैं वो आपके क्या है वो हैं आपके बर्ड्स एंड मैमल्स दो बर्ड्स एंड मैमल ठीक है चलो ठीक है चलो आ जाओ बच्चे ऐसा कैसे हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी ना मैंने अभी एक मिनट एक मिनट मुझे एक बात बताने दो बायोटेक्नोलॉजी ना मैंने अभी दो तीन हफ्ते पहले ही बायोटेक का आपका सेशन लिया था जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ना उन्हें पता है कि मैम ने दो तीन हफ्ते पहले बायोटेक पूरा करवा दिया था दोनों चैप्टर्स करवा दिए थे आप अगर आप लिखोगे ना कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर गार्गी सिंह आपको मेरा वो सेशन मिल जाएगा आप वहां से करिए वो आप वहां से करिए और मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपको ट्वेंटी मिनट्स वाला भी दूंगी ठीक है वो भी तो मैं बोल रही हूं मैं आपको वो भी उसमें भी रिविजन करवा रही हूं ठीक है ना? चलो तो घबराने का नहीं है यार आ जाओ आप पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पे आ जाओ बच्चे आपका इंटरेक्शन ऐसा हो सकता है कि दोनों दोनों के मजे दोनों को बड़ा बढ़िया फायदा हो रहा है, है ना एक इंटरेक्शन भी हो सकता है आपका कि जहां पे दोनों को फायदा हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बच्चे एक इंट्रैक्शन ऐसा होता है जहां पे दोनों को नुकसान है जिसको हम बोलते हैं खॉम एक ऐसा होता है जहां पे एक मारता है और एक मरता है जिसको हम बोलते हैं प्रेडेशन एक ऐसा होता है बच्चे जहां पे एक किसी और के ऊपर सर्वाइव कर रहा है और दूसरा उसका न्यूट्रिएंट वगैरह खा रहा है तो एक को फायदा दूसरे को नुकसान दैट इज पैरासाइटिज्म देन बच्चे एक कमेंशलिज्म होता है जिसमें एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे को बड़ा फायदा हो रहा है है ना कमेंसलिज्म एंड लास्ट इज एक को नुकसान दूसरे को कोई फर्क नहीं अमेंसिल जब आप इनको डिटेल में करते हैं आ जाओ प्रिडेशन ठीक है प्रिडेशन क्या है बच्चे जब कोई किसी को हंट कर जब कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म को खा रहा है इस प्रिडेशन तुम भी प्रिडेटर कर रहे हो ठीक है तुम यू आर ऑल्सो प्रिडेटर यू आर ऑल्सो प्रिडेटर बच्चे आज मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अपलोड करूंगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ठीक है और जो मैंने नया ग्रुप बनाया है उसको जरूर ज्वाइन जुर करो क्योंकि मैं वहां पर नोट्स रखने वाली हूँ सो दैट कोई खिचपिच ना हो ठीक है और वहां पे ना मैं एक और चीज शुरू करने वाली हूँ आज या कल में विच इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर नीट प्रिपरेशन और वो वहीं पर होएगी ठीक है वो वहीं पर होएगी उसी पे। तो आ जाओ भाई हाँ बोला जाता है कि ये ना चैनल्स है कॉन्वीट होते हैं एनर्जी ट्रांसफर के ये क्या करते हैं अपनी पॉपुलेशन को ना प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं ये बड़े प्रूडेंट हैं ये बड़े क्या हैं समझदार हैं ये मस्ती के लिए कभी हंट नहीं करते ये तभी हंट करते हैं जब इनको भूख लगी होती है आपकी किताब में एक लाइन लिखी हुई बच्ची एक चिड़िया जो सीड खा रही है और एक वो टाइगर जो एक हिरन को खा रहा है दोनों के दोनों प्रेडेटर्स हैं ठीक है चलो अब कैसे कंट्रोल में रखते हैं जैसे कि पिसेस्टर था पिसेस्टर क्या था स्टारफिश था हमने इसको रिमूव करा ना ये वहाँ पे टॉप प्रिडेटर था हमने इसको रिमूव करा तो जिस चीज़ को ये खाता था वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई तो बच्चे उसने बाकियों को एक्सटिंक्ट कर दिया दस स्पीशीज इन्वर्टिब्रेड की एक्सटिंक्ट हो गई क्यों अगर बहुत सारे हिरन आ जाएंगे शेर ना हो हिरन बहुत सारे हो जाएंगे हिरन बहुत सारे हो जाएंगे तो वो तो पेड़ों को खा जाएंगे घास को खा जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे खुद भी मर जाएंगे और फिर खुद भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो सब खत्म है ना तो ये बैलेंस बना के रखते हैं ओके और जैसे कि एक प्रिकली पेयर हमने इंट्रोड्यूस करा था ऑस्ट्रेलिया में अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसको लाए थे मौत को लाए थे जो उसकी नेचुरल फिडेटर थी तो बायोलॉजिकल <coughs> <coughs> कंट्रोल की तरह भी यूज हो सकते हैं अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बेचारे जो हमारे <coughs> बेचारे जो हमारे Uh, क्या बोलते हैं इनको बेचारे जो ये हमारे प्रे हैं वही सारा जिंदगी का बोझ उठा के चलते रहेंगे नहीं भगवान ने बोला तुम भी आगे बढ़ो तुम भी अपने आप को चेंज करो तो इन्होंने बोला हम क्या करेंगे हम कैमू करेंगे हम अपने आप को बिल्कुल सराउंडिंग के जैसा बना लेंगे पता ही नहीं चलेगा किसी को यहाँ पे uh, क्या बोलते फ्रॉग है या नहीं है या घास है तो इंसेक्ट एंड फ्रॉग बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे इस चीज़ में केमिकल डिफेंस कर लिया किसी ने जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई में इसको बर्ड्स नहीं खाते फिर क्योंकि इसको खाते बर्ड्स मद खत्म मर जाते हैं थॉर्स बच्चे कहाँ के कैक्टस है न में आगे इनको भी हर्बी नहीं खाते ठीक है इनको भी हर्बी नहीं खाते बिल्कुल चलो आ जाओ ओके ओके बच्चे मैं तो आपको पता नहीं क्या क्या करवा दूं लेकिन <laughs> लेकिन जब बच्चे नहीं आते ना तो हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है ठीक है ओके हाँ जी एनी anyway, वे चलो कोई बात नहीं मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स जैसे कि भाई कौन से केमिकल ग्लाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे कि कैलोट्रोपिस और इसकी वजह से क्या होता है जो बेचारे हरबी बोर्स गलती से इसको खा लिया वैसे पता है क्या होता है खबर फैल जाती है सर जगह सारी जगह कि ये ये खराब है ये खराब है ये खराब है तो सब ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा नहीं, नहीं 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 ये नहीं खाना ये नहीं खाना है ना खबर फैल जाती है तो जो ये हरभी भोजन है बच्चे अगर इन्होंने इनको खाया तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत हो जाती है मर भी सकते हैं और क्या केमिकल्स है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और केमिकल्स है बच्चे निकोटीन कैफीन स्ट्रिकन क्विनिन एंड ओपियाम ठीक है एंड ओपियाम चलो आ जाओ अब हम पहुँचेंगे कंपटीशन पे जिसको तुमसे अच्छा तो कोई नहीं समझ सकता अब बच्चे कंपटीशन में क्या होता है एक के प्रेजेंस में दूसरे का बैंड बजाना ठीक है बच जाना येस yes, अब देखो नीट में क्या हो रहा है यही हो रहा है ना? अगर किसी और के तुमसे ज़्यादा नंबर आ गए दिक्कत तो उसकी वजह से तुम्हारा बैंड बजेगा है ना <laughs> उसकी वजह से तुम्हारा बैंड बजेगा दैट इज योर हाँ दैट इज़ योर दैट इज़ योर दैट इज़ योर कॉम्पिटिशन ठीक है चलो अब क्या बोला इसमें फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज़ इज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूज इन द प्रेजेंस ऑफ अन स्पीशीज बेसिकली बैंड बज गया उसका जैसे कि बच्चे फ्लमिंगोज आ जाते हैं तो फिश का बैंड बजा देते हैं फ्लमिंगोज एंड फिश एक ही जगह पे एक ही चीज़ पे फीड करते हैं जू स्पोर्स जू स्पोर बोल रहे हैं जू प्लैंटन्स तो दोनों के दोनों इस पर कंपीट करने वाले हैं फ्लमिंगो सुपीरियर स्पीशीज़ है फिश इंफीरियर हैं तो बेचारी फिश को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ओके okay, चलो बच्चे डार्विन ने बोला कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन करवाता है दीज आर योर क्वेश्चन कम्पैटेटिव रिलीज का एग्जाम्पल क्या बच्चे कम्पैटेटिव रिलीज का एग्जाम्पल है कॉलन का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था आ जाओ देखते हैं किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था बच्चे बैलनस एंड कैथेबैलस ये क्या है ये बार्निकल हैं ये क्या है बच्चे बार्निकल होते हैं अब कौन सा सुपीरियर कौन सा इंफीरियर कौन सा सुपीरियर हमेशा याद रखना बी से बड़ा मतलब सुपीरियर होगा सी से छोटा मतलब इन्फीरियर होगा अब ये जो इन्फीरियर है इसका मतलब क्या होता है ये जो इन्फीरियर है जब बैलेंस को आप हटा दोगे ठीक है एक एरिया जिसमें ये दोनों रह रहे हैं तो बैलेंस को अगर आपने उस एरिया से हटा दिया तो क्या था के मज़े ही मज़े मान लो अगर किसी बच्चे के समझो इसको अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं 520 नंबर और बहुत जिन जिन बच्चों के सिक्स फिफ्टी प्लस आ रहे हैं हमने उन सबको हटा दिया हमने बोला तुम तुम्हें हम पेपर नहीं देने देंगे तो इस बच्चे के मजे आए या नहीं आए इसका सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है दैट इज योर दैट इज योर कंपेटिटिव रिलीज इसी को बोला जाता है कंपैटेटिव रिलीज ओके चलो गॉसिस प्रिंसिपल देखते हैं गॉस का प्रिंसिपल जो था एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही इन्होंने बोला था कि दो स्पीशीज जो एक चीज के लिए लड़ रही हैं वो साथ में नहीं रह सकती ठीक है जैसे कि एबिंगडन टॉटिस बेचारा एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि वहां पे कौन आ गए गोट आ गए ठीक है कौन आ गए गोट आ गए हाँ चलो फाइव सिक्सटी वाले क्या करें उनके भी मजे यार अगर मैंने 650 वाले हटा दिए तो है ना चलो आ जाओ को एग्जिस्टेंस पे आ जाते हैं बच्चे को एग्जिस्टेंस चलो को एग्जिस्टेंस पे आ जाते हैं मैकॉर्थन ने बोला कि नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता कभी कभी स्पीशीज साथ में भी रह सकते हैं है ना कभी कभी स्पीशीज साथ में भी रह सकते हैं जैसे कि वॉबलर के स्पीशीज रहे थे पांच स्पीशीज ऑफ वॉबलर कैसे रहे थे खाने का टाइमिंग अलग था ब्रीडिंग पीरियड अलग था स्पेस ऑक्यूपाइड अलग था बच्चे ठीक है अगर ये चीज़ें अलग होगी तो आप आराम से साथ में रह सकते हो रह सकते हो या नहीं रह सकते हो बिल्कुल रह सकते हो क्यों नहीं रह सकते हो अब आ जाओ तुम पैरासाइटिज्म पे पैरासाइटिज्म दो तरह का हो सकता है या तो कोई एक्टोपैरासाइट होगा या एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर चला गया तो एंडोपैरासाइट शरीर के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट जैसे कि जुए ठीक है चलो प्लांट में एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल होता है कस्क्यूटा विच इज अ टोटल प्लांट पैरासाइट विच इज अ टोटल प्लांट पैरासाइट कोई क्लोरोफिल नहीं है कोई लीव्स नहीं है इसके पास क्यों नहीं है इसके पास क्लोरोफिल या लीव्स क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स तो ये दूसरे प्लांट से ले रहे हैं तो उसने बोला मैं नहीं बनाऊंगा अब बच्चे अगर मैं बात करूँ एनिमल्स uh, की तो क्या क्या है लाइस टिक्स ऑन डॉग्स डॉग होता है ना कैसे खुजली कर रहा होता है इसीलिए कोपोर्स ऑन फिशेस फिशेस के ऊपर कोपोर्स आ जाते हैं चलो पैरासाइट्स की बात करें तो वी हैव बच्चे ह्यूमन लिवर फ्लूक कितने होस्ट है तीन ह्यूमन बींग स्नेल एंड फिश ह्यूमन बींग्स स्नेल एंड फिश ठीक है प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं कौन से ह्यूमन बींग्स एंड मस्कीटो Human and अगर मैं की बात करूँ जो कि एंडोपैरासाइट हैं बच्चे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो कि एंडोपैरासाइट हैं, उनकी अडाप्टन की बात करूँ तो इनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते क्यों नहीं होते <laughs> तुम्हारी इंटेस्टाइम के अंदर कोई टेप वॉर्म घुसा हुआ है वहां पर लाइट जली हुई है जो उसको देखना है कि कहाँ जाऊँ क्या कहूँ नहीं वो तो बस तुम्हारी सेल वॉल सेल वॉल वो तुम्हारी वॉल्व पे, पे जाके चिपक जाएगा उसको क्या खाना तो है ही वहां पर एब्जॉर्ब करता रहेगा मजे में है ना प्रेजेंस ऑफ हुक्स सक्कर्स, चिपकने के लिए लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों चाहिए भाई पका पकाया खाना मिल रहा है क्यों चाहिए हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन एक चीज पे इन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाया फोकस लगाया वो क्या है बच्चे पैदा करेंगे बहुत सारे ठीक है बच्चे बच्चे पैदा करने चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में हाँ बच्चे जरूर पैदा करने हैं इन्होंने बहुत सारे आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म क्या है बच्चे एक का फायदा दूसरे का कोई नुकसान नहीं मैं हमेशा इसका क्या एग्जाम्पल देती हूँ आप पेपर देने गए आप भूल गए पेन ले जाना तो आपके साथ वाला जो बच्चा है उसके पास चार चार पेन है एक ही कलर के हैं चार पेन वो बड़ा ऐसे तैयार करके हो होके कि भाई अगर ए ये ना चले ये ना चले फिर फिर आपने उसको बोला कि यार मेरे को अपना पेन दे दे एक उसने बोला अच्छा ठीक है ले लो उससे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा फायदा हो गया अब इसके एग्जाम्पल क्या देखो इसके एग्जाम्पल है बच्चे ऑर्किड ठीक है ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री मैंगो को कोई नुकसान कोई फ़ायदा नहीं ऑर्किड को फ़ायदा ठीक है ऑर्किड के पास क्या होती है एपिफिटिक रूट्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है वेलिमेंट टिश्यू होता है जो कि हाइड्रोस्कोपिक होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है मैंगो से नहीं एटमोसफेयर से ठीक है वो कुछ वो सिर्फ स्पेस ले रहा है उसका बच्चे और कुछ नहीं बार्निकल्स जो कि वेल के ऊपर चिपके हुए हैं वेल को क्या फर्क पड़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन बार्निकल्स को फ्री राइड मिल रही है लिफ्ट मिल रही है लिफ्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग खाने को मिल रहा है कैटल एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल ठीक है वो देखा तुमने जो गाय भैंस के पीछे पीछे एक बर्ड घूम रहा होता है जब गाय या भैंस घास खाती है तो घास को उखाड़ देती है उसके नीचे कीड़े होते हैं वो कीड़े खाने के लिए ये बर्ड आ जाती है खुद थोड़ा निकाल सकती है सी एनीमनी एंड एन क्लाउन फिश भाई जो सी एनीमनी है उसके पास होते हैं टेंटिकल्स स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो कि क्लाउन फिश को अफेक्ट नहीं करते तो अगर कोई क्लाउन फिश के पीछे आ रहा है उसको खाने के लिए वो सी एनीमनी के अंदर चला जाता है ठीक है चलो, <laughs> चलो। <laughs> अच्छा याकू शर्मा नहीं याकू शर्मा नहीं मेरा एक फायदा हो रहा है ना मेरा एक सेल्फिश मोटिव है मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ मेरा एक सेल्फिश मोटिव है मैं चाहती हूँ कि मेरे मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो और मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर बने ठीक है मुझे भी तो प्राउड फील होगा ना ये मेरे से पढ़ा था बच्चा मेरा है मोटिव सेल्फिश मोटिव मेरा है लेकिन उसमें तुम्हारा ही फायदा है ठीक है उसमें तुम्हारा उसमें भी तुम्हारा ही फायदा है यह चलो आ जाओ अरे बाबा बैटरी 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 गयो रे गयो 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 रुको 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 हम्म ठीक है हम्म एग्जैक्टली exactly, मैम इसीलिए तो वही तो <laughs> हाँ मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि एक टीचर का और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है ना दैट इज म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा होता है बच्चे दोनों का फायदा होता है ठीक है हाँ म्यूचुअलिज्म बच्चे क्या है दोनों का फायदा होना <laughs> दोनों का फायदा होना ठीक है चलो आ जाओ अब मैंने यहाँ पे ना हर्मिट क्रैब एंड सी एनी मनी भी लिखा हुआ है विच इज़ बेसिकली प्रोटो कॉर्पोरेशन लेकिन आप इसको म्यूचुअलिज्म में ही कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आपके लेवल पे इतना काफ़ी है बच्चे लाइकंस माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है प्लांट्स पॉलिनेटर्स बच्चे म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है ठीक है जैसे कि फिग वॉस के साथ ही अपना पॉलिनेशन करवाता है और फिर जब इसके सीड बन जाते हैं तो उसके बच्चे उन सीड को खाकर ग्रो होते हैं यका एंड मौत का बच्चे बहुत ज़्यादा तगड़ा एक रिलेशनशिप है ये सारे एक साथ ही इवॉल्व होते हैं ठीक है को होता है यहाँ पे अच्छा अब कुछ होते हैं सेक्सुअल डिसीट धोखा कर देते हैं जैसे कि जैसे कि बच्चे कौन हैं जैसे कि ऑफरिस विच इज मेडिटेरेनियन ऑर्किड इसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं फीमेल के जैसे होते हैं फीमेल के जैसे फ्लावर होते हैं मेल यहाँ पे आ जाता है कि मेरी फीमेल बैठी हुई है और सूडो कोपलेशन करके निकल लेता है ठीक है हाँ लेकिन पता है क्या होता है उस चक्कर में पॉलीनेशन हो जाता है <coughs> हाँ इसका बेवकूफ बना लेकिन प्लांट ने पॉलिनेशन कर लिया लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बच्चे अमेंसिलिज्म ठीक है अमेंसलिज्म यहाँ पे क्या होता है एक को एक को ना तो कोई फर्क पड़ा ना ही कोई नुकसान हुआ लेकिन दूसरे को नुकसान जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको पेन वाला दिया था ना बच्चे मान लो वो बच्चा बोले कि मेरे को तुम्हें पेन नहीं देना आपका तो नुकसान हो गया ना उसको क्या फर्क पड़ा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन आपका नुकसान हो गया तो जैसे कि जैसे कि जो ग्रो कर रहा था पेनीसीलियम ऑन द कल्चर जहां पे था आपका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया उसने बैक्टीरिया को खत्म कर दिया था क्यों क्योंकि पेनिसिलिन बनाने लग गया था दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमेंसिलिज्म और ये कहाँ यूज होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओके okay? चलो वी आर डन विद वन चैप्टर विच इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एक चैप्टर बच्चे आपकी एक चैप्टर के समाप्ति की घोषणा हो चुकी है अब हम करेंगे कौन सा कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं अब आप विथ चैप्टर विथ चैप्टर आई थिंक कौन सा करे बच्चे अभी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कर लेते हैं चलो छोटा सा चैप्टर ना हमें मोटिवेशन मिल जाएगा कि जल्दी खत्म हो गया है ना छोटा सा चैप्टर है अपन को ना जल्दी ही खत्म हो जाएगा तो मोटिवेशन मिलेगा या मैं पानी ही लेकर आती हूँ रुको ठीक है, सेक्शुअल डिसीट बच्चे म्यूचुअलिज्म में नहीं आता सेक्शुअल डिफरेंट एग्जाम्पल नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म वो बस किताब में दिया हुआ है ना हाँ चलो ठीक है यस yes, बच्चे जरा मैं बाकी बच्चों को बता दू वी आर डन विद वन चैप्टर ऑफ कोलॉजी starting with second one. ओके okay. ठीक है चलो शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पाँच मिनट का कोई ब्रेक नहीं मिलेगा जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा जिसको जाना है जाएगा भाई अब तो अपन तो बिल्कुल अब ऐसे हो गए हैं भाई जिसको जाने का उसको जाने का है जिसको बैठने का है उसको बैठने का है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीके? जिसको पढ़ना है भाई उसको पढ़ना है जिसको नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ना है आप क्या कर सकते हैं यार अब कितना है आप कितना परेशान हो अब तुम्हारे टीचर्स तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो मैं पानी लेकर आई हूँ मेरा गला सूख चुका है चलो भाई आगे बढ़ा जाए लेट्स मूव ऑन चलो भाई चलो मैंने सप्लीमेंट लिया अभी ले लिया मैंने भाग के सप्लीमेंट ले लिया कैन वी कवर ऑल चैप्टर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स इन दिस टेन डेज डॉक्टर जेम मुझसे पूछ रहा है बच्चे मैं बताऊँ मैं नाइन्टी परसेंट तो करवा ही चुकी हूँ ठीक है ये आपका ऑलमोस्ट आखिरी सा आखिरी नहीं कल कल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका सिलेबस मेरी तरफ से डन है ठीक है तीन चार चैप्टर रहते हैं उनके मैं ट्वेंटी मिनट्स वाले वीडियोज़ डाल दूँगी तो अपना सिलेबस तो डन है है ना एक, -एक यूनिट पकड़ के मैंने करवाई है तुम्हें दिस लेक्चर इज इना लास्ट में बच्चे यही 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 लेक्चर इनफ है लास्ट के लिए ठीक है चलो आ जाओ बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बच्चे छोटू सा चैप्टर है जल्दी से खत्म करेंगे अपने को मोटिवेशन मिलेगा कि हमने बायोडायवर्सिटी एक और चैप्टर निपटा लिया ये तो बच्चे आपका ना बीस मिनट में खत्म हो जाएगा चलो फटाफट से हम इसको रिवाइज करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बायोडाइवर्सिटी इज जब आप बोल रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ठीक है टर्म किसने कॉइन करा बच्चों टर्म कॉइन करा था रोजन ने लेकिन फेमस किसने करा पॉपुलर किसने करा एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलर करा था अब बायोडाइवर्सिटी ऐसा थोड़ी ना होता है देखो आपके आपकी जो बॉडी के सेल्स क्या सारे एक जैसे नहीं सब अलग अलग है तो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर भी बायो एक डाइवर्सिटी आ गई बायोडाइवर्सिटी नहीं डाइवर्सिटी आ गई या फिर हेट्रोजिनिटी बोल सकते हैं हम उसको है ना या क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजीनिटी बोल सकते हैं तो किस किस लेवल पे है बच्चे मैंने जैसे बोला कि आपके सेल अलग अलग हैं सेल अलग है टिश्यू अलग है टिश्यू अलग है आपके ऑर्गन सारे ऑर्गेन एक जैसे तो नहीं है अलग हैं ऑर्गेनिज्म बना सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं है एंड बच्चे फिर क्या बना पॉपुलेशन बना कम्युनिटी बना बायोम बना कहाँ सेलुलर लेवल से, से कहाँ तक हमारी डाइवर्सिटी पहुंची है ना ठीक है डिफरेंट माइक्रो भी हैं आपके पास बच्चे इसको आप बोलेंगे हेड्रोजेनिटी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलो अब बात करें लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तो आपके पास है जेनेटिक जेनेटिक में आप सेम स्पीशीज की बात कर रहे हो स्पीशीज सेम है लेकिन एनवायरमेंट बदलने की वजह से उस स्पीशीज में कुछ चेंजेस आ गए जैसे कि जैसे कि रोवॉल्फिया वोमिटोरिया बच्चे जो नीचे है इसका प्लांट जो इसका प्लांट नीचे की तरफ होता है मान लो ये हिमालियाजें है है ना हमेशा मैं ऐसे हिमालियाज बनाती हूँ ये हिमालिया हैं यहाँ पे जो रोवॉल्फिया ग्रो कर रहा है और जो यहाँ पे रोवॉल्फिया ग्रो कर रहा है दोनों में बड़ा अंतर है ये वाला रोवॉल्फिया जो केमिकल बना रहा है जिसको हम बोलते हैं रेसर पाइन वो काफ़ी लाइक उसकी जो एफ, एफिकेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है ना वो कमाल का बन रहा है मतलब एकदम से होते हैं दवाई होती है बोलते हैं ना डॉक्टर को कि डॉक्टर मेरे को ना ज्यादा तेज दवाई मत देना मेरे को ना थोड़ी सी मीडियम सी दवाई देना ये वो है ये कैसी तेज जब दवाई है जो तुरंत ही तुम्हें ठीक कर सकती है ये वो वाली दवाई है है ना तो जहाँ पे रेसर पाइन ज्यादा बन रहा है ऊपर जो है उधर रेसर पाइन ज़्यादा बन रहा है नीचे बच्चे ठीक ठीक है ठीक है रेसर पाइन को हम यूज करते हैं टू ट्रीट हाई बीपी इसके और एग्जांपल्स क्या है जैसे कि मैंगो मैंगो की होती हैं आपकी 100 हंड्रेड वन बोलो वन थाउजेंड एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट विद दिस लेक्चर वेरी गुड शिवशंकर वेरी गुड वेरी गुड ठीक है वेरी गुड बच्चे वेरी गुड वेरी गुड हाँ हाई बीपी को ट्रीट करते हैं ओके okay, चलो ठीक है इसमें अपने क्या राइस में अपने पचास हजार वेराइटीज हैं है ना चलो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दो मैंने कल ही सीजन का पहला मैंगो खाया मैं वेट कर रही थी कि कब ना अप्रैल एंड आए और मैं तब खाऊंगी मैं पहले नहीं खाऊंगी ठीक है हाँ ओके okay. अच्छा अभी तक नहीं मिला रुक रुक या शिवांगी मैं अभी मैसेज करती हूँ रुक जा बोल दिया बोले बोला 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 मैंने बोला मैंने देखो बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू बच्चे थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू चलो स्पीशीज़ <laughs> डाइवर्सिटी की मैं बात करूं यहां पे हम अलग अलग स्पीशीज की बात करेंगे ठीक है स्पीशीज डाइवर्सिटी अलग स्पीशीज की बात करेंगे जैसे कि वेस्टर्न घाट में बच्चे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एम्फीबियंस की एज़ कंपेयर टू ईस्टर्न घाट ठीक है कहाँ ज्यादा है वेस्टर्न घाट्स में जहाँ मैम रहती हैं मैम कहाँ रहती हैं वेस्टर्न घाट्स में रहती हैं ठीक है थीके? चलो ओके okay, अच्छा मेघना वेरी गुड मेघना वेरी गुड बच्चे गुड गुड आ जाओ अब इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम लेवल पे आपके तरह तरह के इकोसिस्टम है और हर जगह अलग, अलग अलग आपको प्लांट एनिमल मिलते हैं डेजर्ट में जाओगे बच्चे डेजर्ट में जाएंगे तो अलग एनिमल मिलेंगे रेन फॉरेस्ट में अलग मिलेंगे एल्पाइन में अलग मिलता है मेडोज में अलग मिलेगा वेटलैंड में मैग्रोव्स में एश्यरीज में अलग मिलेगा एशरीज़ क्या होती है जहाँ पे समुद्र और नदी मिल रही है एल्पाइन क्या होता है जहाँ पे बहुत ठंडा इलाका है ठीक है और जहां बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं है वो होता है एल्पाइन मैंग्रोव्स आपको पता ही है बच्चे वेटलैंड क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा पानी है लैंड भी है मार्श एरियाज टाइप मेडोज क्या है मेडोज वो होते हैं जहाँ पे घास वास होती है वो होते हैं मेडोज आपके अब थोड़ी देर में सीरी चलने वाला है ठीक है चलो अब ये भी देख लो एक बार एल्फेट एल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है बीटा क्या होती है और गावा क्या होती है एल्फा होती है बच्चे एक जगह की जो डाइवर्सिटी है वो अगर तुमने ले ली दैट इज एल्फा ठीक है ये एक कम्युनिटी है उसकी डाइवर्सिटी ले ली तो एल्फा ठीक है तो ऐसी एल्फा एल्फ़ा अलग अलग होंगी अब बच्चे अगर मैं कंपेयर करूँ दो जगह की डाइवर्सिटी में उसको मैं बोलूँगी बीटा डाइवर्सिटी और अगर मैं सारी की सारी डाइवर्सिटी को एक साथ कंसिडर करूँ तो होती है गामा वो क्या होती है बच्चे गामा होती है ठीक है वो क्या होती है गामा होती है नेक्स्ट हमारी कितनी टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल स्पीशीज है हैं अब ये इसकी जानकारी कौन देता है इसकी जानकारी देता है आई यू सी एन विच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ये कैसे जानकारियां देता है हमें इसकी ये रेड डेटा लिस्ट बनाता है खतरनाक लिस्ट मतलब इसमें पता है क्या क्या होता है इसमें होते हैं आपकी कितनी स्पीशीज डिस्कवर करी हैं कितनी थ्रेटनड हैं कितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं कितनी आपकी ऐसी हैं जो कगार पे हैं एक्सटिंक्ट होने के ठीक है वो सब यहाँ पे आता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो 2004 में हमारा जो डेटा था बहुत पुराना है वैसे इसमें तुम थोड़ा ऐड <laughs> कर लेना बट वी डोंट हैव टू डू दैट क्योंकि एनसीआरटी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके हिसाब से बच्चे हमारे पास वन मिलियन स्पीशीज़ हैं पूरी अर्थ पर कितनी वन पॉइंट मिलियन स्पीशीज़ हैं बहुत सारे लोग आए उन्होंने एस्टिमेट लगाया किसी ने बोला कि टोटल स्पीशीज ना 50 मिलियन होएंगी किसी ने बोला 20 मिलियन होएंगी एक एस्टीमेट जो बच्चे हमने एक्सेप्ट करा हुआ है वो है रॉबर्ट मे का एस्टीमेट वो क्या बोलता है वो ये बोलता है कि हमारे पास सात मिलियन स्पीशीज हैं हमने सिर्फ ट्वेंटी टू परसेंट ही डिस्कवर करी हैं बाकी अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं ठीक है ठीके? जैसे कि बच्चे एनिमल्स की कितनी है मोर देन सेवेंटी परसेंट ठीक है प्लांट एंड फंगाई की बोले तो ट्वेंटी टू परसेंट है टोटल में से मिला के टोटल में से मिला के और एनिमल्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी किसकी है सबको पता है इंसेक्ट्स की है सेवेंटी परसेंट आपके यही है एक और बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल्स मैमल्स सबको ऐड कर दूं तो भी फंगस की स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा होंगी क्या होंगी बच्चे सबसे ज़्यादा होंगी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एक बच्चे है इनको इग्नोर नहीं करने का अरे ये वाले पाई चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लुक एट दिस अरे ये देखो सबसे ज्यादा इंसेक्ट है फिर मुलास्क है फिर क्रस्टेशन फिर दूसरे ग्रुप्स वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए बच्चे का आपके फिश कितने सारे हैं फिश को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या है वो मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल इन्फीवियन सबके बराबर हो जाएंगी और यहाँ देखो आपके फर्न मॉसेस कितने कम है एलगे लाइकन्स कितने कम है लेकिन वहीं पे एंजियोस्पर्म फंगाई बहुत सारे हैं और फंगस सबसे ज्यादा होगा फंगस सबसे ज्यादा होगा प्लीज़ रिमेंबर दिस माइक्रोब्स की मैं बात करूँ बच्चों माइक्रोब्स को हम काउंट नहीं कर सकते ठीक है क्यों एक तो मैं उनको कल्चर नहीं कर सकती हूँ दूसरा दूसरा मैं उसको कन्वेंशनल मेथड से कैसे करूँगी यार गिनती कैसे करूँगी मैं कैसे कर सकती हूँ मैं उसको काउंट इसलिए हमें इनका नंबर नहीं पता बट डेफिनेटली आई कैन टेल यू वन थिंग कि हमें इनका नंबर चाहे ना पता हो फिर भी इन्हीं की स्पीशीज होंगी जो सबसे ज्यादा होगी ठीक है इन्हीं की स्पीशीज होंगी जो सबसे ज्यादा होंगी यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आ जाओ ठीक है ना चलो आगे बढ़े चलो चलो ओके okay. चलो सेशन को लाइक भी कर दो भाई सेशन को लाइक भी कर दो बच्चे सेशन को लाइक कर दिया जाए चलो आ जाओ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है 2.4 परसेंट लैंड 8.1 परसेंट डाइवर्सिटी विच इज़ वेरी ग्रेट बहुत ही महान वादा है हमारे लिए कि हमारे पास 2.4 परसेंट लैंड है और 8.1 परसेंट हमारे पास डाइवर्सिटी है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है बच्चे इंडिया वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है और अपनी जो पोजिशन है वो एट्थ पोजिशन पे हैं हमारे पास कितने प्लांट्स हैं हमारे पास बच्चे फोर्टी प्लांट्स हैं नाइन्टी एनिमल्स हैं तो अगर मैं रॉबर्ट मेक का एस्टिमेट ठीक है अगर मैं रॉबर्ट मे का एस्टिमेट लगाऊं तो हमारे पास कितने मिलियन प्लांट होंगे मोर देन वन मिलियन प्लांट होंगे ठीक है और मोर देन थ्री लैक्स आपके हो जाएंगे मोर देन वन लैख होगा ना गड़बड़ है ये एक सेकेंड इसको करेक्ट करने दो यार लाख, ठीक है मोर देन वन लाख है मिलियन नहीं है भाई मिलियन नहीं है ओके okay, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं बच्चों आप चलो तो ये अपना अर्थ है अर्थ का एक इमेजिनरी लाइन लगाई हुई हमने रेखा जिसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं इस इमेजिनरी रेखा को हम क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं है ना हाँ चलो अब ये जो इक्वेटर इक्वेटर है ना बच्चे यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं पोल्स की तरफ डाइवर्सिटी कम होगी तुम्हें तो पता है ठंडी जगह पे कोई नहीं रहता नीचे की तरफ जा रही हूं डायवर्सिटी कम होगी ठंडी जगह कोई नहीं रहता तो यहां पे कुछ अपने फैक्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए ट्रॉपिकल रीजन विच इज द इक्वेटर यहाँ पे आपको टेन टाइम्स डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है बच्चे ज्यादा मिलते हैं कहाँ से टेम्परेट रीजन से दिस इज नॉट इक्वेटर, दिस इज ठीक है, है ये, का क्या नाम है, जो का है बच्चे जो कहा अमेरिका में है अमेरिका में अगर देखो यहां पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बर्ड्स की स्पीशीज की बात करू तो बच्चे ग्रीनलैंड जो की पोल्स के पास है, पे फिफ्टी सिक्स है न्यू जो थोड़ा सा आप नीचे आगे तो वहां पे वन है इंडिया जो ट्रॉपिक्स में ही है वहां पे 1200 आपको बर्ड्स की स्पीशीज मिलती है कोलंबिया जो बिल्कुल इक्वेटर पे बैठा हुआ है वहां पे मुझे 1400 मिल रही है तो बड़ी बात है ठीक है बड़ी बात है देन यू कैन सी दैट द डाइवर्सिटी इज इंक्रीजिंग एज यू आर गोइंग टूवर्ड द इक्वेटर अब बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमेजोन जो कि बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ये वैल्यूज आपको याद रखनी है इसका कोई एक्सकेप नहीं है ना 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 भूल जाओ कि मैम ये याद रखनी है मैं बोलूंगी याद रखनी है तो देखो हैं, हैं? हैं? हैं, 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 ठीक है कितने कितने ओके, ओके बच्चे, चलो 1300 427 427 ही है, दोनों हैं, बच्चे से ज्यादा हैं, तो से कम है थ्री सेवन थोड़ी से कम है याद रखो कि सबसे ज्यादा हैं, ये दोनों बराबर हैं, से कम है 378. अच्छा, ये जो इनवर्टिव रेट तो बहुत ही ज्यादा एक लाख पच्चीस हजार ऐसे ही याद रखो अगर पूरा नहीं याद होता तो, तो ऐसे ही याद रखो ओके okay. प्लांट की स्पीशीज ऑब्वियसली ज्यादा होंगी कितनी फिश बच्चे सबसे ज्यादा वैसे ही होती हैं जो हमने अभी पाई चार्ट देखा था उसमें भी देखा था तो तीन हजार फिश है रीजन क्या है बच्चे हाई बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स डिस्टर्बेंस नहीं है एक जगह तुम रह रहे हो बार बार तुम्हारा घर तोड़ के फेंक देता है कोई तुम वहां रहोगे क्या नहीं रहोगे तो वहां पर बहुत डिस्टर्बेंस होती है वन चीज देन बच्चे सोलर एनर्जी ट्रॉपिक्स में ज्यादा है है ना है ना वहां पे क्या होता है फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स बन रहे हैं बन रहे हैं टूट रहे, है, रहे हैं बन रहे टूट रहे हैं भाई कौन रहेगा वहां पे कोई नहीं रहेगा बिल्कुल नहीं रहोगे एनवायरमेंट मोड इज मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रडिक्टेबल चलो स्पीशीज एरिया रिचनेस पे आ जाते हैं अब ये है ग्राफ ऑफ स्पीशीज एरिया रिचनेस देखो इस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बच्चे आपकी स्पीशीज रिचनेस किसने दिया था इट वॉज गिवन बाय एलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट किसने दिया था एलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने दिया था इन्होंने क्या बोला इन्होंने वही बोला बच्चे जो तुम शादियों में जाते हो ना तो शादी में जो स्टॉल लगे होते हैं जैसे 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 तुम आगे आगे जा रहे हो तो तुम्हें वैरायटी मिलती जाती है मिलती जाती है लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ रिपीट होती रहती है फिर तुम बोलते हो वैरायटी नहीं आप, है अब है ना तो इसलिए यहाँ पे ऐसे सीधा वो आ गया अब कोई वरायटी नहीं मिल रही है तुम्हें पहले क्या होता था तुम जैसे जैसे पंडाल में ज़्यादा आगे जाते जा रहे थे आपको स्पीशीज़ स्पीशीज बहुत वैरायटी मिल रही थी कहीं पे गुलाब जामुन कहीं पर गोलगप्पे मिल लेकिन एक टाइम के बाद बच्चे वो रिपीट होता है तब आपको कोई नया चीज़ नहीं मिल रहा है दैट इज़ स्पीशीज एरिया रिचनेस है ना आप कर रहे हैं एक्सप्लोर लेकिन एक टाइम के बाद आपको वही स्पीशीज़ फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी सो दैट इज स्पीशीज़ एरिया रिचनेस ये क्या है वॉट इज दिस द इक्वेशन फॉर दिस वन इज एस इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर एस क्या है स्पीशीज रिचनेस ए क्या है एरिया C क्या है वाई इंटरसेप्ट एंड Z क्या है स्लोप ऑफ द लाइन क्वेश्चन कहां से आएगा यहीं से आएगा स्लोप ऑफ द लाइन क्या है बच्चे ये यह देखो यहां दिख रही है तुम्हें ये जो स्लोप दिख रही है यू कैन सी दिस अगर ये ज्यादा स्टीप हो जाए ठीक है अगर ये ज्यादा स्टीप हो जाए तो मतलब क्या है ये यह देखो यहां पे देखो मैंने दो एग्जाम्पल दिए हुए यहां पे तुम्हें एक बच्चे थोड़ा सा नॉर्मल आपको ऐसे दिख रहा है एक थोड़ा ऊपर हो गया ये देखो स्टीप हो गया अगर स्टीप हो गया इसका मतलब होता है ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है Z का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपके पास स्पीशीज रिचनेस होगा है ना ये देखो इस पॉइंट पे सेम पॉइंट पे यहाँ पे स्पीशीज मुझे ज़्यादा मिल रही हैं और यहाँ पे मुझे कम मिल रही हैं है ना हाँ आ जाओ ठीक है Z वैल्यू का नॉर्मल रेंज क्या है जीरो से जीरो होता है ये याद रखना है और अगर आपको देखना कि स्टीप कहाँ पे होगा कहाँ पे स्पीशीज ज्यादा होगा कहाँ होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में ज्यादा होगा ना या फिर जो भी बड़े इलाके होते हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट्स उसमें बच्चे जीरो पॉइंट सिक्स से वन पॉइंट टू तक हो जाता है फ्रूगी वोरस बर्ड्स एंड मैमल्स वन पॉइंट वन फाइव तक इनका जो जेड का वैल्यू है वो पहुंच जाता है ठीक है यस ठीक है चलो आ जाओ ओके okay, बच्चे ये बस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जस्ट टू शो यू कि स्टीप होगा तो ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी मिलेगी इंपॉर्टेंस क्या है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है है ना आपकी कम्युनिटी बच्चे स्टेबल हो जाती है जैसे कि आप रिजिस्टेंट हो जाते हो आप बड़े ऐसे हो जाते हो कि अच्छा हमें कोई ख़त्म करके दिखाए या फिर आप रिजिलियंट हो जाते हो अगर किसी ने आपको चोट पहुँचाई भी आप फिर से ठीक हो जाते हैं

बिल्कुल सही बात सही बात ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ तो इन्होंने बोला कि जिस प्लाट्स जिस प्लॉट्स में ज्यादा स्पीशीज थी ना वो ज्यादा स्टेबल थे क्यों भाई क्यों ज्यादा स्टेबल थे बच्चे इसलिए स्टेबल थे कि वहां पे रिप्लेसमेंट थी है ना अब देखो जैसे कि अन अकेडमी के ऊपर आपको इतने सारे टीचर्स मिलते हैं अगर कोई टीचर खुदा ना खास था चला गया यू हैव रिप्लेसमेंट आपका नुकसान नहीं होने देंगे आपका नुकसान नहीं होने देंगे ठीक है येस सो दैट इज वाई दे आर स्टेबल दे आर स्टेबल अब भाई एक बड़ा ही खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट नॉट एक्सपेरिमेंट बट हाइपोथिस रिवेट आई रिवेट रिवेट दिस इज रिवेट ट पॉपर हाइपोथिस भाई रिवेट क्या होते हैं जिनसे आपके पार्ट्स जुड़े हुए हैं दोज आर रिवेट्स ठीक है जिनसे आपके पार्ट्स जुड़े हुए हैं वो हैं रिवेट रिवर्ट नहीं होता बच्चे रिवेट रिवेट दीज आर रिवेट ये देखो है तुम्हारा ये रहा रिवेट ओके जिनसे आपके पार्ट्स जुड़े हुए हैं तो ये किसने दिया पॉल एलिच ने दिया उन्होंने बोला कि देखो भाई तुम ना प्लेन को समझ लो कि इकोसिस्टम है प्लेन क्या है इकोसिस्टम है ठीक है प्लेन इको सिस्टम है ओके okay? अब इस प्लेन में से अगर मैंने रिविट्स निकाल दिए रिविट्स को तुम स्पीशीज समझ लो ठीक है जो आपके चेयर के रिविट्स हैं जो आपके ट्रे टेबल के रिविट्स हैं जो आपके यू नो लावेट्री में जो मिरर के रिविट्स हैं दे आर नॉट वेरी यूजफुल ठीक है इतना कोई काम है अगर वो नहीं भी होंगे तो भी आपका प्लेन उड़ेगा लेकिन अगर तुमने विंग्स के रिविट निकाल दिए हाँ चंचल बच्चे यहाँ है ना चंचल बच्चे यहाँ पे राइट हाँ तो क्या करोगे तो क्या करोगे तो क्या करोगे यस बच्चे फिर आपका क्या हो जाएगा की स्पीशीज होती है वो क्योंकि रिवेट्स जो विंग्स के थे उसके बिना विंग उसके बिना प्लेन नहीं उड़ सकता दैट इज वाई दैट इज वाई तो इसीलिए बोला जाता है कि की, की स्पीशीज वो होती है जो ड्राइव कर रही है इकोसिस्टम को स्पीशीज इज द स्पीशीज विच इज गोइंग टू ड्राइव द इको सिस्टम समझे कि नहीं समझे समझे के नहीं समझे ठीक है चलो डन डन डान यस आ जाओ अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे आ जाओ कि भाई कितनी हो रही है कितनी हो रही है बच्चे कितनी लॉस हो रही है बायोडाइवर्सिटी आपका आयु रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस आई सी एन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 2004 में पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग बच्चे हमने सेवन एट फोर सात सौ एटी फोर स्पीशीज एक्सटिंक्ट पाँच सौ साल में जिसमें से कि एटी सेवन प्लांट थे जिसमें किससे कि थ्री फिफ्टी नाइन इन्वर्टिब्रिज थे जिसमें से कि थ्री थर्टी एट वर्टिब्रिज थे ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है जी चलो आ जाओ आ जाओ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर बच्चे में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ उसका सेशन श्रुति प्लीज़ देख लेना प्लीज कवर इट वो हो चुका है बच्चे वो हो चुका है ट्वेंटी मिनट का सेशन मैं डाल चुकी हूँ उसका ठीक है चलो ओके लास्ट ट्वेंटी ईयर्स में बच्चे आपके ट्वेंटी सेवन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आपके पंद्रह हजार पाँच सौ थ्रेटर्ड हैं जिसमें से कि बारह परसेंट बर्ड्स हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट एमल्स हैं थर्टी टू परसेंट एम्फीबियंस हैं ये याद रखना क्योंकि इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है 31 वन जिम्नोसपॉम है कौन कौन से हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं डोडो हो चुका है बच्चे मोरिशियस से कुआगा हो चुका है अफ्रीका से सीन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया से स्टेला सी काओ हो चुकी है रशिया से तीन सब स्पीशीज ऑफ टाइगर बाली जावन एंड कैस्पियन ये भी आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो अच्छा अब कॉजेज़ क्या है बायोडाइवर्सिटी अब कोई भी चीज़ है वो बेचारी एक्सटिंक्ट कैसे होएगी जब आपने उसका घर ही तबाह कर दिया अगर आप किसी का घर तोड़े जा रहे हो तोड़े जा रहे हो वो नहीं रहेगा बच्चे वो तो खत्म हो जाएगा ना तो सबसे पहला कारण ठीक है चार ए विल हैं सबसे पहला कारण क्या है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है ना जी बच्चे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है कि पहले जो फॉरेस्ट का कवर होता था ना हमारी धरती के ऊपर फॉरेस्ट पहले 14% परसेंट होते थे अब बच्चे सिर्फ और सिर्फ 6% परसेंट रह चुके हैं जिसमें से कि एक मेजर बलिदान हमने किसका दिया है अमेजॉन का दिया है ठीक है अमेजोन का दिया है राइट राइट ओके अमेजॉन में बच्चे क्यों आइए क्योंकि सोयाबीन बीफ कैटल इस सब के लिए हमने सारा का सारा सारा जंगल नहीं बट काफ़ी सारा जंगल डिफॉरेस्टेशन कर दिया इसीलिए बच्चे क्या हुआ यहां पे लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया ओवर एक्सप्लॉटेशन की वजह से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो गए ठीक है जो एक्सटिंक्ट हो गए हां जी कौन से है जो एक्सटिंक्ट हो गए यस बच्चे हाँ कौन से एक्सटिंक्ट हो गए आपके एक्सटिंक्ट हो गए ओवर एक्सप्लाइटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए स्टैलर सीकाउ एक्सटिंक्ट हो गया पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो गया मैरीन फिश आपकी एक्सटिंक्ट हो गई ओके ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से हमने इतना ज्यादा मार दिया इनको कि बेचारे रही नहीं खत्म हो गए खत्म हो गए बच्चे अब अगर मैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन की बात करूँ कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हमारे यहाँ के नहीं होते और आ जाते हैं अटैक कर देते हैं अटैक कर देते हैं पार्सल पिजन नहीं है पैसेंजर पिजन है अवे ओए पार्सल नहीं है चलो ओके इसमें बच्चे आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे कैरेट ग्रास ठीक है कैरेट ग्रास आ जाएगा विच इज पार्थीनियम कैरेट ग्रास आ जाएगा विच इज पारथीनियम लैंटेना आ जाएगा वाटर हाइसिंथ आ जाएगा जिसने कि हमारी नाक में दम करा हुआ है इट इज ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बेंगाल एनिमल्स की बात करूँ तो हाँ एनिमल्स की बात करूँ तो ये येस यस एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स में बच्चे आ गए आपके नाइल पर्च ठीक है इसमें आ गया आपका लेक विक्टोरिया ठीक है नाइल पर्च इज द स्पीशीज ऑफ योर फिश जो कि हमने लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करी थी ईस्ट अफ्रीका में इसने क्या करा वहां की जो 200 सौ सिकलिड फिश थी इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई ठीक है इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई तो ये याद रखना है एक अफ्रीकन कैटफिश का एग्जांपल भी बच्चे यहां पे बोला जाता है मेंशन करा जाता है कि ये भी हमने इलीगली इंट्रोड्यूस कर दिया था एंड उसकी वजह से जो वहां की खुद की फिशेस हैं, जैसे कि क्लैरियस गैरीपाइनस उनको थ्रेट हो गया है वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। मतलब अगर होस्ट मर जाए तो पैरासाइड भी मर जाएगा अगर पॉलिनेटर चला जाए तो प्लांट भी खत्म हो जाएगा हो जाएगा ना हो जाएगा ना है ना हाँ। चलो अब बच्चे हम बात करेंगे रीजंस फॉर कंजर्वेशन कैसे हम इसको कंजर्व करें या फिर क्यों करना है हमें कंजर्व भाई एक चीज़ अपने लिए कंजर्व कर लो अपने लिए कंजर्व कर लो मतलब नैरोली यूटिलिटेरियन है ना अपने सेल्फिश रीजन के लिए कंजर्व कर लो तुम्हें खाना मिल रहा है यहाँ से तुम्हें फॉर्डर मिल रहा है तुम्हें मेडिसिन मिल रही है टेन इंजरेज इन पता नहीं क्या क्या मिल रहा है तुम्हें पच्चीस परसेंट ड्रग्स मिल रहे हैं तुम्हें प्लांट से मेडिसिन मिल रही है यहाँ से बायो प्रोस्पेक्टिंग तुम कर रहे हो ढूंढ रहे हो कि भाई कौन सा एनिमल है कौन सा प्लांट है जिससे मुझे फ़ायदा हो सकता है जिसके अंदर से मैं कुछ चीज़ निकाल सकता हूँ जिससे मैं किसी भी बीमारी का uh, क्योर ढूंढ सकता हूँ दैट इज़ बायो प्रोस्पेक्टिंग तो अपने लिए कर लो ठीक है एक है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन यूटिलाइजेशन नहीं है दिस इज यूटिलिटेरियन मैंने सब करेक्ट करा था ये फिर से क्यों ऐसा हो गया है मुझे याद है मैंने करेक्ट करा था जब मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा रही थी ना ठीक है हाँ ओके चलो भाई जैसे कि पॉलिनेशन है जैसे कि आपको पॉलिनेशन करवा रहे हैं आपको फ्रेश हवा दे रहे हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है फूलों को देख के क्या क्या फूल हैं वाह 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 क्या फूल है है ना हाँ तो देखो सामने मेरे फूल रखे हुए हैं एथिकल में बच्चे कौन से आ जाएंगे एथिकल में आ जाएंगे आपके कि हर एक स्पीशीज का कुछ ना कुछ रोल है इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज की जान वैल्यूएबल है है ना हाँ ये आ गई चलो टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन बस चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चे टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन में हमारा आ गया इन सी टू इन सीटू क्या है उसी जगह पे कंजर्वेशन करना इन सी टू हम क्यों करते हैं बच्चे कंजर्वेशन क्योंकि कुछ आपकी स्पीशीज़ पता है कैसी होती है कुछ आपकी ऐसी जगह होती है हॉटस्पॉट होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है ठीक है लेकिन जहाँ पे एंडमिज्म भी है एंडमिजम बोले तो बच्चे एंडमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही रह सकती हैं अदरवाइज बच्चे वो नहीं रह सकती ठीक है नहीं रह सकती मैम ऐसे लग रहा है जैसे आप कार्टून नेटवर्क पर पढ़ रहे हैं हमारी क्लास में टॉम एंड जेरी भी आए हैं अच्छा ऐसी बात है ऐसी बात है हाँ चलो कोई बात आने दो यार सबको आने दो बस आप फोकस रखो सिर्फ इस पर बच्चे अपना फोकस बिल्कुल रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के ऊपर मैं आपके साथ ना इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ मेरे सेशन में क्योंकि मुझे पता है एंड आई नो दैट इज़ ऑल्सो द रीजन वाई आई हैव लेस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन माई क्लास क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करती हूँ मैं इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ ठीक है क्योंकि बच्चे फायदा सिर्फ उसी से होने वाला है आपका फायदा मैं आपसे गप्पे मारने बैठ जाऊं उससे नहीं होगा आपका फायदा होगा कि आप मन लगा के मेरे साथ पढ़ें और अगर आपके खुद के ही अंदर वो बात नहीं है कि मुझे पढ़ना है तो आपको कोई कोई नहीं करवा सकता आपके खुद के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता किसी के साथ ठीक है हाँ ठीक है चलो वेरी गुड बच्चे वेरी गुड हाँ चलो आ जाओ ओके okay, आ जाओ चलो हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कुछ बड़े सेंसिटिव होते हैं अगर टेम्परेचर थोड़ा कम ज़्यादा हो गया ठीक है मिट्टी थोड़ी बदल दी वो नहीं रह पाते बच्चे तो उसको हमें वहीं पे कंजर्व करना पड़ता है हम उसको कहीं और ले जाके नहीं कंजर्व कर सकते ठीक है ना तो उनके लिए हमें इंसी टू कंजर्वेशन ही करना पड़ता है वहीं पे कंजर्व करना इज इंसीटू कंजर्वेशन आपके हॉटस्पॉट कितने हैं बच्चे थर्टी फोर इनिशियली कितने थे ट्वेंटी फाइव थे नौ आपने बाद में ऐड करे इंडिया में कितने बच्चे इंडिया में कितने तीन वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका इंडो बर्मा एंड हिमालयस ठीक है इंडो बर्मा एंड हिमालयस अब आ जाओ तुम इधर एक क्वेश्चन जिसपे क्वेश्चन एक एक टॉपिक जिसपे क्वेश्चन पक्का आएगा वो ये है ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे कि यहां से क्वेश्चन ना आए इन सी टू टू से आएगा आएगा अब देखो इन सी टू एक्सी टू के एग्जाम्पल क्या है बायोस्वे रिजर्व कितने हैं फोर्टीन नेशनल पार्क कितने नब्बे ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है फोर फोर एट याद रखना और क्या एग्ज़ाम्पल इसके सेक्रेड ग्रोव्स ठीक है कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं हमारी कंट्री में जो कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो हमारी कंट्री में फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं कंजर्व करके रखे हैं काटने नहीं देते पेड़ों को क्या कहाँ कहाँ है बच्चे ये खासी एंड जयंतिया हिल्स में है मेघालय अरावली हिल्स राजस्थान वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र कर्नाटका सरगुजा चंदर चंद्रायन बस्तर हिम योर मध्य प्रदेश ठीक है चलो अब एक्सी टू पे आ जाओ एक्सी टू पे आ जाओ एक्सी टू में कौन से हैं जूलॉजिकल पार्क है बोटानिकल गार्डन है है ना जीन बैंक है सीड बैंक है क्रायो प्रिजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ सफारी है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वाइल्ड लाइफ सफारी है नोट्स आपको मिल जाएंगे डाकटर गार्गी सिंह टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे रे बाबा और 6:30 थर्टी पर आपका एक सेशन होने वाला है जिसका लिंक मैंने चैट में पिन भी करा हुआ है उसको मिस नहीं करना है उसको मिस नहीं करना है ठीक है ना यस चलो चलो भाई अब इसमें एक दो चीज़ें हैं वो क्या हैं वो यहाँ से आप प्लीज कर लेना ये ये वाली चीज है बच्चे बस ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना ये ये आपको यहां लिखना है कि भाई अर्थ समिट कब हुआ था अर्थ समिट हुआ था रियो डी डिजिनेरियो में इन द ईयर 1992 ठीक है यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड बच्चे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा हुआ था और कब हुआ था इट वॉज हेल्ड इन टू और जोहैनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था जहां पे एक कंट्रीज ने कसम ली थी कि हम बदलाव लाके रहेंगे ठीक है यस yes. बदलाव लाके रहेंगे डॉक्टर, डॉक्टर है डॉक्टर, अर्शी डॉक्टर, डॉक्टर बाबू हूँ मैं चलो एनवायरमेंटल इश्यूज़ कर ले पहले एनवायरमेंटल इश्यूज़ कर ले क्या ये बड़ा चैप्टर है भाई भाई लोगो वी आर डन विद वन मोर चैप्टर मॉर्फोलॉजी कर हो रहा है कल कल हो रहा है भाई लोग कल ठीक है चलो वन मोर चैप्टर डन वन मोर चैप्टर डन एनवायरमेंटल इश्यूज करते हैं चलो पहले क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इको इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितना बड़ा चैप्टर बच्चे ये तो एक बार ये हो गया ना फिर हम थोड़ा सुकून से अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे ठीक है ना ओके okay.

पल्यूशन पढ़ेंगे हवा का पानी का पोल्यूशन पढ़ेंगे सॉयल का भी पढ़ेंगे लेकिन ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन कहां से आते हैं हवा और पानी के पोल्यूशन से आते हैं ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स गेट स्टार्टेड थर्टी सेवन परसेंट चार्जिंग हो चुकी है चलो गुड ग्रेट अभी कोई ब्रेक नहीं ब्रेक की बात करी ना देन आई विल ब्रेक यू आई विल ब्रेक यू ठीक है आई विल ब्रेक यू अगर ब्रेक की बात करी चलो पोल्यूशन बच्चे पोल्यूशन क्या होता है अनडिजायरेबल चेंज होता है मैं क्या बोलती हूँ हमेशा पोल्यूशन क्या होता है अनडिजायरेबल चेंज जैसे कि जो लोग यहाँ पे स्पैम करते हैं वो क्या है अनडिजायरेबल चेंज है ना हमें नहीं चाहिए तो वो क्या Pollutants है पल्यूटेंट्स हैं स्कैमर्स जो स्कैमर्स बोल रही है स्पैमर्स होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं पल्यूटेंट्स हैं जिससे जैसे कि प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं प्राइमरी जिस फॉर्म में बने उसी फॉर्म में पल्यूशन फैला रहे हैं ठीक है उसी फॉर्म में फैला रहे हैं वो हो गए प्राइमरी जैसे कि जैसे कि एस ओ टू सी ओ टू नाइट्रोजन ऑक्साइड पार्टिकुलर मैटर ये हो गए बिल्कुल हो तो बिल्कुल हाँ सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी की बात करें तो ये कहते बता ये इंट्रैक्शन से बता ये खतरनाक और भी ज्यादा खतरनाक ये ना इधर उधर से सबके साथ दोस्ती करके बोलते हैं चलो चलो हम सब मिल एक नया भूचाल लेकर आते हैं एक नई तरह का पॉलिटन बनाते हैं तो ये वो है तो इसके एग्जाम्पल क्या है वो डॉ एक्जाम्पल एग्जाम्पल बच्चे ओजोन ठीक है ओजोन है और पैन है नाइट्रेट है इसका एग्जाम्पल ठीक है चलो यस <laughs> स्पैमर्स है बिल्कुल चलो आ जाओ एयर पोल्यूशन की बात करें बच्चे तो एयर पोल्यूशन में हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आपके व्हीकल्स हैं जो आपकी फैक्ट्रीज हैं वहां से जो धुआं निकलता है ना उसके अंदर बच्चे क्या निकलते हैं पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं एसओ निकलता है बहुत सारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते लेकिन ये सबसे खतरनाक है क्योंकि पूरा नहीं जलता तो छोटे 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 पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं वो क्या बनाते हैं पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड मैटर या फिर एरोजोल्स बनाते हैं ठीक है अब ये जो आपके पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये क्या करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं और रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं यील्ड ऑफ क्रॉप क्योंकि जो मेरे पत्ते हैं उनके ऊपर बैठ जाएंगे स्टोमेटा बंद कर देंगे बंद कर दिया तो फिर भाई अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगा तो भाई हमने बोला कि पार्टिकुलेट साइज लेस देन टू माइक्रोमीटर इज हार्मफुल ठीक है ये काफ़ी खतरनाक है काफ़ी खतरनाक है क्योंकि यही हमारे फेफड़ों में चला जाएगा यही हमारे लंग्स में चला जाएगा और गड़बड़ करेगा तो बच्चे इसको ठिकाने लगाने के तीन तरीके हैं पहला तरीका है कि स्क्रबर पहला क्या तरीका स्क्रबर एस से स्क्रबर एस ए सी एसओ टू स्क्रबर एसओ टू को निकालने में हेल्प करता है कैसे ये बच्चे स्क्रबर है स्क्रबर में इस तरफ गई पोलूटेड एयर ऊपर से तुमने कर दी बारिश किसकी बारिश पानी या फिर लाइम की अब पानी या लाइम एसओ टू के साथ मिक्स होगा रिएक्ट करेगा और उसको नीचे ले जाएगा ले गया नीचे और तुम्हारी हवा एस ओ टू मुक्त होकर ऊपर चली गई देखो क्या हुआ या तो पानी या फिर लाइम आप यूज़ कर रहे हो पानी यूज कर रहे हो चाहे लाइम यूज कर रहे हो वो रिएक्ट करेगा एसओ के साथ और उसको नीचे लेके चला जाएगा हवा तुम्हारी ऊपर चली जाएगी विच विल बी क्लीन एयर ठीक है विच विल बी क्लीन एयर तो ये क्या दिक्कत करता है रिमूव कर रहा है एसओ को अब आ जाओ बच्चों इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर ये क्या है यहाँ पे आपने लगाए हुए हैं ये वायर्स हैं इसके अच्छा इसके लिए मैं क्या बोलती हूँ तुम्हें इसके लिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि बच्चे एक एक मिनट अभी ना एक घंटा चालीस मिनट हो गया तुम्हें ब्रेक चाहिए हैं तुम्हें ब्रेक चाहिए बच्चे आप वहाँ पे तीन घंटे बीस मिनट कैसे बैठेंगे कैसे बैठेंगे आप मैं तो ये सोच सोच के ही आ, बस क्या बोलूं हाँ है ना चलो तो हमारे पास है वायर्स जिसको हमने बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया है इन वायर्स को बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया देखो ये वायर्स को काफ़ी चार्ज कर दिया है तेज़ गति पे, है ना? इसकी वजह से जो आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स थे मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए और ये जो आपकी एयर थी बच्चे यहाँ पे आपके काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसको हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज कोरोना दिस इज नोन एज डिस्चार्ज कोरोना अब आपने यहां से गंदी हवा फेंकी ठीक है यहां से आई डर्टी एयर अब बच्चे क्या होगा देखो जो आपकी डर्टी एयर आ रही है उसके जो डस्ट पार्टिकल है हम क्या करते हैं जब ऐसे 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 करके स्केल को अपने सर पे रब करते हैं तो चिपक जाते हैं ना आपके बाल देखो मेरे बाल भी चिपकने लग गए ठीक है चिपकते हैं ना बाल चिपकते हैं वो क्या वॉट इज दैट वो क्या दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चिपकते हैं तो यहां पे भी ये होगा आपने इसको इतना चार्ज कर दिया है कि अब ये डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर जाके चिपक गए ये इलेक्ट्रॉन एंड डस्ट पार्टिकल आगे मूव करेंगे यहां आपने बच्चे क्या रखी हुई हैं प्लेट ग्राउंडेड तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके डस्ट पार्टिकल इन प्लेट्स के ऊपर चिपक जाएंगे ठीक है अब डस्ट पार्टिकल यहाँ चिपक गए तो हवा तो शुद्ध हवा तो बाहर जाएगी वो तो इसके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो यहाँ चिपक गए हैं फिर बाद में आप ये प्लेट्स को निकाल के आप यू कैन क्लीन दम एंड देन यू कैन पुट दम बैक ठीक है दिस इज द लॉजिक दिस इज द रीजन बिहाइंड द इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको ये क्या करता है रिमूव करेगा पार्टिकुलेट मैटर को कितना 99% रिमूव कर देता है अब आ जाओ बच्चे कन्वर्टर पर कैटालिटिक कन्वर्टर पे तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है इसके अंदर हमने रखा रोडियम प्लैटिनम एंड पैलेडियम इसकी वजह से बच्चे इसकी वजह से जो आपके हाइड्रोकार्बन पूरी तरह नहीं बर्न हो रहे थे अब वो जल रहे हैं पूरे जल रहे हैं मतलब सी ओ एंड एच बना रहे हैं जो आपका पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था अब आप उसको सी ओ में कन्वर्ट कर पा रहे हैं जो पहले आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे थे अब आपने उनको कन्वर्ट कर दिया है नाइट्रोजन में ठीक है इसमें नहीं इसमें नहीं आपने उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया है ठीक है यू हैव कन्वर्टेड दिस इन टू नाइट्रोजन तो अब जो चीजें कन्वर्ट हुई वो हानिकारक नहीं है ना वो हानिकारक नहीं है है ना चलो और यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हैं अनलेडेड पेट्रोल यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते सॉरी यहाँ पे आप लेडेड पेट्रोल नहीं यूज कर सकते बच्चे क्योंकि जो लेड है ना वो इनएक्टिवेट कर देता है आपके कैटालिटिक कन्वर्टर को खराब कर देता है बेकार कर देता है काम नहीं आएगा है ना काम नहीं आएगा अब नॉइज की बात करें तो भाई नॉइज को भी बच्चे एयर पोल्यूशन में हमने इंक्लूड कर लिया था कब इन ईयर इन द ईयर 1987 कोई भी आवाज जो कि 80 से 85 फाइव तक है उसको हम नॉइज पोल्यूशन बोल सकते हैं ठीक है जो कि इससे ऊपर होगी ना 80 से ऊपर होगी 85 से ऊपर होगी उसको हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं जैसे कि 150 फिफ्टी जब कोई प्लेन टेक ऑफ करता है इतनी ज़्यादा होती है कि आपके एयर ड्रम्स खराब भी हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन बच्चे क्या कॉज कर सकता है हार्ट रेट बढ़ा सकता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कर सकता है आपके ब्रीदिंग पैटर्नस को चेंज कर सकता है जल्दी जल्दी सांस ले सकते हो आप या कई लोग घबराहट के बारे में उनको सांस ही नहीं आएगी स्लीपलेसनेस हो सकती है बच्चे आपकी हियरिंग एबिलिटी को डिस्ट डैमेज कर सकता है ठीक है चलो अब एक केस स्टडी हुई थी दिल्ली में दिल्ली में क्या केस स्टडी हुई थी क्योंकि बच्चे क्या हुआ ना कि दिल्ली वाज रैंकड अमंग फोर्थ पल्यूटेड सिटी लोगों ने क्या करा सुप्रीम कोर्ट को शिकायत लगाई लोगों ने क्या करा सुप्रीम कोर्ट को शिकायत लगाई बच्चे की देखो देखो हमारी सिटी में क्या हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे गवर्नमेंट को बोला कि इसको फिक्स करो ठीक है तो गवर्नमेंट ने क्या करा ठीक है यस yes. गवर्नमेंट ने क्या करा बच्चे गवर्नमेंट ने सी वाली बसेस चलाना शुरू कर दी ठीक है अब सी एन जी विच इज कंप्रेस नेचुरल गैस उसकी वजह से उसकी वजह से बच्चे जो आपका ये जो CNG सी एन जी थी ना पूरी जल जाती थी ये कुछ पार्टिकुलेट मैटर नहीं बनाती थी ये सस्ती भी थी मजे जहां पे हम सस्ती चीज देखते हैं हमें तो बड़ी अच्छी लगती है इसको बच्चे कोई चुरा भी नहीं सकता था इट कैन नॉट बी साइफ ऑफ बाई थीफ इसमें कोई मिलावट भी नहीं कर सकता था कैनॉट भी एडल्ट्रेटेड लेकिन इसमें कोई तकलीफ तो होगी ना तुम बोलोगे मैम सर्व गुण संपन्न तो कोई भी चीज नहीं होती तो इसमें भी कोई दिक्कत होगी दिक्कत क्या थी भाई इसकी पाइपलाइंस बिछानी पड़ती थी प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम क्या थी इसकी पाइपलाइंस बिछानी पड़ रही थी ये प्रॉब्लम थी बच्चे ठीक है याद रखना ये प्रॉब्लम थी एनी वे अब हमारे पास ना कुछ नॉर्म्स आए देखो यूरो वन नॉर्म्स आए यूरो नॉर्म्स आए यूरो नॉर्म्स आए यूरो फोर नॉर्म्स आए उसी के पैरेलल में हमने भारत के नॉर्म्स बनाए भारत वन टू थ्री फोर नॉर्म्स बनाए फोर वाला बच्चे आपका अब एप्लीकेबल है वन टू थ्री की अब बात नहीं होती ठीक है लेकिन अपनी किताब में थ्री की बात करी हुई है कि थ्री में हमने सोचा था थ्री वाले जो नॉर्म्स थे ना उनमें हमने सोचा था कि हम सल्फर को ना कितना कम ले आएंगे बच्चे पचास तक ले आएंगे ठीक है सल्फर को पचास तक ले आएंगे डीजल में पेट्रोल में सल्फर को पचास तक ले आएंगे ये हमारा गोल था हाइड्रोकार्बन हमने सोचा था कि हम इनको कहां तक ले आएंगे थर्टी फाइव परसेंट तक ले आएंगे ओके और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि भारत टू यूरो टू के जैसा ही था लेकिन अब एप्लीकेबल नहीं है अब हम इसको यूज नहीं करते हाँ अब इसको यूज नहीं करा जाता तो भारत फोर है बच्चे अब जो कि कब से एप्लीकेबल है अप्रैल 2017 से किस किस के लिए फोर थ्री एंड टू व्हीलर्स के लिए ठीक है टू थ्री एंड फोर व्हीलर्स पे एप्लीकेबल है चलो भाई आगे आ जाओ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इस चैप्टर से हो जाए ना तो तुम ऐसा समझाओ बोलते ना कि भाई मेजर चीजें आपकी खत्म हो गई हैं ठीक है ठीक है आर्या मुझे शिकायत कर रही है मैम यहाँ पे सब फालतू की बातें कर रहे हैं चैट में तो करने दो यार एक मिनट आर्या तुम्हें उनकी फालतू की बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और जो यहाँ पे मैम खड़े होके तुम्हें इतनी देर से पढ़ा रही हैं जो कि काम की बातें बता रही हैं तुम्हें वो जाए तेल लेने हाँ आर्या मुझे तुमसे शिकायत है मुझे उस बच्चे से शिकायत नहीं है जो यहाँ पे आके फालतू की बातें कर रहा है शिकायत मुझे उस बच्चे से है जो मैं जो बात बोल रही हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रहा है जिसका ध्यान जा रहा है उस पर कि मैम ये ये कर रहा है मैम ये वो कर रहा है हाँ? ये अच्छी बात है ये अच्छी बात है जितना ध्यान तुम्हारा उनकी बातों पे जाता है ना उतना ध्यान मेरी बातों पे भी दे लिया करो हाँ यस तो मैं उस बच्चे से गुस्सा क्यों हूं जिस, जो जिसका काम ही फालतू की बातें करने में मैं उसको क्यों बोलूं लेकिन जो बच्चा पढ़ने आया है उसको तो मेरी बातों पे ध्यान देना चाहिए ना हाँ <laughs> चलो तो मेरे को कंप्लेन करी ना अभी मैम ये बोल रहा है ये बोल रहा है तो मैं तुम्हारी तुम्हारी पिटाई करूंगी तुम्हें ही बोलूंगी मैं डांट उसी बच्चे को पड़ेगी क्योंकि वो मेरा बच्चा है आर्या मेरा बच्चा है उसी को डांट पड़ेगी ठीक है चलो पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल वाटर का जो एक्ट आया था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था बच्चे कब आया था इन द ईयर 1974 सारे ईयर बड़े इंपॉर्टेंट है अब हम क्या बोलते हैं कि जो पानी को कैसे मेजर करते हैं हम पोल्यूशन पानी के अंदर पोल्यूशन कितना है हम मेजर करते हैं बच्चे बी से बी मतलब कि पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका डिमांड कितना है ऑक्सीजन का उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए उनको ऑक्सीजन तब चाहिए होगा बच्चे जब ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा ऑक्सीजन कम क्यों पड़ेगा जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर आता है तो बच्चे क्या होता है जब ऑर्गेनिक मैटर आता है विच इज रिच इन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स तो उसके पीछे क्या होता है एल्गल भी ब्लूम हो जाती है एल्गा आ जाती है तो सारा का सारा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है ठीक है अब सारा ऑक्सीजन अगर इसने ले लिया तो बाकी लोग तो त्राहिमाम करेंगे ना हमें भी ऑक्सीजन चाहिए 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 बीओडी तो बढ़ेगा ना बीओडी तो बढ़ेगा ना समझो फिर से ऑर्गेनिक मैटर आया ऑर्गेनिक मैटर में क्या था नाइट्रेट्स और फॉस्फेट थे ये एलगे का खाना है एलगे आ गई बहुत ज्यादा ग्रो कर गई ग्रो कर गई तो इसने सारा ऑक्सीजन चूस लिया अब अगर इसने सारा ऑक्सीजन ले लिया तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का त्राहीमाम त्राहिमाम, त्राहिमाम होगा ना मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए तो मतलब बी बढ़ जाएगा बी बढ़ेगा? बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन आपका कम हो गया डिक्लाइन हो गया पानी के अंदर कम हो गया इसलिए बी बढ़ गया अब ऑक्सीजन के लिए डिमांड बढ़ गया इसकी वजह से बच्चे आपके फिश और दूसरे एनिमल मर जाते हैं फॉर एग्जांपल आइकोनिया क्रसिपस जिसको हम क्या बोलते हैं वाटर हाइसिंस व्हिच इज आल्सो नोन एज डॉ व्हिच इज आल्सो नोन एज बच्चे टेरर ऑफ बंगाल क्या करता है बहुत जल्दी-जल्दी ये बढ़ जाता है सेम काम ऑक्सीजन को चूस लेगा किसी और के पास नहीं जाएगी ऑक्सीजन सब मर जाएंगे सब के सब मर जाएंगे फटाफट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने आप को ग्रो कर लेता है है ना ये देखो ये मैंने यहां पे भी डायग्राम बनाया हुआ है हमने यहां पे सीवेज फेंका अरे एक मिनट ये देखो हमने यहाँ पे सीवेज फेंका है ना <coughs> तो बच्चे इस जगह में जहां पे आपने सीवेज फेंका वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हुआ ना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो तो एलगे का ब्लूम हुआ ना एलगे का ब्लूम हुआ बच्चे तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हुआ ना डिजोल्व ऑक्सीजन कम हुआ तो बीओडी बढ़ा ना बीओडी बढ़ा तो फिश वगैरह मरी ना समझे फिश वगैरह मरी ना मर गई ना ये देखो यहाँ पे ये, ये डायग्राम तुम्हारे बुक में दिया हुआ है यहाँ तुमने सीवेज फेंका था यहाँ पे बच्चे देखो ये रहा तुम्हारा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया उसकी वजह से बीओडी बढ़ गया जैसे जैसे तुम नदी के दूसरी तरफ गए तो वहां पे सिचुएशन ठीक हो गई थी वहां पे क्योंकि आपने सीवेज वहां नहीं फेंका ना तो वहां पे सब ठीक हो गया यहाँ पे आपको फिश वगैरह भी मिल रही है लेकिन यहाँ पे मर गई ये देखो फिश डाई मर गई ना आ जाओ भी यू ट्रॉफिकेशन क्या है इज नेचुरल एजिंग अब एजिंग तो हर एक की होनी है ना चाहे धरती पे जो भी चीज़ बनी है बच्चे सबकी एजिंग तो होगी चाहे तुम कुछ भी कर लो ठीक है चाहे तुम कैसी भी क्रीम लगा लो एजिंग तो होगी हाँ लेकिन अगर अब तुम्हारा लाइफ इतना बर्बाद है तो तुम अभी मतलब बीस साल में ही तुम चालीस साल के लगने शुरू हो जाओगे अगर तुम्हारा लाइफ बहुत बर्बाद है है ना हाँ क्यों एक्सरसाइज नहीं करनी अच्छा खाना नहीं खाना सारा दिन बस मोबाइल पे लगे रहना नींद पूरी नहीं करनी तो तो ऐसा ही होगा फिर अगर तुम सब कुछ सही रखोगे तो तुम 50 साल में भी बच्चे 30 साल के लग सकते हो कुछ भी हो सकता है यूट्राफिकेशन इज़ नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट लेक के अंदर न्यूट्रिएंट आते जाते हैं आते जाते हैं और वो बूढ़ी होती जाती है एजिंग होता जाता है लेकिन बच्चे हमारी गतिविधियों की वजह से विच इज़ नोन एज कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्राफिकेशन वो हमारी वजह से अब न्यूट्रियट्स बहुत ज़्यादा एड होते जा रहे हैं ठीक है हम सीवेज डालते जा रहे हैं नदियों में या फिर लेक्स में उसकी वजह से नाइट्रेट्स आ रहा है फॉस्फेट आ रहा है एल्गल ब्लूम हो रहा है बीओडी इंक्रीज हो रहा है यूट्रोफिकेशन हो रहा है है ना यस जवानी के नुस्खे गार्गी मैम अच्छा हाँ इतना सच कह दिया मैंने <laughs> आ, बोल सतिया वैसे मैंने नहीं बात तो है ये बात तो तुम बोल रहे हो आर्या का पीछे छोड़ दो आप। आपने काम से काम दो कुछ भी चलो आ जाओ अच्छा बच्चे और कैसे आपका और क्या कारण है जिससे पानी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं कि भाई तुमने जो थर्मल प्लांट्स हैं आपके वहां से गरम-गरम पानी निकल गर रहा है तुम पानी नदियों में फेंक रहे हो एक नदी ठीक है एक्चुअली यूट्रोफिकेशन का कारण है यूट्रोफिकेशन का कारण है एक नदी जो अभी नदी या लेक जो भी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है तुमने उसमें गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा जो एनिमल्स गर्म पानी में नहीं रह सकते वो तो निकल लेंगे ख़त्म हो जाएंगे और नए ऑर्गेनिज्म वहाँ जाएंगे तो तुमने डैमेज कर दिया ना जो वहाँ के ओरिजिनल इंडिजिनस फ्लोरा एंड फाउना था क्यों कर रहे हो तुम ये सब मत करो यार अब आ जाओ बायोमैग्नीफिकेशन पे ये क्या होता है हाँ हाँ ठीक है मेरे को पता था जब मैं ये एग्जाम्पल दूंगी ना कोई एक कोई एक बहुत ही क्या बोलूँ उसको आई वॉन्ट टू यूज़ अ सभ्य वर्ड लेकिन स्टिल मैं रोस्ट करना चाहती हूँ बच्चे ठीक है um, तो मेरे को पता था जब मैं ये एज वाला एग्जाम्पल दूंगी ना कोई ना कोई महानुभाव चलो महानुभाव तो बिल्कुल ही एकदम रोस्ट वाला भी नहीं हुआ महानुभाव आएगा और बोलेगा कि मैम आप भी देखो पचास में तीस की लगती हो बच्चे कम से कम ऐसी चीजें बोला करो जो एक्सपेक्ट ना करे कोई जो प्रडिक्ट ना कर सके हैं है तो तुम स्पैम करते हो स्पैमिंग में थोड़े कुछ नॉवल्टी लाओ यार ये क्या तुम बोरिंग सी बातें करते रहते हो कम से कम हम हंसे तुम्हारी बात पे इतना तो करो ये फालतू की बातें काहे करते हो यार इतनी बोरिंग बात तूने बोली है ना शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर स्पैमर कहलाने के, के लायक नहीं हो तुम चलो मैग्निफिकेशन है ये मैग्निफिकेशन ठीक है दिस इज मैग्निफिकेशन हां चलो सो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, जैसे कि डीडीटी, मर्करी, लेड, एक लेवल पे ट्रॉफिक लेवल पे जितना आपका ये मरकरी होगा या लेड होगा या डी होगा बच्चे अगले लेवल पे तो ज्यादा जाएगा तुम कोई अगर मम्मी ने बोला चलो आज ना पालक पनीर बनाएंगे तुम्हें एक पत्ता तो नहीं मिलता पालक का बहुत सारे पत्ते खाते हो तो एक पत्ते में अगर एक एक पत्ते में अगर दस है तुम्हारा दस मिलीग्राम है मान लो कोई चीज़ तुमने तो सौ पत्ते खा लिए तुम्हारे अंदर तो बहुत सारा चला गया ठीक है तुम्हारे अंदर तो बहुत सारा चला गया ना हाँ चलो मैम सबके पास मेरे जैसा टैलेंट नहीं है अच्छा रॉबिन तू रुक जा <coughs> चल भाई चल आ जाओ ठीक है जी जैसे कि बच्चे वाटर के अंदर अगर मैं देखूँ डीडीटी का कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.03 पार्टिकल्स पर बिलियन बिलियन है ही याद रखना यहाँ पे 0.04 पार्टिकल्स पर मिलियन है जू प्लैंगटन में फिर जू प्लैंगटन को स्मॉल फिश ने खाया उसके अंदर बच्चे ज़्यादा चला गया स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया उसके अंदर ज़्यादा जाएगा लार्ज फिश को बर्ड खाएंगी उनके अंदर और भी ज़्यादा चला जाएगा इसकी वजह से उनका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और उनके अंडे बच्चे ठीक से शेल नहीं बना पाते ठीक है उसकी वजह से बच्चे उनके अंडे जल्दी टूट जाते हैं और देयर इज डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन पॉपुलेशन कम हो जाती है ठीक है पॉपुलेशन कम हो जाती है त चलो आ जाओ अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट ठीक है चलो इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं कहा गया हाँ तो ये क्या था बच्चे कहाँ हुआ था ये ये हुआ था अमेरिका में अमेरिका में कहा कैलिफोर्निया में आकेटा विच इज अ प्लेस इन कैलिफोर्निया वहां और वहां के बायोलॉजिस्ट थम्बोल स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट दोनों ने मिलके क्या करा जो लोकल लोग थे वो एंड बायोलॉजिस्ट ने मिलके क्या करा कि हम ना एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पर जहां पर नेचुरल uh, तरीक़ों से हम पानी को क्लीन करेंगे ठीक है तो सेडिमेंटेशन फ़िल्ट्रेशन क्लोरीन का ट्रीटमेंट ये तो करा इंपॉर्टेंट क्या था बच्चे इन्होंने छह मार्शेस बनाए मार्शेस क्या होते हैं मार्शेस ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है मार्शी प्लेस बोलते हैं ना मार्शी दलदली सा पानी इकट्ठा तो उनको मार्शिज़ बोला इन्होंने क्या यूज़ करा इन्होंने प्लांट यूज़ करे इन्होंने फंगाई यूज़ करा ठीक है इन्होंने बैक्टीरिया यूज़ करा इनकी वजह से जो प्लांट्स बैक्टीरिया फंगाई थी इनकी वजह से इन प्लांट्स ने बैक्टीरिया ने फंगाई ने एब्जॉर्ब कर लिए वो गंदी चीज़ें पानी के अंदर जो भी गंदी चीज़ें थी बच्चे इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए और पानी को साफ कर दिया क्या करा पानी को साफ कर दिया और हमने इनको क्या बोला फोम फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श बोला देन यू हैव इको सैंड टॉयलेट्स बच्चे ये क्या होते हैं ये वही टॉयलेट्स हैं जैसा नेचर ने इंटेंड करा था भगवान ने बच्चे यही इंटेंड करा था भगवान ने ये नहीं बोला था कि तुम टॉयलेट बना के बैठ जाओ और फिर पानी यूज़ करके उसको फ्लश करो भगवान ने बोला था कि तुम जाओ ठीक है जैसे एनिमल्स जा रहे हैं वैसे तुम भी जाओ उसके ऊपर मिट्टी डाल दो बस ठीक है तो ये वही है पुप्पू गए मिट्टी डाल दी और वो क्या हुआ कॉम्पोस्ट के लिए यूज़ कर लिया ये वही है अब मैं सॉलिड वेस्ट की बात करूँ तो तीन तरह से हम सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगा सकते हैं कैसे कैसे या तो हम जला दें बट वह सबको जला नहीं सकते हो ठीक है सबको नहीं जला सकते हो लेकिन जलने वालों को जलने से कोई रोक नहीं सकता है ना खड़ैक क्या बोला मैम आपने क्या बोला कुछ को बच्चे आप ओपन में डंप कर देंगे फेंक देंगे वहाँ पे फिर तुम्हारे मक्खी मच्छर आ जाते हैं चूहे आ जाते हैं कुछ को बच्चे आप क्या करते हैं कि दफना देंगे गड्ढा खोदा उसके अंदर डाल दिया ठीक है इनको क्या बोलते हैं लैंडफिल्स लेकिन इसमें भी दिक्कत है यहाँ से केमिकल्स नीचे लीक होके नीचे चले जाते हैं और कितनी जगह होगी तुम्हारे पास जगह कितनी होगी जगह कितनी होगी कम ही है ना अर्थ पे कोई लिमिटेड अनलिमिटेड जगह तो नहीं है कितने गड्ढे बना दोगे नहीं बना पाते तो अब क्या करें फिर हम फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ वेस्ट पहले ना वेस्ट को हम कैटेगराइज कर लेते हैं एक हमने बोला बायोडिग्रेडेबल ये तो बेचारे शरीफ वाले हैं इनका कोई वो नहीं है मतलब हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम हमें इनसे है प्लास्टिक पॉलीबैग ई वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट इनसे बड़ी प्रॉब्लम है रिसाइकलिबल चलो फिर भी ठीक है अच्छा हॉस्पिटल का जो वेस्ट है ना बच्चे आपको उनको जलाना ही पड़ता है इंसिनरेटर्स में रखना पड़ता है दे आर बिग वेसल्स जहां पे आग लगा के हम चीजों को जला देते हैं ठीक है हाँ जहां पे आग लगा के हम चीजों को जला देते हैं डंडन डन हाँ स्वच्छ भारत अभियान वैसे एक एक बात बताऊँ जब गवर्नमेंट कुछ इस तरह की चीज़ें निकालती है ना तो लोग भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं आप भी आप सोचना कि जब स्वच्छ भारत अभियान आया था तब अगर आप कोई चीज़ फेंक रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार तो आता था कि नहीं यार ऐसे नहीं करना इसको ना प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता है ठीक है इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता है हाँ चलो यस ओके okay, बच्चे तो ई वेस्ट को हम क्या करते हैं या तो हम जला देते हैं या फिर हम दफना देते हैं लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है अच्छा तरीका है रिसाइकल करना लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना बच्चे वहाँ पे रिसाइकल करते करते ठीक है रिसाइकल के प्रोसेस में हम कुछ मेटल्स निकालते हैं जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं ना उस चक्कर में बच्चे जो वर्कर्स हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस का उनको एक्सपोजर हो सकता है विच इज़ हार्मफुल एक केस स्टडी हुई थी अहमद खान ने करी थी विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने क्या करा था बच्चे इन्होंने ना जो प्लास्टिक था उसका मॉडिफाई करके पाउडर बना लिया क्या करा मॉडिफाई करके पाउडर बना लिया जिसको हमने क्या बोला जिसको हमने बोला पॉली ब्लेंड जिसको हमने क्या बोला पॉली ब्लेंड बोला अब ये जो पॉली ब्लेंड था इसको हमने बिटुमेन के साथ यू नो ऐड करके मिक्स करके ठीक है हाँ तो बिटुमेन के साथ पॉलीब्लेंड को मिक्स करके बच्चे हमने क्या करा सड़कें बना दी सड़कें बना दी अब इससे क्या हुआ फायदा हो गया फायदा क्या हुआ आपने देखोगा बारिशों में सड़कें टूट जाती हैं है ना थोड़ा सामान ठीक नहीं लगाते हैं इसलिए भी टूट जाती हैं लोग गड़बड़ करते हैं लेकिन इसकी वजह से बच्चे पॉलीब्लेंड की वजह से ठीक है पॉलीब्लेंड की वजह से आपकी सड़कों की लाइफ बढ़ गई क्योंकि इसके अंदर वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज़ थी तो हमारे तो मज़े आ गए भाई अच्छा अब आ जाओ तुम एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स पे एग्रोकेमिकल्स में बच्चे क्या क्या आ जाएंगे आपके वीडी साइड्स आ जाएंगे फंजी साइड्स पेस्टिसाइड हर्बी साइड ये सब कुछ आ जाएगा अब तुम्हें पता है ये कितने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और हम ये सब खा रहे हैं इनकी वजह से बायोमैग्नीफिकेशन होगा इनकी वजह से यूट्राफिकेशन भी होगा अब क्या करें फिर फिर हमने एक और केस स्टडी करी ठीक है इसमें कौन आए बच्चे रमेश चंद्र दागर आए जो कि हरियाणा में एक किसान थे इन्होंने देखा कि हम इस सिचुएशन को सुधार सकते हैं हमें ज़रूरी नहीं है कि केमिकल्स ही यूज़ करने हो हम इसको सुधार सकते हैं ठीक है येस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चो वेरी गुड इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने शुरू करी क्या थी अब कोई वेस्ट नहीं रखना फसल काटी फसल काटने के बाद जो थोड़ा बहुत वेस्ट था उसको गाय को खिला दिया भैंस को खिला दिया गाय भैंस ने खाया फिर उन्होंने गोबर भी करा है ना उस गोबर को हमने गोबर गैस बनाने में यूज़ कर लिया तो जो फार्म था उसके लिए आपने पावर भी बना ली ओके अच्छा जी अब जो थोड़ी बहुत फसल आपकी वेस्ट बची या फिर जो गोबर बचा तो उसको तुमने कॉम्पोस्टिंग के लिए रख लिया आपने हनी बीज भी रख ली कि हनी बनाएंगे वहाँ पे और पॉलिनेशन भी हो जाएगा तो दिस इज व्हाट दिस इज अ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पे जीरो वेस्ट होता है आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे बच्चे क्रॉप वेस्ट से आप कंपोस्ट बना रहे हो फर्टिलाइजर बना रहे हो और गोबर से गोबर गैस बना रहे हो ठीक है इन्होंने बच्चे एक क्लब बनाया आपका हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब जिसमें कि पाँच किसान भी हैं देन बच्चे रेडियो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ठीक है रेडियो एक्टिव वेस्ट में आपका आ गया ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव वेस्ट ही आ गया आपका इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट है तो रेडियो एक्टिव वेस्ट ही आएगा ना चलो अब इसमें तीन प्रॉब्लम्स हैं ठीक है सॉरी तीन प्रॉब्लम नहीं है इसकी दो प्रॉब्लम है एक है एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए तो जैसे कि बच्चे कहाँ हुआ था थ्री माइल आइलैंड इंसिडेंस चर्नोबिल इंसिडेंस दूसरा प्रॉब्लम है कि हम इसको सेफ डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं एक सजेस्टेड वे है जिसमें बोला जाता कि एक बड़ा कंटेनर ले लो ठीक है सॉलिड कंटेनर ले लो उसके अंदर वेस्ट डालो और फिर एक गड्ढा खोदो 500 मीटर डीप फिर उसके पाँच सौ मीटर डीप तुम वो कंटेनर डाल दो लेकिन पब्लिक इसको अपोज कर रही है क्यों वो बोल रहे हैं कि आप हमारे सिटी में ये नहीं करेंगे क्योंकि जो वेस्ट होता है ना बच्चे वहाँ से भी रेडिएशन निकलती हैं ठीक है, है? वहाँ से भी रेडिएशन्स निकलती हैं ओके भोपाल गैस ट्रेडजी ट्रेजिडी मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये भी ना रेडियो एक्टिव वेस्ट का लीकेज हुआ था नहीं ये बच्चे गैस का लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था ये दिसंबर 1984 में हुआ था बहुत ही खतरनाक हादसा था बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी यस चलो आगे बढ़े वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर है ना जी लाइक भी कर दो सेशन को हाँ भाई लाइक भी कर दो सेशन को कैसी बातें कर रहे है? हो आगे बढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं बच्चे फटाफट से एंड ग्लोबल वार्मिंग करते हैं ओजोन डिप्लीशन वगैरह भी करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपकी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हैं आई ठीक है काफ़ी काफ़ी सारी सारी तो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो हो जाती हैं। हो जाती हैं हैं क्लाउड से गैसेस से जो बची वो अर्थ पे चली गई अब बच्चे जो अर्थ पे गई ना वो भी पता है क्या होती हैं अर्थ पे गई एब्जॉर्ब हुई एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट बैक हो गई एज इंफ्रा रेज अब इंफ्रारेड रेज तुम्हें पता है गर्मी करती हैं ये चलता रहता है ये चलता रहता है अर्थ पे गई फिर वापस आ गई फिर अर्थ पे गई फिर वापस आ गई ये चलता रहेगा तो इसको कैप्चर कौन कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस कैप्चर कर रही है इनको बिल्कुल एस्केप नहीं होने दिया जाता ग्रीन हाउस गैसेस इनको कैप्चर कर लेते हैं जिससे कि आपके अर्थ पे एक कंफर्टेबल गर्माइश वाला टेम्परेचर रहता है इसी की वजह से बच्चे क्या है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस मैं एवरेज की बात कर रही हूँ ठीक है मैं एवरेज की बात कर रही हूँ ओके एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाता है बच्चे 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसके बिना माइनस एटीन होगा एवरेज आप रह ही नहीं पाओगे इनहैबिटेबल ही नहीं होगा अर्थ ठीक है ओवर हीटिंग हो रही है अब अर्थ की क्यों क्योंकि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बहुत ज़्यादा निकल रही हैं बहुत ज़्यादा निकल रही है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग वॉट आर द ग्रीन हाउस गैसेज बच्चे वॉट आर द ग्रीन हाउस गैसेस सी ओ टू ठीक है सिक्सटी परसेंट एच आपका मीथेन ट्वेंटी परसेंट आपके क्लोरो फ्लोरोबन फोटीन परसेंट आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड 6% ये आपकी हैं ग्रीन हाउस गैसेज वॉट इज़ एल इफेक्ट एल नी इफेक्ट इज इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि जो आपके इक्वेटर के आसपास पास ओशनज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वार्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे करें कॉमन सेंस यूज़ करके कंट्रोल करें भाई ज़्यादा फोसल फ्यूल मत यूज़ करो ये जो पेट्रोल है डीजल है मत यूज़ करो पेड़ लगाओ पॉपुलेशन को कंट्रोल में करो इसी को कंट्रोल करने के लिए बच्चे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने एक करा था क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में किस लिए टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस याद रख लेना अब आ जाओ ओजोन पे ओजोन क्या है ओजोन इज द प्रोटेक्टिव शील्ड ठीक है ये अवेंजर्स वाला शील्ड नहीं है ये भगवान का दिया हुआ शील्ड है जो कि अर्थ के ऊपर लगा हुआ है ठीक है और जहां से आपका ओजोन का लेयर थोड़ा पतला हो गया ना पतला गायब नहीं होगा पतला होगा उसको हम बोलते हैं ओजोन होल आपका ओजोन बच्चे स्ट्रेटोस्फेयर में है स्ट्रेटोस्फेयर वाला ओजोन अच्छा होता है गुड होता है शील्ड की तरह एक्ट करता है ऐसे याद रखोगे एस से शील्ड एस से स्ट्रेटोस्फेयर लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर लेकिन जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में आ जाता है ना बच्चे वो गंदा होता है वो कैसा होता है पल्यूटेंट बन जाता है वो हार्म करता है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी ठीक है ना ओके देखो अब ओजोन ओजोन की जो थिकनेस है उसको हम मेजर करते हैं डॉपसन यूनिट में ओजोन की थिकनेस बच्चे काफी कम होती जा रही है ठीक है ओजोन डिप्लीशन हो रहा है और उसकी वजह से यू बी हमारे अर्थ के अंदर एंटर हो जाती हैं उसकी वजह से बच्चे आपका डीएनए का म्यूटेशन हो सकता है आपकी एजिंग हो सकती है स्किन की यू विल यू नो मैं अभी जो बोल रही थी कि आपकी हैबिट्स कैसी है अगर तुम बाहर जा रहे हो बिना सनस्क्रीन के तो फिर दिक्कत है ना फिर फिर मत बोलना कि हाय हाय मेरे को तो मैम फीलिंग है एवेंजर्स वी रियली लव आयरन मैन अरे आयरन मैन इज माई फेवरेट कैरेक्टर ऑल्सो आयरन मैन मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है मार्वल का आयरन मैन एंड हल्क आयरन एंड हल्क डीएनए म्यूटेशन हो जाएगा बच्चे एजिंग हो जाएगी स्किन कैंसर हो जाएगा हाई डोजेज अगर होगी तो आपकी आंख को भी डैमेज कर सकती है आपकी कॉर्निया को डैमेज कर सकती है विच इज नोन एज स्लो ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट हो जाएगा ठीक है कैटरेक्ट हो जाएगा चलो आ जाओ अब देख लो क्या होता है <coughs> ये देखो क्लोरो निकले अब बच्चे इसके ऊपर क्या पड़ेगी इसके ऊपर पड़ेगी आपकी सनलाइट सनरेज रेज पड़ेगी तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स को क्लोरी क्लोराइड आइन में तोड़ देंगी एंड दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद द ओजोन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन बना दिया और क्लोरीन मोनो ऑक्साइड बन गया ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना ना ये बच्चे फिर से ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलके ऑक्सीजन बना देगा मॉलिक्यूल और ये क्लोरीन फिर से आपके ओजोन को तोड़ने के लिए तैयार है तो बेसिकली ये ओजोन को तोड़ रहा है ये जितना ओजोन को तोड़ेगा उतना ही बच्चे आपका ओजोन डिप्लीट होता जाएगा और ओजोन होल बनता चलो इससे छुटकारा पाने के लिए हमने क्या करा था मॉन्ट्रियल इससे छुटकारा पाने के लिए हमने करा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा में हुआ था बच्चे साइन हमने कर दिया था इन द ईयर 1987 लेकिन इफेक्टिव हुआ था 1989 में ये याद रखना यही क्वेश्चन आता है किस लिए था ये एमिशन रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोम्स कार्बन का एमिशन रोकने के लिए सॉइल इरोजन पे आ जाओ एंड डिफॉरेस्टेशन पे आ जाओ सॉयल इरोजन कैसे होएगा बच्चे कैसा होगा ओवर कल्टीवेशन कर दोगे तुम अपनी जो सॉयल है धरती माँ है उनको आप टाइम ही नहीं दे रहे हो रिकवर करने का तो सॉइल इरोजन होगा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हो कैटल्स हैं उनको बोल रहे जाओ खा लो जितनी घास खाने है, खा लो ठीक है खाते रहो खाते रहो पुअर इरीगेशन पानी नहीं दे रहे हो अर्बनाइजेशन Uh, मतलब जंगल काट के आप वहाँ पे शहर बनाए जा रहे हो दीज आर द रीजन ना अच्छा देन बच्चे यू ऑल्सो हैव वाटर लॉगिंग एंड सॉयल सेलिनिटी वाटर लॉगिंग क्या होती है वाटर लॉगिंग इज सॉइल के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना पानी खड़ा हो जाता है ना सॉइल में तो उसको वाटर लॉगिंग बोल देंगे एंड सॉइल सेलिनिटी सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हो जाना जब बच्चे ऐसा होता है ना वाटर लॉगिंग हो जाती है पानी खड़ा हो गया ठीक है तो वहाँ पे सॉल्ट्स ऊपर आ जाते हैं ठीक है, सोल्ट दे कम आउट टू द सर्फेस नॉट स्क्वायर टू द सर्फेस ऊपर आ जाते हैं बच्चे आपके ना सरफेस पे आगे कभी कभी रूट्स के ऊपर भी चिपक जाएंगे ये देखो सरफेस पे आगे या फिर रूट्स पे चिपक जाते हैं उससे आपका क्रॉप डैमेज हो जाता है एक आपका डिफोरेस्टेशन है बच्चे पेड़ों को काटना इस डिफोरेस्टेशन उसको बचाने के लिए हमने क्या करा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी निकाली 1988 में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है प्लेन्स के लिए कितना रखा हुआ है हमने थर्टी और बच्चे जो हिल्स हैं उनके लिए हमने रखा है सिक्सटी मतलब सिक्सटी फॉरेस्ट कवर रहना चाहिए वो वाले पेड़ नहीं कटेंगे अच्छा नेक्स्ट फॉरेस्ट कवर नाउ कितना है 19.4 है बच्चे जो कि ट्वेल्थ सेंचुरी में कितना था थर्टी परसेंट आप देखो दस परसेंट कम हो गया कितना ज्यादा कम हो गया फोर्टी परसेंट बच्चे आपके जो फॉरेस्ट हैं वो आप लूज कर चुके हो ट्रॉपिक्स में एंड वन परसेंट इन टेम्परेट ठीक है फोर्टी परसेंट ट्रॉपिक्स में ज्यादा चले गए हैं ओके okay, चलो अब क्यों रहिए आप क्योंकि फॉरेस्ट कट कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं uh, अच्छा नहीं रुको 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 दिस इज स्लैश एंड बर्न स्लैश एंड बर्न झूम कल्टिवेशन ये क्या होता है फॉरेस्ट को काट देना जला देना और ऐश को यूज करना एज फर्टिलाइजर बट बच्चे अभी क्या हो रहा है अभी ये हो रहा है कि पहले जो लोग थे ना वो टाइम देते थे थोड़ा टाइम देते थे रिकवर करने के लिए लेकिन अब क्या हो रहा है अब टाइम नहीं दे रहे हो तुम रिकवर करने के लिए तो इसलिए आपकी जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि लोगों को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं जैसे कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड निकाल दिया अमृता देवी वॉज अ वेरी करेजियस वुमेन उन्होंने क्या करा था एक राजा थे उन्होंने बोला जंगल काट दो उन्होंने बोला कि नहीं जंगल नहीं कटेगा मेरे को काट दो पेड़ के साथ वो चक चिपक गई और उन्होंने बोला मेरे को काट दो लेकिन जंगल नहीं कटेगा ठीक है यस yes. इसलिए इनके नाम पे हमने एक अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ अवार्ड निकाल दिया चिपको मूवमेंट बच्चे गढ़वाल में हुआ था हिमालयाज में 1974 सेवेंटी फोर एग्जैक्टली यही बात थी जो यहां हुई थी लेकिन अमृता देवी एंड हर डॉटर्स उनको मार दिया गया था यहां पे कोई नहीं मरा था फर्क ये था और गवर्नमेंट ने एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम भी निकाली थी 1980 में दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर डन विद वन मोर चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर विच इज विच इज विच इज विच इज इको चलो अब इकोसिस्टम पे आ जाते हैं आ जाओ फटाफट से इको करते हैं वी आर डन विद वन मोर चैप्टर बच्चे देखो ये रिविजन वाला आपका वो है ठीक है ना कल अपन करेंगे एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी है ना कल अपन करेंगे एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी बच्चे कैन यू प्लीज लाइक द सेशन सेशन को लाइक like कर देंगे मेरी बहुत मेहनत लग रही है है ना? मेरी बहुत मेहनत लग रही है बच्चे कैन यू प्लीज लाइक द सेशन चलो आ जाओ इको कितना टाइम हुआ हमें पढ़ाते हुए अभी दो घंटे बीस मिनट हुआ है तीन घंटे मैंने बोला था ना तीन घंटे में हम खत्म कर लेंगे मुझे लग रहा है हम कर लेंगे खत्म मुझे लग रहा है हम खत्म कर पाएंगे हाँ चलो बच्चे इनाटमी में डिटेल में ना तीन चार बार करा चुकी हूं यहां पे इसी आ, चैनल पे आपको अगर डिटेल में पढ़ना है आप वहां से देखेंगे कल का जो सेशन होने वाला है वो बच्चे रिवीजन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रिवीजन ओके चलो चलो इकोसिस्टम बच्चे इकोसिस्टम के हम इको सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं आपका प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे हम डिकॉम्पोजिशन पढ़ेंगे एनर्जी का फ्लो देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग देखेंगे दिस इज योर चैप्टर अब आ जाओ इको सिस्टम पे क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है इसमें ए बायोटिक फैक्टर्स आते हैं बायोटिक आते हैं हमने पढ़ा अभी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में सारे फैक्टर्स पढ़े ठीक है ए बायोटेक में बच्चे आपके पानी हवा सॉयल ये सब आ जाएंगे यहाँ पे आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे टर्म इको सिस्टम किसने दिया था इट वॉज गिवन बाई टें ठीक है फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है बच्चे संसार में है ईपी ओडम इंडिया में है रामदेव मिश्रा इंडिया में कौन है रामदेव मिश्रा ठीक है चलो अब आपके जो इकोसिस्टम है उसके टाइप्स क्या होते हैं एक तो टेरिस्टियल हो जाएगा ज़मीन वाला पानी वाला हो जाएगा इक्वाटिक एक मैनमेड हो जाएगा बच्चे जो इंसान ने बनाया अब जमीन वाला कौन सा है फॉरेस्ट ग्रास लैंड इक्वटिक कौन सा भाई सारे के सारे नदियाँ लेक स्पॉन्च सब डाल दो क्रॉप फील्ड एक्वेरियम मैन मेड पॉइंट ये सब क्या है बच्चे मैनमेड है याद रखना यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पूरा का पूरा मेरा बायोस्फिर क्या है ग्लोबल इकोसिस्टम है और ये वाली चीज हमने अभी करी थी स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है वर्टिकल लेयरिंग जो बन जाती है तो मैं इसको दोबारा नहीं बता रही हूँ आपको एंड सिक्स थर्टी पीएम पे सिक्स थर्टी पीएम पे नो बडी इज गोइंग टू मिस द मॉक टेस्ट ठीक है बच्चे आई एश्योर यू सेवनटी मिनट्स में हम वन हंड्रेड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैं आपको सारे एक्सप्लेन भी करने वाली हूं ओके okay? चलो चलो हे hey! do नॉट एंगेज do नॉट एंगेज इनकमिंग इनकमिंग स्पैमर्स इनकमिंग स्पैमर्स do नॉट एंगेज do नॉट एंगेज do नॉट एंगेज समझ रहे हो समझ रहे हो मेरी बात ठीक है ठीक है <laughs> चलो आगे बढ़ो चलो इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है बच्चे इकोसिस्टम का फंक्शन होता है एनर्जी बनाना जैसे कि ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस करेंगे उस खाने को किसी से किसी का यूटिलाइज कोई ना कोई यूटिलाइज़ करेगा जैसे कि हम हैड्रोट्रॉप्स फिर भाई हम भी मर जाएंगे और प्लांट भी मर जाएंगे सब मर जाएंगे और हम सबका क्या हो जाएगा डीकम्पोजिशन हो जाएगा डी <laughs> हो जाएगा चलो अब अच्छे पोंड के इको में क्या क्या चीजें होती हैं ऑटोट्रॉफ कंज्यूमर एंड डीकम्पोजिजर हर जगह होते हैं जैसे कि पौंड में अगर मैं बात करूँ तो फाइटो प्लैक्टन्स एलगे फ्लोटिंग एंड सबमर्ज प्लांट्स ये आपके क्या हैं ऑटोट्रॉप्स हैं अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर्स की तो जू प्लैंक्टन्स फ्री स्विमिंग जिसको हम नेक्टोन्स बोलते हैं बॉटम ड्वेलर जिनको हम बेंथोस बोलते हैं वो सब आपके किस में आ गए कंज्यूमर्स में आ गए अगर मैं डिकम्पोजर की बात करूं तो बैक्टीरिया फंगाई एंड फ्लैजलेट्स आपके आ गए डीकम्पोजर्स में ठीक है चलो आ जाओ प्रोडक्टिविटी बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट चलो यस 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 कम ऑन कम ऑन ऑन व्हाट इज प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी क्या होता है प्रोडक्टिविटी इज मम्मी का एग्जांपल दे दिया जाए चलो मम्मी ने बनाया खाना मम्मी ने कितना खाना बनाया दैट इज़ प्रोडक्टिविटी ठीक है एक्चुअली दैट इज़ प्रोडक्शन सॉरी मम्मी ने जितना खाना बनाया दैट इज़ प्रोडक्शन मम्मी ने दस रोटियां बनाई दो सब्जी बनाई ठीक है एक कढ़ाई भर के चावल बनाए वो क्या है प्रोडक्शन है प्रोडक्शन है ठीक है मम्मी ने किस स्पीड पे ये चीज़ें बनाई वो है प्रोडक्टिविटी दैट इज प्रोडक्टिविटी अब क्योंकि मम्मी ने पहली बार खाना बनाया है घर में कौन खाना बना रहा है मम्मी ने ही बनाया ना तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तुम वो खाना खाओगे तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें बनेंगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी लेकिन मम्मी अपने लिए भी तो खाना रखेंगी मम्मी अपने लिए भी तो खाना रखेंगी ना बच्चे उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस ठीक है उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी लॉसेस या रेस्पिरेशन लॉसेस तो क्या हुआ आपने जो खाना बनाया बायोमास बनाया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ठीक है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन उसको आप कैसे लिखेंगे किलो कैलोरीज में, में मेजर कर सकते हो या ग्राम में, में, में मेजर कर सकते हो है ना ओके okay. अब बच्चे प्रोडक्टिविटी क्या था रेट किस रेट पे किस स्पीड पे बनाया तो इसको आप कैसे मेजर करेंगे दिस इज प्रोडक्टिविटी कहाँ गई किधर है हाँ ये, रह, ये, रह, ये, रह. ये रह, ठीक है पर ईयर आ गया ना पर ईयर ओके okay. तो एक आपकी होगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मम्मी ने जो पूरा खाना बनाया दस रोटियां एक कढ़ाई में भर के चावल है ना यस yes. एक कढ़ाई में भर के चावल राइट right, राइट right. हाँ यार यार छोड़ो मैं फिर से बोलूंगी do not engage do not engage do not engage this is what they want this is what they want do not engage do not engage ठीक है Okay, चलो कोई बात नहीं डन 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 बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय गार्डियंस वो कभी भी किसी और के सेशन में जाके किसी और टीचर को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते मैं मैं बड़े बहुत ही मतलब मैंने अपने बच्चों को इतनी चीज़ें सिखाई हैं कि वो उनको पता है कि कहाँ पे जाके किस तरह की बात करनी है बस यस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई बच्चा वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ जो मम्मी ने खाना बनाया किस स्पीड पे बनाया वो है ना फिर बच्चे हमने बोला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि भाई मम्मी ने जो खाना बनाया वो अपने लिए भी तो रखेंगी बचा हुआ खाना आपको मिलेगा दैट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है जी चलो ओके हाँ जी बच्चे देखो आपको डॉक्टर बनना है जब आपको इतने अच्छे इतने नोबल प्रो, प्रोफेशन में जाना होता है आपको बात करने की अगर अकल नहीं है ना बच्चे देन यू आर यूजलेस उस डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता है जो जिसको बात करने की ही अकल नहीं होती है उसको कोई डॉक्टर ही नहीं समझता है ठीक है ना तो दिस इज द बेसिक थिंग ये सबसे बेसिक चीज़ है अगर किसी को बात करना ही नहीं आता अगर किसी को ये नहीं पता किसी को रिस्पेक्ट कैसे करना है और किस तरह की बात करनी चाहिए बच्चे वो पहला ही उसमें फेल हो गया फेल फेल चल ठीक है हाँ चलो जी ओके तो बच्चे रेस्पिरेशन में जो आपने यूज़ करी वो हो गई आपकी रेस्पिरेटरी लॉसेस या फिर रेस्पिरेशन लॉसेस ओके जी चलो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की तुमने वो खाना खाया तुमने खाना खाया तुम्हारे अंदर भी कुछ, कुछ ना कुछ बनेगा यार है ना बोलते ना अरे आज तो बहुत खा लिया लग गया मेरे को ये खाना लग गया क्यों लग गया क्योंकि तुमने भी कुछ नया बनाया होगा दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बायोस्फेयर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है 170 बिलियन टन्स कितनी है 170 बिलियन टन्स है ठीक है यस yes. झोला अच्छा आप डॉक्टर है बिल्कुल बिल्कुल हाँ <laughs> चलो आ जाओ और बच्चे आपकी ओशंस की कितनी है 55 बिलियन टन्स अब तुम बोलोगे मैम इनकी कम क्यों है इनकी कम इसलिए बच्चे यहाँ के प्लांट इतने एफिशिएंट नहीं होते जितने आपके टेरिस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इसलिए इनकी कम है डीकॉम्पोजिशन क्या होता है वॉट इज डीकॉम्पोजिशन हाँ ठीक है वॉट इज डीकॉम्पोजिशन अच्छा तनिष्का लेकिन मम्मी अपने लिए रखती है ना चलो डिकॉम्पोजिशन क्या है बच्चे जब हम मर जाएंगे क्या क्या होगा सड़ेंगे ना हम सड़ जाएंगे ना वही है डिकॉम्पोजिशन हमारा सड़ना तो इसके लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन चाहिए ठीक है आपको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो मरी हुई चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं डेटराइटर्स जो मरी हुई चीज़ को तोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं डेटरीवोर तो जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स uh, uh, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तोड़ के मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ आई एम योर डेटरी वोर है ना आई एम योर डेटरी वोर चलो अब फटाफट से इसके स्टेप्स देखते हैं ठीक है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डी कॉम्पोजिशन के क्या स्टेप्स हैं दीज आर द स्टेप्स दीज आर नॉट द साइट These are the steps of decomposition. Steps of of decomposition. ठीक है चलो देखे fragmentation है बच्चे पहले तोड़ोगे तुम कौन तोड़ेगा आके अर्थवॉर्म तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़े कर देगा अब उसके बाद क्या होगा आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो यहाँ जो आपका सरफेस एरिया फ्री हुआ ना अब ये देखो इसके साथ पानी मिलके जो भी चीज पानी के अंदर घुल सकती है इनऑर्गेनिक चीज वो नीचे चली जाएगी जो भी चीज पानी के साथ घुल सकती है वो नीचे चली जाएगी चली गई इसको बोलते हैं लीचिंग क्या बोला जाता है <laughs> लीचिंग मैम ने स्पैमर्स को डिकम्पोज कर दिया ठीक <laughs> है इसको बोला जाता है लीचिंग देन बच्चे यू हैव कैटाबॉलिज्म देन यू हैव कैटाबॉलिज्म ये क्या होता है भाई इतने छोटे टुकड़ों से हमारा काम नहीं चलेगा का, हमें और ज्यादा तोड़ना पड़ेगा चीज़ों को और ज्यादा तोड़ने के लिए हमें थोड़ी और छोटी चीजें चाहिए जैसे कि फंगाई एंड बैक्टीरिया जैसे कि फंगाई एंड बैक्टीरिया ठीक है चलो जैसे कि फंगाई एंड बैक्टीरिया अब अच्छे उसके बाद क्या होता है ये जो तीनों स्टेप है ना मैंने जो यहाँ पे बताए फ्रैगमेंटेशन लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म ये एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली होते हैं अगर आपको कोई पूछ लेना कि पहले कौन सा होता है दूसरा हो नहीं। आप बोलोगे तीनों एक साथ हो रहे हैं तीनों एक साथ हो रहे हैं ठीक है चलो ओके okay? चलो चलो, चलो। आ जाओ तो ह्यूमिफिकेशन क्या है बच्चे ह्यूमिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप है विच इज ह्यूमस का बनना ह्यूमस क्या है ह्यूमस को मैं क्या बोलती हूँ बच्चे बैंक है क्या है ह्यूमस बैंक है बैंक के अंदर आप पैसे रखेंगे तो इसके अंदर भी हम पैसे रखेंगे इसके अंदर पैसे क्या है प्रेश चीज़ क्या होती है सॉइल के अंदर मिनरल ठीक है न्यूट्रिएंट्स रखेंगे आप इसमें क्या है ये कैसा होता है एमॉर्फस होता है मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता डार्क होता है और क्या बहुत ही टफ होता है इसका डिकॉम्पोजिशन स्लो होता है और होना भी चाहिए एकदम से सारे न्यूट्रिय थोड़े ना दे देगा आपने फिर बच्चे हम क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें से तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के ना न्यूट्रिएंट्स निकालते रहते हैं हम बोलते हैं थोड़ा सा दे दो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट दे दो प्लांट को चाहिए प्लांट को चाहिए इसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन दिस इज नोन एज मिनरलाइजेशन माइक्रोब्स एक्ट करेंगे और मिनरल्स को निकाल लेंगे ठीक है हाँ थोड़ा टाइम लगता है यार लेकिन हो जाएगा चलो नाउ वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन भाई स्लो होगा या फास्ट होगा कैसा होगा कैसे होगा मतलब स्लो कैसे होगा फास्ट कैसे होगा स्लो होगा अगर आपका डेट्राइटस है रिच इन लिगनिन तो बच्चे क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा लिग्निन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है लिग्निन को तोड़ना क्या है मुश्किल है है ना हाँ चलो ह्यूमिफिकेशन इज बच्चे ह्यूमस का बनना ह्यूमस क्या है ह्यूमस इज अ लेयर इन योर सॉयल जिसके अंदर सारे न्यूट्रिय हैं ठीक है जैसे बैंक के अंदर सारे पैसे रखे हुए हैं वैसे ह्यूमस के अंदर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं और ह्यूमस कैसा है कि उन न्यूट्रिएंट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है जो कि हमें चाहिए भी हम नहीं चाहते कि एकदम से रिलीज़ हो जाए हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हम चाहेंगे आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो ठीक है चलो ओके आ जाओ सो so, बच्चे जहाँ लिग्निन एंड काइटिन होएगा वहाँ पर स्लो हो जाएगा टेम्परेचर कम हो गया तो स्लो हो जाएगा अगर ऑक्सीजन नहीं है तो स्लो हो जाएगा वेयर एज उल्टा कर दो सब कुछ अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है शुगर ज़्यादा है तो मस्त तेज वार्म मॉइस्ट कंडीशन मस्त तेज ऑक्सीजन ज्यादा मस्त तेजी से चलेगा अब आ जाओ बच्चे एनर्जी फ्लो पर नाउ विल टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो में क्या आएगा आपका टेन परसेंट लो आ जाएगा आपका जो प्लांट है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते ना कितनी को बच्चे आपकी लेस देन फिफ्टी परसेंट ही है जो उनके लिए यूजफुल है विच इज फोटो एक्टिवली सॉरी फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बाकी उसके लिए यूजलेस है उसमें से भी वो सिर्फ दो से दस परसेंट यूज कर रहा है उसमें से भी वो दो से दस परसेंट यूज कर रहा है है ना ओके okay. चलो देन बच्चे यू हैव इको सिस्टम इको सिस्टम आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी ओबे करता है फर्स्ट को भी करता है बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर वही हो रहा है यहां पे भी यहां पर भी वही हो रहा है बच्चे ठीक है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहां ट्रांसफर कर रहे हैं कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स हैं कार्निवर्स हैं इन सब में ट्रांसफर कर रहे हैं फूड चेन आपका कैसा होता है दो तरह का हो सकता है इट कैन बी ग्रेजिंग इट कैन बी डेटराइटर्स ग्रेजिंग किससे शुरू हो रहा है बच्चे ग्रेजिंग शुरू होता है प्रोड्यूसर के साथ किससे शुरू होता है प्रोड्यूसर के साथ शुरू होता है है ना जी ओके okay. कैसे शुरू होता है बच्चा प्रोड्यूसर से शुरू होता है ग्रेजिंग आपका एंड जैसे कि अगर मैं बात करूं घास घास को खाया बकरी ने बकरी को खाया शेर ने तो ये आपका प्रोड्यूसर है ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है ठीक है ये कहा ऑपरेट करेगी ज्यादा बच्चे ये ऑपरेट करेगी आपके इक्वैटिक सिस्टम में दोनों इक्वाटिक में भी होते हैं टेरिस्टियल में भी होती है लेकिन ज्यादा कहां ऑपरेट करेगी इन इक्वैटिक अब और बच्चे जो आपका टेरिस्टल होता है ना उसमें ज्यादा मेन रोल किसका होगा डेटराइटस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इसके बिना आपका एनर्जी फ्लो होना मुश्किल है तो ये किससे शुरू होगी डेड एंड डीकेइंग से शुरू होगी हो है ना कोई भी मरी हुई चीज़ है उससे शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं जाके दोनों मिल जाती हैं कहीं ना कहीं जाके दोनों मिल जाते हैं जैसे कि जहाँ पे ओमनीवोरस आपके ऑर्गेनिजम्स आ, आ गए कॉकरोच है कॉकरोच तो मरी हुई चीज़ों को भी खा लेता है डेटराइटस का भी पार्ट बन गया और कॉकरोच जो प्लांट वगैरह हैं उनको भी खा जाएगा तो उसका भी पार्ट बन गया है ना मिल जाएंगी ना देन बच्चे यू हैव फूड वेब बहुत सारी फूड चेंज अगर मिल जाए तो फूड वेब बन जाता है क्या बन जाता है एक जाला बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फूड वेब ठीक है जिसको हम बोलते हैं फूड वेब ओके okay, ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें चलो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बच्चे इट इज प्रोड्यूसर जिसको हम बोलते हैं टीवन फिर उसके बाद आएगा कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम बोलेंगे टी टू फिर उसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं टी थ्री देन यू हैव टर्शरी कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं टी फोर और टी फोर के बाद टी फाइव हो सकता है लेकिन उससे आगे नहीं हो सकता T5 से आगे नहीं होता बच्चे कुछ भी क्योंकि एनर्जी नहीं बचती इतनी ये देखो पहले लेवल से दूसरे पे गए तो 90 परसेंट आपकी लूज हो गई सिर्फ 10 परसेंट ऊपर गई फिर बच्चे फिर से आपकी 10 परसेंट ही गई इधर इंटी परसेंट हीट की फॉर्म में लूज हो गई फिर से आपकी सिर्फ दस परसेंट ही गई नाइनटी परसेंट हीट के फॉर्म में लूज हो गई है ना ओके okay? और इसी को ला, इसी को हम बोलते हैं टेन परसेंट लॉ ऑफ टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी विच वॉज गिवन बाई लिनमैन ठीक है विच वॉज गिवन बाई लिनमैन ओके अब बच्चे यहां पे देखो एक चीज स्टैंडिंग क्रॉप वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज स्टैंडिंग क्रॉप क्रॉप कैसी होती है लिविंग होती है हां जी लेकिन क्रॉप का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ प्लांट लेंगे क्रॉप का मतलब है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धर धर्त, धरती के ऊपर हैं लेकिन लिविंग है मरे हुए नहीं चाहिए लिविंग है ठीक है उनका बायोमास कितना है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप वेरी इंपॉर्टेंट ड्राई लेना है वेट क्योंकि पानी क्या है पानी तो कॉमन फैक्टर हो गया ना तो हम ड्राई वेट ही लेते हैं तो हम ड्राई वेट ही लेते हैं है ना जी ठीक है चलो आ जाओ अच्छा बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है ठीक है इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है देखो पिरामिड्स आपके तीन तरह के होंगे एक होगा पिरामिड ऑफ नंबर सबसे पहले आप हमेशा प्रोड्यूसर्स को ही रखने वाले हो देखो जैसे यहाँ पे यहाँ आपकी घास है घास को रैबिट ने खाया रैबिट को ईगल ने खाया घास बहुत ज्यादा होगी रैबिट थोड़े कम होंगे लीगल ईगल और भी कम होगी तो देखो कैसा बन रहा है दिस इज पिरामिड दिस इज द पिरामिड ठीक है ये मेरी जो आर्म्स हैं उनमें ये चमत्कार क्या हो रहा है ओके <laughs> ठीक okay, है चलो तो ये ज्यादा है ये <laughs> थोड़ी कम है ये थोड़ी, है, थोड़ी, है, थोड़ी है, तो ऐसा बन गया दिस इज अपराइट पिरामिड ये कैसा है अपराइट है ये कहाँ होगा बच्चे योग ग्रास लैंड में वेरी इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड में होगा देन यू हैव इनवर्टेड ये कहाँ होगा ये होगा ट्री फॉरेस्ट में कैसे ट्री में या फॉरेस्ट में आपके पास पेड़ कितना है एक है उस पेड़ के ऊपर बर्ड्स कितनी हैं दो सौ हैं उन दो सौ बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट कितने हैं बीस हजार हैं ठीक है बीस हजार हैं ठीक है, है. ना बीस हज़ार है नहीं नहीं ये ना उसकी वजह से होता है वो ग्रीन स्क्रीन ना मैंने आपको बताया था ना आई एम इन अ वेरी आई एम इन अ डिफरेंट बिल्डिंग फॉर सम डेज़ क्योंकि मेरी जो बिल्डिंग थी उसमें काफ़ी कुछ काम सा चल रहा था काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी थी तो थोड़ी आवाज़ आनी थी इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए दूसरी बिल्डिंग में आ गई हूँ तो अब वो सेटअप यहाँ पे कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट सब कुछ लेके आना ठीक है वहाँ तो प्रॉपर सा था यहाँ पे थोड़ा काम चलाऊ सा करा हुआ है <laughs> इसलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है ठीक है चलो ओके okay, चलो भाई तो इसलिए बच्चे ये क्या हो गया इन्वर्टेड हो गया याद रखना इन्वर्टेड कहाँ मिलेगा ट्री या फिर फॉरेस्ट इको सिस्टम में हा एंड मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब अपने घर वापस जाऊं अपने घर का अपना ही वो होता है ना मजा है ना हाँ तुम्हारे लिए मैं मैंने शिफ्ट कराया नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी शिफ्ट करने की मेरे को क्या फर्क पड़ता है आवाज का मैं तो रह सकती हूँ फिर तुमने करना तो मैं हम आवाज आ रही है मैं ये बहुत हो रहा है है चलो होगा 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 बच्चे ग्रास में ही ठीक है? क्योंकि इनका ज़्यादा जो आपकी घास है फिर फिर उसके ऊपर जो जो था उसका वेट थोड़ा कम होगा बच्चे जो उसको खा रहा था ईगल उसका वेट थोड़ा और कम हो जाएगा है ना अब मैं अगर इन्वर्टेड की बात करूँ तो बच्चे इक्वाटिक में मिलता है समझ लो इसको ये है तुम्हारे फाइटो ओके ये है तुम्हारे जू पटन जो फाइटो प्लैंगटन को खाते हैं ये है तुम्हारी स्मॉल फिश जो जू प्लैंगटन को खाएगी अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे क्यों इन्वर्टेड है देखो बच्चे इसलिए ये जो आपके फाइटो प्लैंगटन होते हैं ना इनका ये बहुत छोटे होते हैं पहली बात तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं दूसरी बात एट अ गिवन टाइम इनका ये बच्चे क्या होते हैं ना जल्दी पैदा होते हैं जल्दी मरते हैं जल्दी पैदा होते हैं जल्दी मरते हैं ठीक है तो जब मैं एक पिरामिड बना रही हूँ मैं मरे हुए को तो नहीं काउंट करूंगी उनका वेट नहीं लूँगी मैं तो जिंदा की बात करूँगी है ना और ये जो जू प्लैंगटन है ना इनको जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं दैट इज़ वाई इनका नंबर काफ़ी कम है बच्चे सेम थिंग गोज़ विद द फिश एंड ज़ू प्लैंकटन फिश भी जू प्लैंगटन को बहुत जल्दी जल्दी खा रही है इसलिए इनका जो नंबर है वो कम हो जाता है और ये जो आपका पिरामिड है वो उल्टा आता है कैसा आता है उल्टा आता है है ना? चलो हाँ आप बोल दो बीप साउंड आ रही है यहाँ पे क्या करूँ मैं फिर बताओ मतलब मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है मैं अपने घर में नहीं हूँ इस टाइम अपने घर पे रहने में कितना कंफर्ट मिलता है है ना एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है मैं वैसे ही स्ट्रेस्ड रहती हूँ आप अपने घर पे रहते हो तो आपको और भी अच्छा लगता है बट ओनली बिकॉज ऑफ यू आईव मूव टू दिस डिफरेंट डिफरेंट यू नो सेटअप ठीक है यस चलो आ जाओ बस खत्म होने वाला यार 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 एनर्जी वाला बच्चे हमेशा अपराइट रहता है क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी आपको यही मिलती है ओके मूविंग ऑन ये बोल रहा है कि कैन सम ऑर्गेनिज्म मोर देन ट्रॉफिक लेवल यस जैसे कि मैंने कॉकरोच की बात करी थी वो मोर देन वन ऑक्यूपाई कर सकता है चलो आ जाओ लिमिटेशन क्या है बच्चे इनके क्या हमने इसमें स्पोरोफाइट्स को इंक्लूड करा नहीं क्या हमने इसमें फूड वेब को इंक्लूड करा नहीं क्या हमने इनको इसमें उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करा जो दो लेवल पे होते हैं जैसे कॉकरोच वो तो प्लांट को भी खा रहा है वो डेड को भी खा रहा है नहीं ना नहीं करा इकोलॉजिकल सक्सेशन पे आ जाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है सक्सेशन क्या होता है बच्चे सक्सेशन सक्सेशन uh, होता है एक बंजर या फिर एक uh, क्या बोलते हैं उसे बंजर ही बोलते हैं ना एक बंजर भूमि में फूल खिल जाना इज इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब तुम सोचो कि एक पहाड़ है एक रॉक है एक पत्थर है पत्थर के अंदर हमने फूल खिला दिए इज सक्सेशन ठीक है सो ग्रेजुअल स्लो एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस विच स्टार्ट विद पाइनियर स्पीशीज जैसे कि लाइकन सबसे पहले पत्थर के ऊपर कौन आएगा लाइकन आएंगी लाइकन के पास कुछ इंजाइन होते हैं जो पत्थर को तोड़ सकते हैं और बच्चे पत्थर का चीना चीना पत्थर का सीना सीना बोलने वाली थी चीना नहीं छोड़ो लाइकन्स क्या करते हैं पत्थर को तोड़ देते हैं Uh, और बच्चे क्या बनाते हैं मिट्टी बना देते हैं जिसके ऊपर ब्रायोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं देन ब्रायोफाइट्स दे आल्सो हैव सम एंजाइम जो मिट्टी बना सकते हैं अब आपके पास इनफ मिट्टी बन चुकी है कि दूसरे तरह के प्लांट्स भी आ जाएँ तो आपके पास फंड्स आ जाएंगे आपके पास छोटे छोटे शब्स आ जाएंगे फिर बच्चे आपके पास ट्रीज आ जाएंगे और क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाएगी ओके ठीक है चीना अच्छा ये क्या होती हैं ये जो यहाँ पे स्टेजेस बनी इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं सीरियल स्टेजेस ओके मेरी चीना ठीक है चीना चलो इनको हम क्या बोलते हैं सीरल स्टेजेस बोलते हैं हाँ सीना चीर कर बोलना था यार वो चीना हो गया <laughs> चलो ठीक है ओके एंड okay, बच्चे ये ये क्या है दिस इज दीज आर दीरियल स्टेजेस और एक एक की बात करूँ तो ये हो गया आपका सीयर ये क्या हो गया बच्चे सियर हो गया ये हो गया आपका सियर नाउ अब आपका सक्सेशन दो तरह का हो सकता है या तो बच्चे प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा इसका एग्जाम्पल मैं कैसे देती हूँ हमेशा एक बच्चा जो ड्रॉपर है और एक बच्चा जो फ्रेशर है जो फ्रेशर है बच्चे उसको सारी चीज़ें शुरू से करनी पड़ेंगी या सारे कॉन्सेप्ट शुरू से बनाने पड़ेंगे जो ड्रॉपर है उसको काफ़ी चीज़ें आती हैं ठीक है थीके? तो उसको ज़्यादा जल्दी से चीज़ें समझ में आएंगी तो ये जो सक्सेशन है बच्चे वहां होता है जहाँ पहले कभी कोई भटका फटका ना हो ठीक है वहाँ होता है ये चलो वो वहां होता है अगर बच्चे ऐसी जगह पे सक्सेशन हो रहा है जहां पर पहले से ही चीजें थी तो हम उसको सेकेंडरी बोलते हैं इसका एग्जाम्पल है बेयर रॉक्स नया नया वॉलकैनो फटा है तो वहां पे लावा आया है वो ठीक है फ्लडेड लैंड्स बर्न फॉरेस्ट अबंडेंट क्रॉप फील्ड्स आप छोड़ के चले गए वो क्या सेकेंडरी सक्सेशन है ये बच्चे स्लो होता है ये फास्ट होता है ठीक है क्योंकि यहाँ मिट्टी नहीं बनी है और यहाँ मिट्टी बनी हुई है यहाँ बेस बना हुआ है ना बच्चे का <coughs> अब हम बात करेंगे हाइड्रोसियर पानी में जो शुरू होगा सक्सेशन एंड जीरो होगा तुम्हारे कहा जगह पे ड्राई जगह पे एक सेकेंड मुझे तुम्हें एक डायग्राम शेयर करना है तुम्हारे साथ इकोसिस्टम का आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस नॉट no, दिस हाँ ये 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 बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चे ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जस्ट लुक एट द हाइड्रोसियर में जो आपकी स्टेजेस हैं ना उनको देखेगा सबसे पहले क्या फाइटोप्लैक्टन है विच इज अ पाइनियर स्टेज ठीक है फिर उसके बाद बच्चे क्या है सबमज प्लांट स्टेज है दिख रहे हैं ना सबमज है फिर बच्चे आपके पास सबमज फ्ली फ्री फ्लोटिंग आ गई ये ये यहाँ ऐसे होंगे ये फ्री फ्लोटिंग आ गए फिर उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा ये याद रखनी आपको ये मैंने अपने नोट्स में लगाया हुआ है डाला हुआ है उसके बाद आपके पास आ गए रीड स्वाम्प स्टेज ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल पर्पल करा हुआ है ये है आपकी रीड स्वाम्प स्टेज देन बच्चे आपके पास आ गए मार्शिस ठीक है उसके बाद आपके पास आ गए मार्शेस ये क्यों नहीं इरेज हो रहा है हो गया हो गया मार्शेस का है ये ये वाली जो स्टेज है ना आपकी जहां थोड़ा थोड़ा पानी है और जहाँ थोड़ा थोड़ा लैंड भी है वो है मार्शेस देन बच्चे आपकी आ जाएगी स्क्रब स्टेज वुडलैंड स्टेज मतलब ये जो छोटे छोटे से आपके ट्रीज आ गए ना ये है आपकी वुडलैंड स्टेज और जब पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन गया ये हो जाएगी तुम्हारी फॉरेस्ट स्टेज या फिर क्लाइमेक्स मैंने यहां लिखा हुआ है सब कुछ ठीक है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है सेम चीज होने वाली है आपके जीरो सेयर में कैसे ड्राई वाला कैसे शुरू होगा बच्चे लाइकन से शुरू होगा ये तो हमने अभी डिस्कस करा था वेदरिंग ऑफ रॉक होगा रॉक को तोड़ेगा ये सॉइल बनाएगा ब्रायोफाइट्स देन श्रब्स एंड देन फॉरेस्ट बन जाएगा कोई भी आपका सक्सेशन हो रहा हो चाहे बहुत पानी से हो रहा हो चाहे ड्राई जगह से हो रहा हो आके कहाँ खत्म होगा नीजोफिटिक कंडीशन पे नॉर्मल वाटर कंडीशन या फिर मीडियम वाटर कंडीशन पे ही खत्म होने वाला है चाहे हाइड्रोसियर हो चाहे सियर हो हाइड्राक या फिर जेराक भी आप इनको बोल सकते हैं अब आ जाओ बच्चे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे जिसको हम बोलते हैं बायोजियो केमिकल साइकल इसको क्या बोला जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल बोला जाता है ठीक है बायो yes. uh, क्यों क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होंगे जियो क्यों क्योंकि इसमें पत्थर आएंगे इसमें मिट्टी आएगी इसमें हवा का रोल होगा इसमें पानी का रोल होगा आप बोला कि न्यूट्रिएंट कभी लॉस नहीं होते ठीक है दे आर जस्ट रीसाइकल्ड दे आर रिजेक्टेड नहीं है बच्चे कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आप समझ सकते हैं ऑब्वियसली इट इज नॉट रिजेक्टेड इट इज रीसाइकल्ड ठीक है इट इज री साइकल्ड ठीक है मैंने क्या करा था मैंने अपने नोट्स दिए थे uh, किसी को बनाने के लिए कभी कभी क्या होता है उनको समझ में नहीं आता तो लिख देते हैं कुछ भी चलो आ जाओ साइकल्स कैसे आपके गैशियस हो सकते हैं सेडिमेंट्री हो सकते हैं गैशियस क्या है जिसका रिजर्वा कहाँ होगा एटमॉसफियर में होगा कहाँ होगा बच्चों एटमोसफेयर में होगा ठीक है जैसे कि नाइट्रोजन एंड कार्बन सेडिमेंट्री क्या है जिनका रिजर्वायर कहाँ होगा अर्थ के क्रस्ट में होगा जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फरस ओके अब स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है समझ लो स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है स्टैंडिंग स्टेट इज एक हमने स्टैंडिंग क्रॉप पढ़ी थी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप एक हम स्टैंडिंग स्टेट पढ़ते हैं बच्चे व्हाट इज दैट दैट इज मेरे पास कितने मिनरल्स हैं, ठीक है ठीक है मेरे पास कितने मिनरल्स हैं राइट मेरे पास कितने मिनरल्स हैं बच्चों है ना तो जो मेरे पास वो मिनरल्स है ना तो so, मेरे पास जो ये अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है प्रेजेंट इन सॉयल वो हो जाता है स्टैंडिंग स्टेट वो हो जाता है स्टैंडिंग स्टेट आ जाओ अब हम देखते हैं कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल बस बच्चे उसके बाद अपना चैप्टर खत्म ही होने वाला है कार्बन <coughs> साइकिल में कुछ चीजें देख लो जो कार्बन साइकिल में एक दो चीजें मैं तुम्हें बता देती हूँ यू हैव टू रिमेंबर सम फैक्ट्स एंड दीज आर दीज आर बच्चे की बला ये बलाइए वाला, बलाइए ये फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द ड्राई वेट आपका क्या है कार्बन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर ठीक है ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द कार्बन इस बच्चे कहाँ मिलता है ओशन्स के अंदर डिजोल्व हो गया ठीक है डिजोल्व हो गया कितना आप कार्बन फिक्स कर लेते हैं एक साल में फोर पॉइंट टेन रेज टू पावर थर्टीन आप फिक्स कर लेते हैं एक साल में अब हम देख लेते हैं ये वाला <coughs> डायग्राम एक्चुअली <coughs> इसको यहीं से देखते हैं यहाँ ज़्यादा क्लियर है ये ज़्यादा क्लियर है ठीक है तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको यह करवाया था कुछ दिन पहले यह करवाया था तो उसमें मैंने क्या करा था कि जो पर्पल कलर है बच्चे यहां पे दैट इज योर जब आप कार्बन को यूज कर रहे हैं सीओ टू को यूज कर रहे हैं ठीक है सीओ टू को यूज कर रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं भाई पानी के अंदर डिजोल्व हो गया हो गया ना डिजोल्व ठीक है डिजोल्व हो गया बच्चे कैलकेरियस सेडिमेंट्स बन जाएंगे आपको कार्बन चाहिए होगा ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना कई जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वो बनते हैं शेल वगैरह बनते हैं देन बच्चे आपका कार्बन यूज़ होगा किससे प्लांट यूज़ करेंगे फोटो के लिए यूज़ करेंगे ऐसे यूज़ हो गया कुछ कार्बन बच्चे आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स बन गए और कुछ कार्बन आपका यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया इसने क्या बना ली सेडिमेंट्री रॉक्स बना ली जैसे कि लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट ये वाला कार्बन आउट ऑफ सर्कुलेशन चला जाता है ये कभी भी सर्कुलेशन में नहीं रहेगा ठीक है ये क्या कहूँगा आउट ऑफ सर्कुलेशन चला जाएगा अब ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे कार्बन हम एटमोसफेयर में ऐड कर रहे हैं देखिए ज़रा रेस्पिरेशन से बच्चे चाहे पानी में हो आपके एनिमल्स या फिर आपके एनिमल्स या प्लांट टेरिस्ट्रियल हो लैंड पे हो तो हम क्या कर रहे हैं रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये देखो रेस्पिरेशन हो रहा है कुछ भी चीज़ हम जला रहे हैं बच्चे उससे सी ओ टू हम ऐड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में ये देखो चाहे हम कुछ भी जला रहे हैं फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं या फिर हम लकड़ी जला रहे हैं कुछ भी जला रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं ठीक है हम ऐड कर रहे हैं राइट ठीक है सो दिस इज योर कार्बन साइकिल क्या है आपका कार्बन साइकिल है एक सेकेंड ये वाला नहीं चाहिए मुझे ये वाला चाहिए हाँ ये देखो बच्चे कार्बन साइकिल और साइकिल में क्या फर्क है कार्बन और साइकिल और साइकिल में ये फर्क है कि कार्बन साइकिल आपका एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है साइकिल नहीं है कार्बन साइकिल का आपका गैशियस एक्सचेंज होता है एंड इसका नेग्लिजिबल होता है इसका क्या होता है बच्चे निगलिग... ये ये थोड़े ना ये तो पत्थरों में मिलता है फॉस्फरस आपको पत्थर में मिलता है तो अभी हम देखते हैं फॉस्फरस साइकिल ये है आपका फॉस्फरस साइकिल पहले तो फॉस्फरस कहां कहाँ मिलेगा आपको किधर किधर आपको फॉस्फोरस मिलता है बच्चे किस किस चीज़ में आपको फॉस्फोरस मिलता है आपको फॉस्फोरस मिलता है फॉस्फोलिपिड्स में न्यूक्लिक एसिड में दांत में शेल में बोन्स में ए बनाने में इसका नेचुरल रिजर्वायर कहाँ होता है फॉस्फेट कहाँ होता है रॉक्स में होता है अब ये देख लो ये भी देखो इसको भी देखो ठीक है चलो हम कहानी शुरू करेंगे अपनी सॉइल से कहानी कहाँ से शुरू होगी बच्चे सॉइल से सॉइल के अंदर फॉस्फेट है कहाँ से आया ये जो रॉक्स थी ये टूटी होंगी वेदरिंग हुआ होगा तो सॉइल के अंदर ये सोल्यूशन आया ठीक है सॉइल के अंदर ये सोल्यूशन आया और उसके अंदर क्या आ गया फॉस्फोरस आ गया फॉस्फेट आ गया ये फॉस्फेट कौन लेने वाला है प्लांट लेंगे क्योंकि उनको जरूरत होती है फॉस्फेट की उनके लिए तो एक न्यूट्रिएंट है ना मिनरल न्यूट्रिएंट है ले लिया इसने ठीक है जी चलो अब प्लांट को कौन खाएगा एनिमल खाएगा खाया प्लांट भी मरेगा एनिमल भी मरेगा डेटराइटस बन गया फिर बच्चे डीकम्पोजिशन होगा फिर ये फॉस्फरस फिर से सॉयल में चला जाएगा साइक्लिंग हो रही है ना साइक्लिक हो रही है है ना पे रन ऑफ़ लिखा हुआ भाई बारिश आ गई तो ये बारिश की वजह से नदियों में चला जाएगा समुद्र में चला जाएगा तो दिस इज योर फॉस्फरस साइकिल है आपका फास्फोरस साइकिल मैंने दोनों का डिफरेंस भी बता दिया है अब अच्छे रॉबर्ट कॉन्स्टें वॉज अ जी नो यू वॉज वर्किंग ऑन इकोलॉजी इकोलॉजिकल वर्कर थे उन्होंने क्या काम करा उन्होंने बोला कि जो भी इको की सर्विस होती है ना मैं उन पर एक प्राइस टैग लगाने वाला हूँ कि कितने की होती है जैसे कि बच्चे इन्होंने बोला कि जितनी भी आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज है ना वो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है न उसके अच्छा नहीं न, वो आपको पड़ रही है थर्टी थ्री ट्रिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स पर ईयर विच इज़ देन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विच इज एटीन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जितनी भी फैक्ट्री हैं जितना भी सामान बन रहा है उस पर जितना खर्चा आ रहा है उससे दुगना खर्चा इकोसिस्टम हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि सॉयल फॉर्मेशन कितने में हो रहा है बच्चे 50 परसेंट में न्यूट्रेंट साइक्लिंग कितने में हो रही है दस परसेंट में क्लाइमेट रेगुलेशन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को हम कैसे कंजर्व कर पा रहे हैं छः परसेंट में ये सब याद रखना है आपको ठीक है ये कुछ मैंने यहाँ पे वो तो मैंने पहले ही बता देते इको इकोसिस्टम टर्म टेंसले ने दिया है इकोलॉजी टर्म बच्चे हैकल ने दिया है एंड फादर ऑफ इकोलॉजी वर्ल्ड में ई पी ओडम है इंडिया में रामदेव मिश्रा हैं ठीक है ना सो वी आर डन विद द चैप्टर एंड सिक्स थर्टी पी एम पे हमें जरूर मिलना है बच्चे आप प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करो कॉमेंट जरूर करना है सेशन का कि आपको कैसा लगा नहीं समझ में आया तो दिल एक छोड़ जाना मेरे लिए मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चों को हुई लास्ट टाइम में भी मैं आपके साथ खड़ी रही जबकि मेरी हालत वैसी है नहीं मुझे जरूर बताना ठीक है ना ओके यस हां सो सिक्स थर्टी पी पे वी आर गोइंग टू मीट फॉर द मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट के लिए बच्चे हम मिलने वाले हैं सिक्स थर्टी पीएम पे एंड कल मैं आपका एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी खत्म करवाती हूं ठीक है ओके okay. एवोल्यूशन एंड सक्सेशन साथ चलता है हाथों हाथ चलता है ओके चलो ठीक है यस ओके बच्चे बाय बाय टेक केयर या फिर मुझे बता देना यार एनाटमी और मॉर्फोलॉजी का मैं ट्वेंटी मिनट्स का सेशन बना दूं क्या ट्वेंटी मिनट्स वाला बना दूं क्या बताना मुझे ठीक है चलो बाय बाय बच्चे बाय टेक केयर